अच्छा सो एक मिनट रुकिएगा, चैट कहां पर है? ओके सो गाइस प्लीज, जिन जिनका कैमरा ऑन है वो प्लीज ऑफ करते हैं, वुड रियली अप्रिशिएट. आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन द सेशन नाउ. ठीक है, ओके सो मैं पहले एक चीज जरूर बता दूं, जबकि इट्स ऑफ टॉपिक बट क्योंकि यहाँ पे सभी कमाने के लिए बैठे हुए, ई कॉमर्स मार्केट वैसे शायद हिट हुई हो सिग्निफिकेंटली काफी दूसरे लोगों के लिए, लेकिन फ्रीलांसिंग जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा मजीद बूम कर रही है, बट मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे पास ज्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं, पहले से ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं, लोग ज्यादा मुझे पहले से बात करके मुझे ऑर्डर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल दैट. ये चार चार ऑर्डर्स ये इन क्यों हैं, बाकी चार ये रहे, ये तकरीबन $700 की मेरे टोटल वो लगी हुई है, क्यों लगी हुई है काम की. सो आई पर्सनली फील कि फ्रीलांसिंग जो है, बिकॉज मे बी लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो लोग जो हैं घर पे बैठ के काफी काम दे रहे हैं, अपने काम करवा रहे हैं फ्रीलांसर्स से, इसका काफी मेजर रीजन ये हो सकता है. ठीक है, अच्छा मैं कुछ चीजें जरा तुम लोग को फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं टॉपिक पर और बात कर लेते हैं. ठीक है, मैंने ये नोट पहले शेयर करा था, लेकिन इसमें मैंने तुम लोग को बताया है कि मैं मुस्तकिल आइट्रेशंस करता रहता हूँ काम के ऊपर. ठीक है, मुस्तकिल कोई ना कोई चीज़ें चेंज करता रहूँगा मैं, बेहतर से बेहतर करता रहूँगा मैं इन कोर्सेस को, इस कंटेंट को. ठीक है, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट हम लोग ने लास्ट क्लास हम लोग की थोड़ी सी ज़्यादा सही नहीं गई थी, बिकॉज मेरी भी तबीयत ऑफ थी और क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें ज़्यादा हुए थे, मैंने डायरेक्टली अपने कोर्स कंटेंट के ऊपर लेके नहीं आया था. तो बिकॉज आज से हम लोग वापस ट्रैक पर आएंगे, तो कुछ चीज़ें मैंने चेंज करी हैं वो भी बता देता हूँ, और इसमें प्रॉब्ली कुछ गुड न्यूज़ है तुम लोग के लिए, लेकिन इट रियली डिपेंड्स कि तुम लोग किस तरह इसको एग्जीक्यूट करते हो. एक मिनट रुकना जरा, मैं चैट भी तुम लोग के सामने रखूँ. ओके सो मैंने क्विक नोट तुम लोग को दिया था लास्ट से लास्ट सेशन में. ठीक है, योर अकाउंट विल बी अप्रूव्ड फॉर 180 डेज, दिस इज व्हेन यू अप्लाई फॉर अमेजॉन एफिलिएट. आज तुम लोग अप्लाई करते हो, आज से यू विल गेट अप्रूव्ड, बट मैंने तुम लोग को इसलिए बोल रहा था कि अभी फॉरन अप्लाई मत करो, उसका मेन रीजन मैं तुम लोग को बताता हूँ. अगर तुम लोग अप्लाई नहीं करते, अगर तुम लोग अप्लाई करते हो तो होगा क्या, तुम लोग आज अप्लाई करते हो और तुम लोग के पास वेबसाइट अभी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या तुम लोग ने टेंटेटिवली कोई डोमेन खरीद के रख लिया और वो साइट तुम लोग ने डाल दी है, अब होगा क्या, अमेजोन अगले 6 महीने के अंदर जो है ना तुम लोग का ट्रैफिक देखेगा, देखेगा कि कितना ट्रैफिक तुम लोग भेज रहे हो या टोटल तुम लोग के पास से सेल्स कितनी आई है. ठीक है, अगर 6 महीने के अंदर तुम लोग एक से लेके तीन सेल्स, कुछ लोग बोलते हैं एक, कुछ लोग बोलते हैं तीन, तो इस वजह से मैं एक से तीन के बीच में ने रख दिया है, एक से लेके तीन सेल्स के बीच में तुम लोग ले आते हो तो तुम लोग का अकाउंट जो है वो प्रोसीड करेगा, अप्रूव हो जाएगा. अमेजोन ऑफिशियली अपनी तरफ से एक ईमेल निकालेगा जिसमें उसने लिखा हुआ होगा कि हमारी तरफ से ये अकाउंट अप्रूव्ड है, और अगर अप्रूव नहीं होगा तो बता देगा डिसअप्रूव्ड है. डिसअप्रूव होने के क्या रीजन हो सकते हैं वो मैं तुम लोग को बता देता हूँ अभी, एक सेकेंड में, एक मिनट रुकना जरा. मैंने कुछ चीजें जो हैं हाईलाइट कर दी है मैंने यहाँ पे. एसोसिएट्स प्रोग्राम पॉलिसीज हमारे पास ये सारी हैं, ये क्लिकेबल लिंक्स हैं, तुम लोग को मैं अपडेटेड स्लाइड की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसके थ्रू चले जाना और अपनी तरफ से चेक कर लेना, लेकिन मैंने इसका एक समराइज्ड फॉर्म इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे डाला हुआ है. ये सारी वो पॉलिसीज हैं जो तुम लोग को गो थ्रू करनी है अगर तुम लोग अमेजोन एसोसिएट्स के में एनरोल करना चाह रहे हो, उससे कुछ पैसे कमाना चाह रहे हो. मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि पढ़ लो एक बार,
ये उसी तरह है। अच्छा, मेरी पर्सनल अपनी एक आदत बता देता हूँ मैं। अगर मैं कहीं से खास तौर पे मोनेटाइज करने जा रहा हूँ, मैं जनरल साइनअप की बात नहीं कर रहा। जब तुम लोग अमेजोन पे साइनअप करते हो तो अमेजोन ये बोलता है कि तुम प्लीज मतलब आई मीन टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ लो। किसी भी जगह पे तुम लोग साइन अप करते हो तो वो तुमसे बोलता है, लेकिन 99.99% लोग पढ़ते नहीं है, अब जस्ट गो थ्रू करते हैं एंड अग्री कर लेते टर्म्स ऑफ सर्विस को। मैं तुम लोग से बोलूंगा कि जैसे मैंने फाइवर के लिए करा है, अपवर्क के लिए करा है, जितने भी प्लेटफॉर्म जिन पे मैं काम कर रहा हूँ प्रॉपरली, उनकी टर्म्स एंड सर्विस पॉलिसीज वगैरह इनसाइड आउट पढ़ लो। कोई चीज जाने मत देना, बिकॉज उसमें कोई ना कोई एक ऐसा हिडन क्लॉज या कोई ऐसी चीज होती है जो आप मिस आउट कर दो, बाद में आप वायलेट करते हो और आपका अकाउंट बैन हो जाता है। तो अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग। प्लीज गो थ्रू कर लो एक बार, जल्दी से थोड़ा सा फास्ट रीड कर लो इसको, लेकिन जस्ट गो थ्रू इट। हाउएवर, टू जस्ट समराइज ऑल ऑफ इट, मैं तुम लोग को कुछ चीजें अपनी तरफ से बता देता हूँ। पॉइंटर्स मैंने लिख दिए हैं, हाउ टू अवॉइड डिसअप्रूवल। ठीक है, तो अप्रूव तो हो जाओगे, अप्रूव होना इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर तुम लोग इन सारे चीजों का खास ख्याल रखते हो तो तुम लोग डिसअप्रूव हो गई नहीं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि एक जो पॉइंट मैंने यहां पे नहीं लिखा हुआ वो है 2 से 3 सेल्स। अच्छा, अब इधर 2 से 3 तरीके के तुम लोग दो से तुम लोग बोलते हो कि यार 2 से 3 सेल्स लाना तो कोई इशू नहीं है 6 महीने के अंदर, बिल्कुल इशू नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग अपनी अप्रोच अच्छी रखो, अगर तुम लोग ये सोचोगे कि नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग द अकाउंट तुम लोग जो हो कुछ जुगाड़ कर लो, मे बी अपने खुद से उन प्रोडक्ट्स को खरीद लो अपने साइट पे, इट वॉन्ट वर्क। आईपी वायलेशन है, अगर वो पकड़ा गया देर वुड बी एन इशू। आईपी लाइसेंस वगैरह सारी चीजें ये सही से पढ़ लेना, इन पे इश्यूज आ सकता है जिसकी वजह से तुम लोग का अकाउंट बैन हो सकता है। हाँ, तुम लोग अपने जानने वालों को बोल सकते हो कि यार एक काम करो, ऑर्गेनिकली गूगल पे जाओ, डायरेक्टली तुम्हारी साइट पे नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आई वुड से प्रोबेबली जस्ट तुम्हारा जो भी मेन कीवर्ड है, अगर उस पे तुम्हें पता है कि तुम 12वें नंबर या 15वें नंबर पे रैंक कर रहे हो, एक आसान तरीका उसका कि SERP देखने का, करंट रैंकिंग देखने का, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि या तो तुम लोग कोई थर्ड पार्टी टूल ले लो, जैसे कि मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा, मैंने अभी EC से बोला हुआ है कि मुझे भी एक प्रोवाइड कर दें। ठीक है, SEO RDP, और नहीं भी करता तो मैं वैसे ले लूंगा, लेकिन मुझे पता है ऑब्वियसली मिलेगा। खैर, तो एक सेकेंड जरा ये खुल जाए तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक बेहतरीन बेहतरीन सॉफ्टवेयर, दुनिया का नंबर 1 SEO जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है Ahrefs। ये $10 में आपको इसका प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा। वैसे इसका जो मंथ ऑन मंथ सब्सक्रिप्शन जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की है। सही है, दिस इज हैंड्स डाउन द बेस्ट SEO टूल आउट देयर इन द मार्केट। नंबर 2 पे SEMrush आता है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं SEMrush बेहतर है, कुछ लोग बोलते हैं Ahrefs, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि Ahrefs डेफिनेटली एट एनी गिवन टाइम इज डेफिनेटली द बेस्ट चॉइस फॉर SEO। या सो इसमें आपकी ये करंट रैंकिंग बताता रहेगा, ये बताता रहेगा कि अभी फिलहाल आपकी वेबसाइट किसी खास कीवर्ड के ऊपर कौन से पेज पे आ रही है, किस नंबर पे आ रही है। और भी टूल्स होते हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं है, हम जिसकी थ्रू जो है ना अपनी रैंकिंग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये सिर्फ $10 का टूल है, इसके और 1000 बेनिफिट्स हैं। और बिकॉज मैं इसके ऊपर एक पूरा एक सेपरेट सेशन कर रहा हूँ कि हाउ टू मेक बेस्ट यूज आउट ऑफ इट, तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। प्लीज एक सेकंड रुकिएगा, मेरी बहन की शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यार एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा मोबाइल देके आ रहा हूँ अपना, प्लीज गिव मी अ मोमेंट। प्लीज आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, लेकिन मेरे घर पे और कोई है नहीं, सो आई जस्ट नीड टू हैंड दिस सेल फोन। जी आई एम सॉरी। ओके यार, ये देख लो तुम लोग। ठीक है, Ahrefs is itself not $10 per month,
बट मैं ये बता रहा हूँ, AHREFs का जो प्रीमियम है वो तुम लोग को ग्रुप बाय के थ्रू $10 का मिलेगा काशिफ। मैं ये नहीं बोल रहा कि AHREFs का टूल तो प्रीमियम को तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का है। मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग ग्रुप बाय के थ्रू लेते हो तो तुम लोग को $10 का पड़ेगा, वही प्रीमियम जो 1-1.5 लाख रुपए का पड़ता है पर मंथ। सही है। और सिर्फ एक $10 में सिर्फ ये नहीं पड़ेगा, ये दूसरे टूल्स भी पड़ेंगे प्रीमियम तुम लोग को। ठीक है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, ये ग्रुप बाय टूल्स हैं सारे। ठीक है, बहरहाल इसके ऊपर बाद में बात करेंगे डिटेल में। AHREFs के ऊपर मुझे प्रॉपर एक सेशन करना है, लेकिन मैं तुम लोग को ये जरूर बताना चाह रहा था, एक जबरदस्त वेबसाइट इस तरह की ग्रुप बाइज होती है। इनके कुछ इश्यूज जरूर होते हैं, कुछ कभी कभी पेड टूल्स नहीं चल रहे होते, प्रीमियम उसके नहीं चल रहे होते, लेकिन जो चल रहे होते हैं वो फायदा दे रहे होते हैं। तो थोड़ा ये है, Helium 10 है, और तुम लोग के पास शायद ई कॉमर्स के अपने टूल्स भी दूसरे मिल जाएंगे तुम लोग को, अगर तुम लोग यहाँ पे देखो। ठीक, या दैट्स प्रीटी मच इट। तो एक तो ये बात हो गई, एक मिनट। अच्छा, तो कॉम्प्लाई विथ कॉन्टेंट पॉलिसी। वेन आई टॉक अबाउट कॉन्टेंट पॉलिसी, बहुत सिंपल पॉलिसी है, मतलब बहुत इजिली अवॉइडेबल है। आई थिंक कोई डम्ब होगा जो इस तरह की कॉन्टेंट पॉलिसी वायलेशंस करे। नो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट, सही, नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें जो बिल्कुल होती हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वो करे, डैमेज करे किसी की, या फिर जो है ना इलीगल कंटेंट आप स्टार्ट यू स्टार्ट शेयरिंग ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, अवॉइड दोस निशेस, अवॉइड दोस कंटेंट। स्टार्ट ऑफ विद राइट क्वालिटी टेक्स्ट एंड हैव इनफ कंटेंट। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, I've already mentioned in the content area, मैंने उसको थोड़ा सा revise करा है, मैंने उसमें 10 articles लिखे हुए थे। I would say start off with at least 15 to 20 articles, सही है? अब वो तुम लोग की मर्जी है, तुम लोग किस तरह लिखो, लेकिन मैंने एक आइडिया तुम लोग को और रिवाइज करके आगे लिख दिया कि किस तरह तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, करेक्टली इंक्लूड योर आई डी इन द एफिलिएट लिंक्स। देयर इज अ फॉर्मेट दैट यू सपोज टू इंक्लूड दैट आई डी इन योर एफिलिएट लिंक। आई विल लेटर ऑन टेल यू दैट, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा इसकी। लेकिन दिस जब भी तुम लोग जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो अपने बेसिकली अमेजोन एफिलिएट के लिए, नॉट फॉर योर पीएल और होलसेल, तो हमेशा मेक श्योर यू हैव योर अमेजोन एफिलिएट आईडी ऑन, लॉग इन करा हुआ हो तुमने, और फिर प्रोडक्ट्स को सर्च करो। ठीक है, बिकॉज इससे तुम लोग को पता चल जाएगा, एक आईडी तुम लोग को अलॉट होती है जो तुम लोग के अपने ऊपर लिंक, जब प्रोडक्ट लिंक तुम लोग एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसके ऊपर वो आईडी लिखी हुई होगी, उससे तुम लोग को कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट आईडी है, ये मेरी अपनी पर्सनल आईडी है, मैंने बिल्कुल करेक्ट लिंक कॉपी करा हुआ है। ठीक है, इसकी डेमोंस्ट्रेशन मैं तुम लोग को बता दूंगा। डू नॉट यूज द अमेजोन ब्रांड, अमेजोन ब्रांड मत यूज करना, डोमेन में मत यूज करना। डू नॉट शो योर सेल्फ आउट स्मार्ट करने की कोशिश मत करना ये सोच के कि यार मैं तो अमेजोन को यहाँ पे बेवकूफ बना दूंगा। अमेजोन फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग सोचो मैं स्टार्ट करता हूँ कोई डोमेन नेम, इफ इट्स अवेलेबल अमेजोन बेबी प्रोडक्ट्स। अब इफ यू आर ट्राइंग टू बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हो कि यार मैं बेसिकली अमेजोन की कोई सिस्टर कंपनी हूँ जो बेसिकली इस निश को अलग से प्रमोट कर रहा है या कुछ, और तुम अंदर जो है ना अमेजोन के जो है ना लोगोस लगा देते हो हर जगह पे, उसका लुक एंड फील पूरी वेबसाइट का तुम लोग ऐसा रखते हो जैसे अमेजोन खुद ये बात कर रहा है और बोल रहा है, तो वो साइट्स अप्रूव तुम लोग की नहीं होंगी। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, लीगल नोटिस एंड कुकीज, ये तुम लोग को अपनी साइट पे फुटर में डालना है और रेलेवेंट एरियाज में इनकलकेट करना है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस भी डालना है। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस, कुकीज, लीगल नोटिस, प्राइवेसी पॉलिसी, इन चीजों में कुछ चीजें बहुत जेनेरिक हैं, वो जाके तुम लोग दूसरी जो अमेजोन निशेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनमें जाके तुम लोग देख सकते हो। अमेजोन एफिलिएट साइट्स जो चल रही हैं, कुछ की मैंने एग्जांपल भी दे दी है, जिस तरह के 10 Beast है और भी बहुत सारी अनगिनत हैं। उसकी तुम लोग बोलते हो तो मैं तुम लोग को जो दुनिया की टॉप 10 टॉप 20 साइट्स हैं वो उनका लिंक निकाल के दे दूंगा। उन्होंने क्या प्राइवेसी पॉलिसी लिखी हुई है, उन्होंने क्या लीगल नोटिस अपना इनकलकेट किया हुआ है, क्या कुकीज में उन्होंने मेंशन करा हुआ है। जो कुकीज और लीगल नोटिस वाली चीज है उसमें ज्यादातर आपको ये चीजें मेंशन करनी होती हैं कि आप यूजर का डाटा किस तरह कलेक्ट कर रहे हो और आप उसको किस तरह यूज कर रहे हो। ठीक है, आपको क्लियरली बेसिकली एक सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस रखना है कि
क्योंकि Amazon चाहता है कि जितनी भी साइट्स जो Amazon अप्रूव करे अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वो अपने कस्टमर्स को पूरी एंड टू एंड इंफॉर्मेशन दे रहा हो इस चीज के ऊपर कि आप कोई चीज मिस आउट नहीं कर रहे, आप कस्टमर से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो आप उसको बता रहे हो, और ये भी बताने के साथ साथ कि आप उसकी क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज किस तरह कर रहे हो, ठीक है। तो तुम लोग को ये पूरा लिखना होगा, इसका लिखने का तरीका बता दूंगा, लेकिन देन अगेन इसको बहुत आसान तरीका है, किसी और अपने कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स को जो है ना वो करो, स्पाई करो, देखो, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती, लेकिन मैं तुम लोग को इसकी जो है ना सैंपल वर्क दे दूंगा, सैंपल्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फ्रॉडुलेंट ट्रैफिक एंड अदर प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस मत करना, ये मत सोचना कि अगर तुम लोग बॉट से अपने आप को ट्रैफिक भेजना शुरू कर देते हो, या तुम लोग ब्लैक हैट एसईओ करना शुरू कर देते हो, या बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, यहाँ पे शायद काफी लोग जानते होंगे जो एफिलिएट के चीते होंगे, कि आपके पास ब्लैक हैट टेक्निक्स बहुत सारी होती है, जिसके थ्रू जो है ना आप अपने आप को बहुत बहुत ट्रैफिक भेजना शुरू कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज, इफ यू थिंक कि तुम लोग लगता है अपने आपको इस तरह ट्रैफिक भेज दोगे और तुम लोग अपने Amazon की नजर से गुजर जाओगे, नहीं पकड़े जाओगे, दैट्स इम्पॉसिबल। Amazon पकड़ेगा तुम लोग की साइट को परमा बैन कर देगा, ठीक है। कुछ जगहें होती हैं, कुछ साइट्स होती हैं अंडरग्राउंड, जहां पे अगर आप अपना लिंक शेयर कर दो तो वहां से बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। इलीगल वेबसाइट्स पे जाके तुम लोग अपना लिंक शुरू कर दो शेयर, तो बहुत ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, अगर तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे तो अलाउ नहीं करता, ठीक है। डू नॉट बाय विद योर ओन एफिलिएट लिंक्स, अपने ही एफिलिएट लिंक्स लगा के जो है ना उसके ऊपर बाय करना मत शुरू कर दो, इसके ऊपर भी स्ट्रेट बैन है। ऑल इन ऑल ये मेन पॉइंटर्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे पीएल और होलसेल वाले लोग भी बैठे हुए हैं, तो उनको मेरा ये सजेशन है कि प्लीज अगर पीएल और होलसेल कर रहे हो प्रमोट नहीं करो डायरेक्टली अपने उन प्रोडक्ट्स को अपने सेम कंप्यूटर से, सेम आईपी से, सेम वर्क प्लेस से, ऐसा मत करना, सही है, डायरेक्टली पॉलिसी वायलेशन होगी। मैं तुम लोग को बता देता हूँ, अगर या तो तुम लोग एक टीम बनवा लो कहीं और, सही है, किसी और जगह पर प्रॉपर, कि कोई और इंटरनेट यूज़ करे, वो मतलब एक न्यू इंटरनेट यूज़ करें, न्यू लैपटॉप्स यूज़ करें, उन लैपटॉप्स का, उन डिवाइसेस का कोई कनेक्शन ना हो, सेम मैक एड्रेसेस ना हो, सेम आईपीज ना हो, सही है, उन लैपटॉप्स पे कभी तुम लोग की पीएल की आईडीज लॉग इन ना हो, होलसेल और पीएल की, मेक श्योर ऑफ ऑल कि ये सारी चीज़ें तुम लोग कंप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा वो दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि तुम लोग की जो अपना प्रोडक्ट है इटसेल्फ शुड हैव वैल्यू, कि तुम लोग समझते हो कि वो टॉप 10 की लिस्ट में जाए। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी पुअर है तो इट मेक्स नो सेंस कि तुम लोग का प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए एफिलिएट या उसमें, बिकॉज इवन इफ इट गोज ओवर देयर प्रोबेबली इट वुड लुक शेडी और कस्टमर्स वैसे भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, जस्ट माय ओपिनियन। और अगर डाल भी रहे हो तो डू नॉट ओवरवेलमेड के तुम लोग फ्लड कर दो अपने प्रोडक्ट्स के साथ, सही है, 10 प्रोडक्ट्स में से 7 प्रोडक्ट्स तुम्हारे, इस तरह की चीजें मत करना, ठीक है। और ये तो पीएल और होलसेल वालों के लिए हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ एफिलिएट वालों के लिए, जो एफिलिएट कर रहे हैं उनके पास तरह तरह के ऑप्शन है प्रमोट करने के। मैं एक आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बहुत मशहूर साइट है शट अप एंड टेक माय मनी, ये पीएल और होलसेल वालों के लिए भी है अगर वो चाहते हैं कि वो अपने थोड़ा से सेल्स के ऊपर बूस्ट लाना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेना कि तुम लोग के प्रोडक्ट के ऊपर एक वो वाओ फैक्टर हो कि तुम लोग यहाँ पे डालो। शट अप एंड टेक माय मनी एक बहुत मशहूर वेबसाइट है और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के Amazon के प्रोडक्ट्स को प्रमोट एवरी नाउ एंड देन करता रहता है, ठीक है। एक मिनट रुकना, ज्यादातर यहाँ पे वाओ फैक्टर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं पहले ही तुम लोग को ये बता दूं। टेक माई मनी पे क्लिक करा तो लेट्स सी ये कहाँ लेके जाता है, एटसी पे लेके गया है, देखा ये एटसी पे लेके गया है, देखते हैं दूसरा वाला कहाँ लेके जाता है। एक तो मुझे ना ये जूम का यूआई ऊपर से पॉपअप बहुत तंग करता है, ये अमेजोन पे भी लेके जाता है, आई होप ये वाला अमेजोन, हाँ देख लिया amazon.in, लेकिन ये लिंक ही गलत प्रोवाइड करा हुआ है बंदे ने, वाओ, या तो इसका आई डोंट नो प्रोडक्ट बैन हो गया या क्या हुआ, लेकिन इसने गलत लिंक प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने देख लिया कि मैंने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करा तो ये Amazon की साइट के ऊपर लेके चला गया। अब तुम लोग यहाँ पे ये चीज देखो,
यहां पे राइट पे आ रहा है सबमिट योर स्टफ, ठीक है, क्लिक ऑन हाइड फ्लोटिंग रिज्यूम, ओके आई आई लुक इनटू दैट आफ्टरवर्ड्स, ओके सो सबमिट योर स्टफ पे जाते हैं। तुम लोग देख सकते हो इस वेबसाइट का टोटल ट्रैफिक जो है इज अराउंड 92,000 और सो, सही है, अच्छा ट्रैफिक है ये, बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी वेबसाइट है उसका नाम है दिस इज वाई आई एम ब्रोक, वो इससे भी बड़ी है। तो अगर वी ऑफर वेरियस एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स टू फिट विद इन योर बजट, चेक आउट आवर डिफरेंट ऑप्शंस बिलो, यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस। तो इनको एफिलिएट कमीशंस मिल रहे हैं अमेज़न से, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव एडवर्टाइज्ड देयर वेबसाइट के अगर कोई बेसिकली चाह रहा है कि उनकी उनका प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट पर आए, वो ये काम भी कर सकता है कि ब्रॉन्ज सिल्वर और गोल्ड है, ब्रॉन्ज के जाते हो एक फेसबुक पोस्ट करेंगे ये लोग, एक इंस्टाग्राम पोस्ट करेंगे एंड ऐड योर प्रोडक्ट टू आवर वेबसाइट, ठीक है। गोल्ड में क्या है, टू फेसबुक पोस्ट, टू इंस्टाग्राम पोस्ट, ऐड योर प्रोडक्ट टू आवर वेबसाइट, ऐड योर प्रोडक्ट टू आवर ईमेल न्यूज़लेटर, टू वीक एडवर्टाइजिंग बैनर ऑन आवर वेबसाइट होम पेज, ठीक है। कस्टम फोटोज ऑफ योर प्रोडक्ट $75 एक्स्ट्रा एंड कस्टम, देख सकते हो वीडियो अगर तुम लोग बनवाना चाह रहे हो तो इसको एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, ठीक है। काफी अमेजिंग वेबसाइट है, सेल्स बूस्ट देने के लिए बुरा ऑप्शन नहीं है, चेक कर सकते हो। आई थिंक जो अमेजोन पी एल और अमेजोन होलसेल वाले कर रहे हैं, आई डोंट थिंक उनके लिए $150 $250 कोई बहुत बड़ी अमाउंट होगी, लेकिन बिकॉज इट्स वर्थ अ ट्राई। खैर एक मिनट रुकना, ठीक है, ओके सो ये हो गया। अब मैं ये पॉइंटर्स मैंने आप लोग से डिस्कस कर लिए हैं, ये याद रखना, ठीक है, बिकॉज ये हेल्प करेंगे 99.9% शोरूम में। अगर तुम लोग इन पॉलिसी वायलेशंस नहीं करते, तुम लोग का मसला नहीं होगा, तुम लोग बैन नहीं होगे, तुम लोग डिसअप्रूव नहीं होगे, तुम लोग के पास अच्छी ईमेल आएगी अमेजोन की तरफ से कि यू हैव बीन अप्रूव्ड एंड दैट्स द वे टू गो, ठीक है। ये मैं जरूर एक बार बता दूं, जो काफी लोगों को एक प्रॉबेबली डिलेमा है, क्वेश्चंस हैं कि यार मतलब ऑन एन एवरेज में फिर भी कितना कमा सकता हूं, मैं तुम लोगों को मेंशन कर चुका हूं, $300 से $500 तो कमाना बहुत ही इजी है, $700 तक पहुंचना इज ओके, मतलब कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी, सही है, थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। अबव दैट जो चाह रहे हैं कि स्केलेबिलिटी लाएं, तो उन लोगों को थोड़ा सा या तो मल्टीपल नेशेस खोलनी पड़ेंगी, या तो उनको जो है ना ये करना पड़ेगा कि एक थोड़ी सी जनरल वेबसाइट नहीं बोलना मैं, लेकिन थोड़ी सी ब्रॉड निश रखनी पड़ेगी, जैसे कि किचन आइटम, तब किचन आइटम या फिर लेट्स सपोज तुम लोग टेक के ऊपर चले जाते हो, टेक के ऊपर ब्लॉगिंग करते हो, तो तुम लोग ड्रोन्स के ऊपर भी लिख रहे हो, कंप्यूटर एक्सेसरीज के ऊपर भी लिख रहे हो, थोड़ा सा तुम लोग ओपन चले गए, ठीक है, दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। आई थिंक मैं ये करवा चुका हूँ, लेकिन मैं जल्दी से गो थ्रू कर लेता हूँ बिकॉज फिर मैं कंटेंट उसके ऊपर आ जाऊँगा। कन्वर्जन फोकस थीम जो होती है वो होती है जिसके ऊपर अगर तुम लोग को चाह रहे हो कन्वर्जन फोकस थीम हो, तो बेहतर तरीका ये है कि अमेजोन रिव्यू वर्डप्रेस थीम्स के ऊपर चले जाओ। मैंने तुम लोग के ऊपर जो नेक्स्ट सेशन है उसके ऊपर थीम्स, टॉप 10 थीम्स कौन सी हैं अमेजोन एफिलिएट के लिए, वो मैंने लिखी हुई है। गो फॉर प्रीमियम थीम्स, अगर प्रीमियम थीम्स तुम लोग जा सकते हो तो वैसे तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र सब खरीदने वाले हैं, जो खरीद नहीं सकते जो gfxextra31.com पे चले जाएं, उन लोग को अच्छी प्रीमियम थीम्स जो वो ढूंढ रहे हैं, जो उनको एनवाटो पे नजर आई है, किसी और वेबसाइट पे नजर आई है, वो उनको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग खरीदते हो तो तुम लोग को डॉक्यूमेंटेशन भी अलॉट होगी और तुम लोग को सपोर्ट भी प्रोवाइड होगी, तो बेहतर है कि तुम लोग खरीदने की तरफ जाओ, ठीक है। और या गूगल रिव्यू थीम्स, तो तुम लोग को अच्छी थीम्स मिल जाएंगी। सेलेक्टिंग ए थीम के लिए मैं तुम लोग को सारे वो बता चुका हूँ पॉइंटर्स, मैं आई वोंट गो थ्रू देम अगेन, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जस्ट हैव अ गुड लुक एट इट और दैट्स जस्ट अबाउट इट। कुछ विजिट्स हैं जो मैं तुम लोग को बताऊंगा, रिव्यू विजिट्स जो हेल्प करते हैं इन कन्वर्जन रेट, ठीक है, ओके। सो कंटेंट कैटेगरी स्टार्ट विद 15 टोटल कंटेंट पीसेस, ये मैंने अमेंड करा है, ये पहले नहीं था ऐसे। 8 गाइड्स, 7 रिव्यूज, 15 आर्टिकल्स टोटल लिखो, गाइड्स, बाइंग गाइड्स, बेस्ट ऑफ, हाउ टू,
गाइड्स में ये आ जाते हैं टॉपिक्स, रिव्यूज, ब्रांड और प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट वन वर्सेस प्रोडक्ट टू, यूज स्पेसिफिक मॉडल नंबर्स बिकॉज वो इटसेल्फ बड़ा रोल प्ले करते हैं एसईओ में. अच्छा, सो अब आ जाओ, ये मोहतशम ने भी शायद मुझसे इससे रिलेटेड सवाल पूछा था कि अगर उसको ऑटोमेशन की तरफ जाना है तो ऑन एन एवरेज उसको कितने पैसे देने होंगे. अब वो वाले टॉपिक्स की तरफ आएंगे. तो पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि कंटेंट शुड आइडियली बी बिटवीन 1000 to 1500 वर्ड्स. अमेजोन की एसईओ कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं. अगर तुम लोग एक जेनेरिक रिव्यू या गाइड लिख रहे हो, ठीक है, तो रिव्यू या गाइड या प्रोडक्ट वन वर्सेस प्रोडक्ट टू, बस इतना. प्रोडक्ट वन वर्सेस प्रोडक्ट टू और गाइड अबाउट वन प्रोडक्ट और अ रिव्यू, ठीक है, द कॉन्टेंट शुड आइडियली बी बिटवीन 1000 to 1500 वर्ड्स. द एवरेज आर्टिकल रैंक फॉर पोजिशन वन ऑन गूगल आर ओवर 1800 वर्ड्स. सो ऑब्वियसली मतलब मैं अगर 1000 to 1500 बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मिनिमम ये हो वर्ड काउंट. मैं बोल रहा हूँ पोजिशन वन पे आने वाले 1800 वर्ड्स तक जा रहे हैं. रिकमेंडेड ऑब्वियसली मैं बोलूंगा 1500 से प्लस लिखो. 1500 अपना सबसे कम थ्रेशोल्ड रखो, लोअर थ्रेशोल्ड रखो, इससे कम नहीं जाना. लेकिन जो लोग अभी हैबिट में नहीं है लिखने के और वो सोच रहे खुद से लिखना स्टार्ट करें, उनको रिकमेंडेशन है कि 1000 to 1500 तक के बीच में रखो. ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए तो 1800 तक पे तुम लोग बाद में उस आर्टिकल को स्केल भी कर सकते हो. कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जहाँ पे 1500 या 1200 वर्ड्स लिख लिए, वहां पे थोड़े 100 वर्ड्स लिख के उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो बाद में. थोड़ी सी तुम लोग की रैंकिंग हिलती है कभी कभी एट टाइम्स अगर आर्टिकल्स को छेड़म छाड़ी करो उसके ऊपर, लेकिन ज्यादा नहीं होती. सही है, पहले पेज से थर्ड पेज पे चला जाएगा बहुत बड़ी बात है. हाँ, सेकंड पेज पे चला जाएगा या फर्स्ट पेज पे नीचे रैंक पे चला जाएगा, फर्क पड़ता है. अगर पहले पेज पे है तो आर्टिकल को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है. सही है, और अगर नहीं है और अगर थर्ड पेज पर तुम लोग को अटका हुआ आर्टिकल और तकरीबन 1200-1300 वर्ड्स का है, तो आई वुड से कि थोड़ा सा अपने कॉन्टेंट की क्वालिटी को बेहतर करने के ऊपर फोकस करो और अपनी लेंथीनेस बढ़ाओ आर्टिकल के ऊपर. सही है, मतलब थोड़ा सा आर्टिकल जबरदस्ती लेंथी नहीं बनाओ, लेकिन उसके ऊपर इस तरह की चीजें इनकलकेट करो कि जिसकी वजह से वो व्यूअर जो है, जो रीडर जो है, वो आके पढ़े, उसको लगे कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वहां पे डाली हुई है. और गूगल वैसे भी पसंद करता है अगर तुम लोग के पास आर्टिकल्स काफी लंबे लिखे हुए हो. ठीक है, इफ यू आर राइटिंग बेस्ट ऑफ, ठीक है, टॉप 10 बेस्ट ऑफ हेडफोन्स या वायरलेस हेडफोन्स और व्हाटसोएवर, इस तरह के दैट बेस्ट 10 प्रोडक्ट्स ऑफ 2020 फॉर आई डोंट नो वायरलेस हेडफोन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स, व्हाटसोएवर, देन यू आर गोइंग टू एम बिटवीन 4000 to 5000 वर्ड्स. या अब आप सोच रहे होंगे 4000-5000 वर्ड्स, यार ये तो बहुत हेक्टिक है. तो मैं बोलूंगा जहां पे अगर आप लोग, फॉर एग्जांपल, कोई अगर यहाँ पे राइटर बैठा हुआ है और वो ये बोलता है कि मैं 1000 वर्ड्स पर डे लिख सकता हूँ विदाउट एनी इशू, तो मैं बोलूंगा कि यार चलो एक मिनट, हाँ मैं उससे बोलूंगा कि चलो जहां पे तुम 1000 वर्ड्स लिख सकते हो तो तुम एक आर्टिकल लिखना स्टार्ट करो टॉप 10 का. टॉप 10 में लेट्स सपोज हेडफोन्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो टॉप 10 में हेडफोन 1, हेडफोन 2, 3, 4 ये नाम है जो मैं अभी उनकी जगह ले रहा हूँ. हेडफोन 1 फिर आ जाता है, फिर हेडफोन 2, फिर आ जाता है हेडफोन 3. मैं तुमको एक आइडियल एग्जांपल दे देता हूँ. ये मेरा पसंदीदा वो है टॉपिक, इस वजह से इसके ऊपर मैं वो कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये तुम लोग देख सकते हो द बेस्ट, द 9 बेस्ट गेमिंग माइस विंटर 2020. ठीक है, तो पहले इसने एक जेनेरिक बात करी है भैया. अच्छा 9 है नॉट 10, सही. तो इसके ऊपर इससे तकरीबन 500 वर्ड्स लिख लिए, फिर आठ, फिर प्रोडक्ट 2 के ऊपर 500 वर्ड्स लिख लिए, प्रोडक्ट 3 के ऊपर 500 वर्ड्स लिख लिए, प्रोडक्ट 4 के ऊपर 500 वर्ड्स लिख लिए, प्रोडक्ट 5 500 अगेन, प्रोडक्ट 6 500 अगेन, 7 500 अगेन, इफ यू गेट व्हाट आई मीन. एंड यू डोंट हैव टू पोस्ट दिस आर्टिकल ऑन अ वन सिंगल डे. ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्केड्यूल योरसेल्फ समथिंग लाइक
तुमने बोला चलो रिव्यू आर्टिकल्स मैं रोज लिखूंगा. अच्छा मैं एक चीज पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ. तुम लोग ये सोचोगे कि नहीं यार मुझे रोज आर्टिकल्स लिखने का एफिलिएट के बिजनेस में आना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. हर किसी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है लिखने की. कोई हो सकता है कि किसी की इनकम सोर्सेज ऑफ इनकम ज्यादा हो तो वो हफ्ते में सिर्फ दो आर्टिकल्स लिख सकता हो. कोई बोलता है कि नहीं यार मुझे अमेजोन में ही स्केल करना है और मुझे अपनी जो इनकम स्ट्रीम है उसको इससे कमाना है तकरीबन 1500 से $2000, $1000 प्लस, ऐसी कुछ अराउंड दैट, अराउंड दोस फिगर्स. तो अगर आपने ये चीज सोची हुई है कि यार मुझे 1000 से 1500 डॉलर कमाने ही कमाने हैं, $2000 कमाने, तो फिर इस चीज में आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है. ठीक, वो क्या कि आपको रोज आर्टिकल लिखने. फॉर पीपल जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग के पास दूसरी इनकम स्ट्रीम्स भी है, हम लोग को कम करना है, स्लो पेस चलेगा हमारे लिए, वो हफ्ते में दो बेस्ट ऑफ वाले आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल गाइड्स एंड रिव्यूज की बात कर रहा हूँ. किसी एक प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो या वन प्रोडक्ट वर्सेस टू प्रोडक्ट कर दिया आपने, उसमें आपने 1500 वर्ड्स का आर्टिकल, 1000 से 1500 वर्ड्स का आर्टिकल आपने सोच लिया कि आप हफ्ते में दो पोस्ट कर दोगे, और बेस्ट ऑफ आप पूरे हफ्ते में सिर्फ एक पोस्ट करोगे. तो आपको अपने आपको स्केड्यूल ऐसे करना है, रोज आपने 1000 वर्ड्स का आर्टिकल आपने लिखा बेस्ट ऑफ के लिए, जिसमें से 1000 जो है वो 500 पहले एक प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है और फिर 500 दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है. आपने वो पोस्ट नहीं करना. अगले दिन शुरू हुआ, फिर आपने 500 लिखे. किसी दिन आपको ब्रेक चाहिए तो आपने सिर्फ एक दिन 500 लिख लिया या एक दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन आपने स्टार्ट करा. स्केड्यूल करना होगा आपको अपने 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 लिए. और फिर जहां तक बात रहेगी आपके नॉर्मल आर्टिकल्स के बारे में जो कि 1500 वाले होने चाहिए, वो भी आपको फिर कुछ ऐसे स्केड्यूल करने होंगे कि आपको 700 700 वर्ड्स ऑन टू डिफरेंट गिवन डेज आपको लिखना है ताकि आपके एक आर्टिकल कंप्लीट हो जाए. 700 से 800, एक दिन 700 लिख लिए, एक दिन 800 लिख लिए. सो यू हैव टू स्केड्यूल योरसेल्फ. ये वो है जो कि रेगुलरली नहीं लिखना चाह रहे या कुछ. आउटसोर्सिंग के लिए मैं बता देता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने बात कर ली है. ठीक है, ये तो मैंने आप लोग को, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जेस्ट ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट. ठीक है, हायरिंग फ्रीलांसर्स विल कॉस्ट यू एन एवरेज फ्रीलांसर चार्जेस यू $25 फॉर 1500 वर्ड्स. ठीक है, इफ यू वॉन्ट वन आर्टिकल ऑफ 1500 वर्ड्स पर डे देन दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू $750 स्ट्रेट ऑफ. हाउएवर अगर आप ये बोलते हो कि आप बल्क में आर्टिकल्स लिखवाना चाह रहे हो तो आपको $750 नहीं पड़ेगा. ठीक है, फिर आपको बहुत कम पड़ेगा. आप प्रॉब्ली यही काम उससे महीने के 500 से लेके $600 के बीच में करवा सकते हो. ठीक है, ये है रेगुलर एक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं आपसे. ठीक है, एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए गूगल ये बहुत गौर से देखता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे सेम जा रहा है या नहीं जा रहा, और उस बेसिस पे भी गूगल आपको बहुत वैल्यू देता है. फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो, और ये मत करना कि मैं इस महीने मैं हर हफ्ते दो आर्टिकल्स पोस्ट करूंगा. अगला महीना स्टार्ट हुआ या इसी महीने में किसी वक्त आपने एक हफ्ते में आपने डंडी मार दी और आपने नहीं लिखा, फिर आपने बोला चलो उसके अगले हफ्ते में वो जो दो आर्टिकल्स मिस करे वो मैं लिख दूंगा, और फिर उस गिवन हफ्ते में आपने चार आर्टिकल्स पोस्ट कर दिए. फिर अगला हफ्ता आया, आपने बोला एक काम करता हूँ अगला हफ्ता फिर बिजी होगा मेरा, शायद शादियों की वजह से मैं एक साथ आने वाले 3 4 हफ्तों के एक साथ पोस्ट करवा देता हूँ अगले हफ्ते में, मतलब तकरीबन 6 से 8 आर्टिकल्स. आपने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब गलती सेंस में कि गूगल पसंद नहीं करता है. गूगल का बॉट गोज ऑन रेगुलर बेसिस, क्रॉलर्स बोलते हैं उसको, क्रॉलर क्रॉलिंग कर भेजता है, और वो देखता है कि भाई बॉट्स भेजता है, वो चेक करता है कि आपने क्या क्वालिटी लिखी हुई है, क्या फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, सारी चीजें वो देखता है, और वो इस बात को वैल्यू दे रहा होता है कि जब आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे होते हो. अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते और एक दिन आपका एक आर्टिकल है, अगले दिन आपके 12 आर्टिकल हैं, उसके अगले दिन कोई आर्टिकल नहीं है, उसके अगले दिन फिर एक एक आर्टिकल है, तो गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देखता. गूगल पसंद करता है कंसिस्टेंसी, और
कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, आप फ्लक्चुएट कर सकते हो। अगर आप रोज आर्टिकल्स लिख रहे हो तो आप एक दिन एक आर्टिकल लिखो, एक दिन दो लिखो, फिर अगले दिन दो लिखो, फिर उसके अगले दिन एक लिखो। फ्लक्चुएशन एक से दो हो सकती है, चार से छह हो सकती है, ठीक है, दस से पंद्रह या आठ से लेके बारह तक के बीच में हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता एक दिन आप पांच लिख रहे हो अगले दिन पच्चीस लिख रहे हो, फ्लक्चुएशन इतनी बड़ी नहीं हो सकती या बहुत बड़े गैप की नहीं हो सकती। अगर आप हफ्ते में दो आर्टिकल्स लिख रहे हो तो हफ्ते में दो आर्टिकल्स लिखो, अगर आप हफ्ते में चार, अच्छा अब आप बोलते हो कि यार मैंने टीम हायर कर ली है और अब मैं हफ्ते में दो से चार की तरफ जा सकता हूं या चार से मैं आठ की तरफ जा सकता हूं, तो ग्रेजुअल पेस बढ़ाओ। पहली बात, दो से चार जाना कोई बड़ा मसला नहीं, फिर चार चार हर हफ्ते लिखना शुरू कर दो एक दो महीने तक। आप बोलते हो मुझे डायरेक्ट जंप मारनी है दो से आठ की, सही है आप दो से आठ करो, लेकिन मैं बोलूंगा पहले एक दो हफ्ते आप चार चार आर्टिकल्स पोस्ट करना शुरू करो, फिर आप मजीद थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, फिर आठ आठ की तरफ चले जाओ, लेकिन फिर कंसिस्टेंसी दिखाओ चार से लेके आठ की बीच में, ठीक है। बिकॉज लाइक आई सेड, गूगल इस चीज को पसंद करता है। या सो दैट्स प्रीटी मच इट। तुम लोग इस वैल्यू को देख के, $25 की वैल्यू को देख के एक अंदाजा लगा सकते हो कि यार मुझे, मेरे पास क्या बजट है और मैं अपने बजट के साथ किस तरह लाइफ जा सकता हूँ। अगर तुम लोग के पास टोटल, एक सेकंड मेरा मोबाइल में देख के आके, नहीं तो मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेता, ₹30,000 तुम लोग के सेविंग से निकलते हैं, तुम लोग हर महीने ₹30,000 सेव करते हो, तुम लोग वो री इन्वेस्ट करना चाहते हो अमेजोन एफिलिएट के अंदर, तो बिल्कुल तुम लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन पहले थोड़ी इस चीज की वर्किंग कर लो कि $25 के लास्ट से तुम लोग महीने में कितने आर्टिकल्स लिखवा सकते हो ₹30,000 के बजट के साथ, ठीक है। इससे तुम लोग को अंदाजा हो जाएगा और तुम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। एक मिनट रुकना। या सेलेक्ट, अच्छा तो किसी ने मुझसे लास्ट क्लास में ये सब बात करी थी कि निश कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं। मैं जैसे सिर्फ जल्दी से जा रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर से, लेकिन पिछले तो मैंने कुछ कंटेंट नया ऐड करी थे, वो मैंने तुम लोग को बता दिए। आइट्रेशंस होती रहेंगी, कंटेंट बेहतर से बेहतर होता रहेगा, ताकि तुम लोग अगर इस मॉडल के ऊपर काम करना चाह रहे हो ज्यादा डिटेल तरीके से, तो मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि अगर तुम लोग की कोई सजेशंस आएंगी वो मैं डालता रहूंगा, जैसे तुम लोगों ने देखा है मैंने डाले। समथिंग दैट इंटरेस्ट योर पैशन, नंबर वन उसूल ये है सेलेक्ट करने का, नंबर वन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये है कि जो पैशन है तुम्हारा, जिसके बारे में तुम बहुत इंफॉर्मेशन जानते हो, एंड यू नो दिस फॉर श्योर कि तुम्हारी गिवन इंफॉर्मेशन वुड बी एब्सोल्यूट, वुड बी अमेजिंग, और जो राइटर आएगा वो पढ़ेगा वो बोलेगा नहीं यार दिस गाय नोज हिज शिट। स्टिक टू दैट पैशन एंड उसके ऊपर लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैटर्स, इट मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स लाइक एनीथिंग। मेक श्योर कि अगर तुम लोग अपने पैशन से रिलेटेड लिख रहे हो और तुम लोग के पास गिवन इंफॉर्मेशन पूरी है और अपडेटेड है तो लिखो और पूरा लिखो। अगर 9 प्रोडक्ट्स, टॉप 9 प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहे हो तो वो जेन्युइनली टॉप 9 प्रोडक्ट्स हो। हाँ कुछ चीजें कंपटीशन में आ जाती हैं तो थोड़ा सा आ जाता है कि नहीं यार मे बी ये बेहतर है मे बी वो, तो उसके ऊपर कोई ऐसी बहस करने की जरूरत नहीं, लेकिन जेन्युइनली कोशिश करो कि तुम लोग का आर्टिकल जेन्युइन हो। एंड ट्रस्ट मी, वी ऑल नो कि गूगल का एल्गोरिथम कितना स्ट्रांग हो चुका है, कितना AI आ चुका है और सब कुछ, तो इट्स रियली नॉट वर्थ थिंकिंग कि आप ये सोचो कि मैं जो ना चीट करूंगा इनके एल्गोरिथम को, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। गुड आर्टिकल वेरिएशन इज इक्वल टू मोर, एक्सक्यूज मी, गुड आर्टिकल वेरिएशन मोर कीवर्ड वेरिएशन, सही है। मल्टीपल ब्रांड्स के ऊपर लिखो। सेलेक्टिंग अ प्रॉफिटेबल निश, मैंने तुम लोग को बता दिया था तुम लोग की जो रेंज है वो तकरीबन $70 to $100 के बीच में फ्लक्चुएट करे, बिकॉज उसके ऊपर जो तुम लोग का चंक आएगा प्रॉफिटेबिलिटी का, जो भी 2.5 to 10% के बीच में जो भी आता है, जो मैं तुम लोग को एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी कि देख लेना कि तुम्हारे निश के अंदर तुम्हें क्या प्रॉफिट का चंक मिलेगा, तो $100 वुड बी वर्थ इट। 10% कमीशन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर है, तो अगर 10% की तरफ जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली हर $100 प्रोडक्ट के ऊपर तुम लोग को $10 मिल जाएंगे, सही। सो एफिलिएट प्रोडक्ट्स दैट कन्वर्ट वेल, किचन प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये मैंने तुम लोग को बता दिया। कॉम्पिटिटिव निश नीड्स अपडेशन कॉन्स्टेंटली, इस चीज के बारे में खास ख्याल रखना, अगर अपडेट नहीं करोगे तो तुम लोग नीचे चले जाओगे। 10Beast फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जो 2 साल से तकरीबन अपने
कीवर्ड्स के ऊपर नंबर वन पे थी, रिसेंट टाइम्स में उसकी बहुत तेजी से नीचे गिर रही हैं, बिकॉज अमेजोन ने ये पता लगा लिया है कि उसके जो आर्टिकल्स हैं, उसकी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो अब आउटडेट हो चुकी है, उसके जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं वो आउटडेट हो चुके हैं, और अब वो दूसरे आर्टिकल्स का बर्तरी दे रहा है उनके ऊपर. ठीक है, अच्छा इसके ऊपर आ जाते हैं, न्यूबी गाइड फॉर हंटिंग कीवर्ड. सो आई विल गो फ्रॉम रियली इजी वेज ऑल द वे टू वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वेज टू, नॉट डिफिकल्ट वेज टू हंट कीवर्ड्स, बट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वेज टू हंट कीवर्ड्स. ठीक है, या सो मैं सब कुछ आज नहीं कवर करूंगा, लेकिन मेन टूल्स और आई जस्ट गिव यू द जिस्ट के किस तरह यूज करना है. ये सबसे आसान तरीका है, मतलब किसी भी लेमैन को समझना है, सबसे सबसे आसान तरीका, कुछ नहीं करना, ZenMate ऑन करना है, ZenMate या कोई भी अगर तुम लोग के पास जो है कीवर्ड रिसर्च टूल है तुम लोग के पास, ठीक है, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो यूज करना आता है, अगर नहीं यूज करना आता तो मैं अब तुम लोग के पास इसके बाद वेज आफ्टर वेज बताऊंगा. ठीक है, सबसे पहले ZenMate ऑन कर लो, अगर कोई VPN है तो वेल एंड गुड, मेरे पास ZenMate है, तुम लोगों ने ZenMate ऑन करा, ZenMate ऑन करने के बाद इनकॉग्निटो में गए और तुम लोगों ने सर्च करा, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक तुम लोग के लिहाज से क्या अच्छा हो सकता है, या टॉप 10 वायरलेस हेडफोन्स, ठीक है, टॉप 10 माई वायरलेस हेडफोन्स लिखा, ये आर्टिकल्स तो आ गए. सबसे नीचे चले जाओ, ये तुमको कीवर्ड सजेशंस वैसे ही दे देगा, बेस्ट वायरलेस इन ईयर हेडफोन्स. ये सबसे, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है, सही है, ये मैं तुम लोग को अब नहीं बता रहा कि ओ माई गॉड ये कोई हैक है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को सबकॉन्शियसली ये बातें दिमाग में याद नहीं रहती, एंड इटसेल्फ ये एक बहुत बड़े कीवर्ड्स हैं जो गूगल खुद सजेस्ट कर रहा होता है. तो अगर गूगल खुद सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि साफ बात है, दीज आर नॉट स्टूपिड कीवर्ड्स, दीज आर कीवर्ड्स इन डिमांड, तो इनको भी तुम लोग नजर लगा लो. टॉप 10 अगर तुम लोग वायरलेस हेडफोन्स के ऊपर लिखना जा रहे हो, बिकॉज तुम लोग का पैशन है, तुम लोग की निश है जिसके ऊपर तुम लोग लिखोगे, लेट्स सपोज हेडफोन्स की निश है, उसके अंदर तुम लोग ने साइलोस बनाए हुए, बाइफिकेशन करी हुई है, वायरलेस हेडफोन्स एक है, फिर आई डोंट नो बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स एक है, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट हेडफोन्स फॉर म्यूजिक एक हो गए, कैटेगरीज बता रहा हूँ ना मैं तुम लोग को. ठीक है, तो वायरलेस हेडफोन्स पे तुम लोग नीचे गए, तुमने देख लिया बेस्ट वायरलेस इन ईयर हेडफोन्स, ये एक और आर्टिकल हो गया, बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स फॉर 2019, ऑब्वियसली 2020 चल रहा है, तुम लोग 2020 के ऊपर लिखोगे, बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स फॉर रनिंग, ठीक है, बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स अंडर $100 बेसिकली, ठीक है, बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स फॉर जिम, बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स फॉर, प्लीज ये ड्रॉ करना बंद कर दो, जिसने भी ड्रॉ करा इसको हटा दो, थैंक यू. ठीक है, बेस्ट ब्लूटूथ हेडफोन्स फॉर 2020. तो अब तुम लोग के पास ये आइडियाज यहाँ पे जनरेट हो गए, इन आर्टिकल्स के ऊपर तुम लोग को लिखना ही है अगर तुम लोग बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स के ऊपर लिखने जा रहे हो. तुम लोग का मेन कीवर्ड जो हुआ ना अभी इन करंट सिनेरियो, वो हुआ बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स. फिर ये मैं तरीके तुम लोग को बाद में बताऊंगा कि किस तरह तुम लोग अपने, ये मेन आर्टिकल हो गया, सबसे ज्यादा मोस्ट कीवर्ड सर्च आर्टिकल जेन्युइनली इस कैटेगरी में, तुम लोग खुद सोच सकते हो कि यार इतना कॉमन कीवर्ड है बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स, ऑब्वियसली वायरलेस हेडफोन्स के लिए सबसे ज्यादा इसी कीवर्ड पे सर्च रिजल्ट्स आते होंगे, मतलब वॉल्यूम आता होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम आता होगा. अब अगर कीवर्ड नहीं रैंक कर रहा होता है तो आप उससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना, सिमिलर कीवर्ड्स के ऊपर आप आर्टिकल लिखना शुरू करते हो, और उन आर्टिकल्स में आप बैकलिंक देते हो अपने मेन आर्टिकल का, जिसका आपको पता है गूगल बता रहा है कि ये सबसे ज्यादा वायरलेस हेडफोन्स की जो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम या ट्रैफिक वॉल्यूम जो आता है वो इस कीवर्ड पे आता है, आप उस आर्टिकल को ट्रैफिक प्रोवाइड करोगे. मतलब एक आर्टिकल एक मेन कीवर्ड के अराउंड आप अपने सेट ऑफ कॉन्टेंट प्रोवाइड करोगे, सेट ऑफ डिफरेंट ब्लॉग आर्टिकल्स प्रोवाइड करोगे जो आपके मेन आर्टिकल को ट्रैफिक दे रहा होगा. ठीक है,
क्योंकि ये एक हाई डिफिकल्टी या डिफिकल्टी वाला कीवर्ड है, तो आप क्या करते हो इस केस में, आप लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को रैंक करवाते हो, जिस पर रैंक करना आसान होता है, और फिर उन आर्टिकल्स में आप अपने मेन कीवर्ड का बैक मेन आर्टिकल का आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा क्योंकि बैक एंड फोर्थ बात हो रही है, मेन जो कीवर्ड है, जो मेन आर्टिकल है, उसको आप जो है ना बैकलिंक प्रोवाइड करते हो छोटे आर्टिकल से। जब बंदा आपके बड़े आर्टिकल की तरफ जाएगा रीड करते करते, आपने एक बैक लिंक या एंकर टेक्स्ट दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करा, वो तो उसके ऊपर लिंक जूस मिलता है। उस लिंक जूस की वजह से आपकी उस पर्टिकुलर कंटेंट को जिसको आप सबसे ज्यादा क्रेव कर रहे होते हो रैंक करने के लिए, और वो नहीं हो रहा होता ड्यू टू कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है, तो उसको लिंक जूस मिलता है, उसको अथॉरिटी देता है गूगल, और इन वजूहात की वजह से आपकी रैंकिंग्स बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मैंने ये टेक्निक मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं कि मैंने कितना कितना यूज करा हुआ है, ठीक है, रिगरसली क्रेजी तरह से। और एक सेकेंड रुकिएगा जरा, स्क्रीन स्टक, आई एम सो सॉरी। ओके, मुझे पता नहीं था, मैं असल में लेक्चर दिया जा रहा था। ओके ओके, तो वैसे बाय द वे एक बात बता दूं, मैंने स्क्रीन मूव भी नहीं करी है। गॉड, इतनी देर से ओके, नेवर माइंड, मैं कर देता हूँ। ये जूम के साथ मुझे इश्यू समझ नहीं आता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी नजर आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, ओके, मैं एक सेकेंड, तो मैं तुम लोग को बता दूं, माशाल्लाह हमारे साथ यहाँ पे उमैद हैदर भी बैठे हुए हैं। सही है उमैद, बैठे हुए हो तुम यहाँ पे? अच्छा, सो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ यार, मैं और उमैद जो हैं कई साल, हम लोग ने 2 से 3 साल जो है ना एक साथ काम करा है, और हम लोग ने एक वेबसाइट थी किल्पिंग के नाम से, उसके ऊपर मिलके काम करा था। उमेर जो थे वो हमारे SEO एक्सपर्ट है माशाल्लाह, और ये खुद डिजिटल मार्केटिंग VP हैं एक बड़ी कंपनी में क्यूबिक्स के नाम से, ठीक है। तो इस इन आर्टिकल्स को हम लोग ने बैक एंड फोर्थ रैंक करवाया था, और आज भी ये आर्टिकल्स अपने ही कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पे रैंक हुए हुए हैं। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर SEO से रिलेटेड या बहुत सारी दूसरी चीजों से रिलेटेड अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो, तो ऑलवेज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मैर, यहाँ पे माशाल्लाह उनकी खुद की बहुत वो है ग्रिप है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। बस एक बात आप सब लोग याद रखिएगा कि छोटे आर्टिकल्स या छोटे लेस डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स जो होते हैं, और अभी मैं आप लोग को जब टूल्स यूज करके बता रहा हूँ तो आप लोग को ज्यादा आइडिया हो रहा होगा, जब उन आर्टिकल्स के ऊपर से आप लोग अपने मेन कीवर्ड के ऊपर जो कि हाई डिफिकल्टी कीवर्ड वाले आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर कीवर्ड बेचते हो, तो आपको लिंक जूस मिलता है, अल्टीमेटली आपके आर्टिकल्स बेहतर रैंक करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो दैट बींग सेड, मैं अभी फिलहाल एक बहुत बेसिक तरीका, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा लेमैन है, लोगों को SEO की, मेजोरिटी लोगों को SEO की नो हाउ नहीं पता, तो इस वजह से मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, कहाँ चला गया मेरा? अच्छा, सो एक और फ्री टूल, जस्ट सो दैट यू कैन नो द SEO डिफिकल्टी और द कीवर्ड डिफिकल्टी ऑफ अ पर्टिकुलर कीवर्ड, सही है, ऑलवेज गो टू उबर सजेस्ट। आई थिंक काफी लोग यहाँ पे जानते होंगे, काफी लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। उबर सजेस्ट फॉर प्रीवियसली बेसिकली ओन्ड बाय अनदर कंपनी, बट नील पटेल ने इसके राइट्स खरीद लिए, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो नॉइस कैंसलिंग, मैं असल में अपनी एक और क्लास को पढ़ा रहा था पिछले महीने, तो देख सकते हो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स, फिर से स्क्रीन का इशू आ गया। ओके ओके, एक सेकेंड, मुझे समझ नहीं आ रहा ये आ क्यों रहा है, नो फ्रिकिंग आइडिया, अब सही है। अच्छा, ZenMate मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, ZenMate मैंने ऑफ कर दिया, आई होप अब ये मसला ना आए।
नहीं अभी तो मैं एक ही अभी नजर आ रहे तुम लोग को उबर सजेस्ट, क्योंकि कभी ये पहले इशू आया नहीं है. मैं प्रॉबेबली ये मैंने जेन में ऑन करा था इस वजह से आया हो, लेकिन कभी ये मसला पहले आया है नहीं. खैर मैंने नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स के ऊपर मैंने क्लिक करा है और मैं सर्च कर रहा हूँ इसको. अच्छा मैं तुम लोग को मैंने तुम लोग ने मेरा गूगल वाला तो देख लिया था, बहुत सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है कि मतलब तुम लोग का मेन कीवर्ड बस सर्च करना है, लेट्स सपोज कैंसिलिंग हेडफोन्स, और तुमको नीचे बॉटम पे ये सजेशंस दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है. लेकिन जस्ट सो दैट यू नो, तुम लोग अगर ये चाहते हो कि गूगल पे जब तुम लोग सर्चिंग कर रहे हो तो न्यूट्रल हो, ये पाकिस्तानी सर्च ना आए, तो प्लीज एक बात का खास ख्याल रखना, सेटिंग्स में जाके या तो जेनमेट ऑन कर दो यूएस का, ठीक है, एडवांस सर्च या किसी एक चीज में जाके ना, हाँ, या तो रीजन सेटिंग्स में जाके सेलेक्ट कर लो यूएसए, मैंने करा हुआ है पहले से, ठीक है. तो तुम्हारी जो भी सर्च रिजल्ट्स आएंगे वो अकॉर्डिंग टू यूएसए आएंगे, ठीक है. या सो नहीं तो तुम लोग के पास पाकिस्तानी आएंगे सर्च रिजल्ट्स, और वो सजेशंस भी नीचे आर्टिकल सजेशंस या जो भी कीवर्ड सजेशन लॉन्ग टेल की कीवर्ड सजेशंस जो है वो तुम्हें फिर उसके लिहाज से दे रहा होगा, ठीक है. या सो नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स मैंने लिखा है उबर सजेस्ट पे जाके, ठीक है, और जैसे तुम लोग देख सकते हो कीवर्ड आइडियाज पे गए हैं हम लोग. ठीक है यार, एक तो मैं तुम लोग की चैट विंडो सामने रखूं ताकि अगर मसला हो तो नजर आ जाए. ओके थैंक्स अवेस. ठीक है तो तुम लोग देख सकते हो कीवर्ड सर्च डिफिकल्टीज हैं, एसईओ डिफिकल्टीज यहाँ पे आ रही हैं पहले से, ठीक है. लॉग इन करोगे तो बाकी भी दिखाना शुरू कर देगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. लेकिन प्रिटी मच इस टूल की अच्छी बात यह है कि बाकी टूल्स जो हैं कीवर्ड डिफिकल्टी या सर्च डिफिकल्टी जो है या एसईओ डिफिकल्टी तुम लोग को बड़ी मुश्किल से दिखा रहे होते हैं, वो बोलते हैं प्रीमियम खरीदो पर उसके बाद, थोड़ा इसमें अच्छी बात यह है कि तुम्हें वैसे ही सजेस्ट कर देगा. तो डू यूज दिस. बहुत सारे टूल्स का एक और मसला ये होता है कि वो काफी अरसे तक फ्री रख देते हैं और जब उसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर जो ना कोई पेमेंट रख देते हैं. तो अभी क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो फ्री है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये यूज कर लो. एक मिनट. एक मिनट रुकिएगा. जी अच्छा सो जैसे तुम लोग ये देख सकते हो लॉन्ग टेल के ऊपर ये सजेशंस भी देगा और तुम लोग को कीवर्ड डिफिकल्टी भी बता देगा. देयर इज नो रूल ऑफ थंब के इतने ही कीवर्ड डिफिकल्टी एसईओ डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के ऊपर लिखना है, लेकिन आइडियली अगर तुम लोग को पता है कि तुम लोग का थोड़े मुश्किल कीवर्ड के ऊपर आ गए और उसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी इज अबव ऑन एन एवरेज 50 चल रही है तुम्हारे पसंदीदा कीवर्ड के ऊपर, जैसे कि बिल्कुल सिंपल टर्म है नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स, ठीक है. लेकिन अगर तुम लोग नीचे देखो, एक मिनट रुको, तो नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स, एक सेकेंड, मैं तुम लोग को एक और बताना चाह रहा हूं. जैसे कि ये नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स वायरलेस, ये हो गया सही है, मतलब वही वायरलेस हेडफोन्स हो गया. अब मुझे नहीं पता अभी इसके आगे क्या आ रहा है, मैं अभी साइन इन नहीं कर रहा, सही है. अगर इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी इज बिलो 30 और 40 भी चलती है, लेकिन आइडियली 30 मैं बोल लो रेकमेंडेड है, तो तुम लोग अपने आप को इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना रैंक करवाना स्टार्ट कर सकते हो. इनके ऊपर जो है ना रैंक करना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है, और फिर अपने मेन आर्टिकल को जो है ना तुम लोग बैक लिंक दो तो काफी लिंक जूस मिलता है कीवर्ड. या ठीक है, इसके अलावा और कौन से टूल्स है हमारे पास, एचरेफ्स मैंने अभी बोला हुआ है टीम से, उसकी ईसी की टीम से एचरेफ्स प्रॉबेबली मुझे जो है ना नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा, बिकॉज एचरेफ्स खुद एक दुनिया है बहुत बड़ी और इज द बेस्ट एसईओ टूल आउट देयर टू यूज. वैसे आपके कहने पे मैंने वो स्क्रैप बॉक्स भी देखा था, दैट्स रियली अमेजिंग,
तो वो मैं या तो खुद खरीद लूंगा या तो जो है ना मैं ईसी की टीम से बोलूंगा कि मुझे वो प्रोवाइड कर दें, या अच्छा सो कीवर्ड डॉट आईओ एक फ्री टूल है येट अगेन। वैसे ये टूल मैंने ज्यादातर जो है, हाँ प्लीज अवेस, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू एंड आई वुड ऑब्वियसली गिव यू द राइटफुल क्रेडिट फॉर दैट। सॉरी मैं आपको कॉल नहीं कर पाया बिकॉज मैंने लास्ट क्लास मिस भी करी थी, मेरे थ्रोट की कंडीशन और ज्यादा बुरी हो गई थी तो मैं वो नहीं कर पाया था। ओके तो कीवर्ड डॉट आईओ इटसेल्फ जो है वो आपको कीवर्ड सजेशंस देता है, एंड व्हेन आई से कीवर्ड सजेशंस, उन कीवर्ड्स के ऊपर आप लोग आर्टिकल्स अपने बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज नॉइस को, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये आपको कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं बताएगा येट अगेन। कीवर्ड डिफिकल्टी देखने के लिए आपको फिर से एचरेफ्स या फिर ऊबर सजेस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग आइडियाज जनरेट कर सकते हो। अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर किस तरह कॉन्टेंट आइडियाज जनरेट करने हैं, अपना कॉन्टेंट कैलेंडर कैसे बनाना है, पूरे उसका। उमेर इफ यू कैन आई वुड रियली अप्रिशिएट। उमेर तुम मुझे आफ्टर क्लास कर देना, नेक्स्ट क्लास जो है ना मैं एचरेफ्स के ऊपर रख लूंगा ताकि स्टूडेंट्स को यूज करना आ जाए। वो स्टूडेंट्स खास तौर पे जो बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि उनको एसईओ के इन्स एंड आउट्स पता चलें, एसईओ के लिए एचरेफ्स इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। एसईएम रश भी है, बाकी भी है, लेकिन एचरेफ्स आई थिंक उमेर मुझसे सेकंड करेगा और अवेस भी कि एचरेफ्स इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड टूल्स आउट देयर फॉर स्पाइंग ऑन योर कॉम्पेटिटर्स एंड ऑल्सो लुकिंग एट के कहाँ पे आपके कॉम्पेटिटर्स ने ऑफ पेज एसईओ करा हुआ है, तो आप लोग भी वहां पे जाके कर सकते हो और बाकी चीजें। तो हाँ तुम फेसबुक पर दे दो, लेकिन मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में यूज करूंगा ताकि मैं ये इसका कॉन्टेंट कवर करवा दूँ। ओके सो अब तुम लोग ये लिखा और तुम लोग ने हिट सर्च हिट करी, तो अब ये इससे रिलेटेड कीवर्ड्स तुम लोग को दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हो गए, इनको तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में। अभी एक वो आएगा, पॉपअप आएगा, आई नीड टू इग्नोर दैट। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हो गए, ये तुम लोग एक फाइल के ऊपर एक्सपोर्ट कर दो। बाद में तुम लोग चाहो तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल सकते हो, दैट्स अनदर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। सही है, अच्छा सो ये एक ऑफ टॉपिक मैं बता दूं, ये एक अच्छा फ्री टूल है कीवर्ड डॉट आईओ। कीवर्ड टूल डॉट आईओ नहीं, कीवर्ड टूल डॉट आईओ अगेन प्रीमियम है, उसका कुछ एस्पेक्ट फ्री है। कीवर्ड डॉट आईओ की एक अच्छी बात यह है कि ये आपको फाइवर के सर्च रिजल्ट्स भी देता है फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू रैंक देमसेल्व्स ऑन फाइवर। मैंने ये बहुत बहुत यूज करा हुआ है अपनी सर्च रैंकिंग्स पे, अपने प्रॉपर कीवर्ड्स पे अपने आप को रैंक करने के लिए, और मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करा है इस टूल ने। ठीक है, तो जो लोग फाइवर के ऊपर करना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा टूल है। एक और टूल जो है वो है आंसर द पब्लिक। थैंक यू मेयर। ठीक है, ये टूल पहले बिल्कुल फ्री होता था, अब इन्होंने इसको पेड कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं गोप्रो है, और मैंने आप लोगों को बताया कि ज्यादातर टूल्स जो आते हैं मार्केट में वो इनिशियली फ्री आते हैं, उनका काफी बड़ा चंक बिल्कुल फ्री होता है। अभी आई एम श्योर ऊबर सजेस्ट डाउन द रोड इसको भी फुली पेड कर देगा। इनका मेन मकसद ये होता है कि ये यूजर्स का ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है वो ऑनबोर्ड कर लें अपने साथ। बिग स्पाई हो गया, आंसर द पब्लिक हो गया, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती हैं। ठीक है, स्पाइफू भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली हाँ, स्पाइफू बहुत अच्छा है। नाइस अवेस। अच्छा तो जैसे आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन यहाँ पे फिर आ रहा है बिकॉज मैंने अपने पिछली पिछले जो दूसरी जगहें हैं आईटीसी और आईडीएम, वहां पे मैंने इसकी वो क्लासेस दे रहा था तो मैंने इसको यूज करा था, तो इस वजह से सजेशंस पहले ही दे रहा होता है। ये आपको जो है कीवर्ड सजेशंस दे देगा, नहीं सॉरी कीवर्ड सजेशंस नहीं, आर्टिकल सजेशंस दे देगा। कीवर्ड सजेशंस तो आर्टिकल, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड बता देगा, लेकिन ये आपको आर्टिकल सजेशन भी दे देगा कि आपको किस तरह के आर्टिकल्स ऑन अ गिवन कीवर्ड लिखने हैं,
ताकि आप अपने आप को उन गिवन कीवर्ड्स के ऊपर सही से रैंक करवा सको. मेन कीवर्ड आर्टिकल मेन कीवर्ड की सजेशंस भी देगा, ये सेकेंडरी कीवर्ड्स भी देगा, सही है. बाद में आप उनका कंपटीशन चेक कर सकते हो, कीवर्ड कंपटीशन कितना है, सही है, ऊपर सजेस्ट को यूज करते हुए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर आपको कितने आर्टिकल्स लिखने हैं, ताकि आप लोग अपना मेन कीवर्ड जो है ना रैंक करवा सको. ठीक है, ये काफी अच्छी साइट है, बहुत बेहतरीन साइट है. अगर आप लोग को आर्टिकल सजेशंस चाहिए ना, तो इस साइट को प्लीज स्टार्ट यूजिंग दिस वेबसाइट ऑफ्टन, बहुत अच्छी साइट है ये. ठीक है, स्टार्ट ऑफ विद लॉन्ग टेल लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स. ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा जूम आउट कर लूं. हाँ, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? मैं जरा पूछता रहूंगा ताकि ये मसला ना हो. वॉट आर कलर्स रिप्रेजेंटिंग? ओके, थैंक यू. बट ठीक है, ओके. सो ये स्टार्ट ऑफ विद लॉन्ग टेल लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स, इसका खास ख्याल रखना. वॉट टू डू इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू लॉन्ग टेल प्रो और AHRefs टू कन्फर्म, ये एक तरीका है. All in title colon. एक सेकेंड में जरा ये, या Ninja Professional Blender, और फिर तुम लोग उसका जो भी मॉडल है स्पेस रिव्यू, ये इस फॉर्मेट में अगर तुम लोग गूगल पे लिखते हो तो तुम लोग को एग्जैक्टली इस चीज का भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स कौन से हैं जो तुम लोग को अपने आर्टिकल में इनकल्केट करने हैं, ताकि यू कैन स्टार्ट रैंकिंग ऑन योर गिवन कीवर्ड्स. ठीक है, बिकॉज कभी कभी लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स को जो यूज है, कीवर्ड्स का यूज जो है वो मिसप्लेस कर देते हैं. ठीक है, तो अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग. इंस्टॉल मॉस बार क्रोम एक्सटेंशन, ये मैंने करा हुआ है, मैंने ख्याल से अपनी एक क्लास में आप लोगों को बता दिया था इसके बारे में. मॉस बार कर लो ताकि तुम लोग को पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी का पता चल जाए. लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, मैं फिर बता रहा हूँ तुम लोग को, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स के ऊपर ही बता देता हूँ अगर मेरा इसके ऊपर लॉग इन हुआ है. एक मिनट रुकना. आना शुरू हो गया. एक बात याद रखना, डोमेन अथॉरिटी का कुछ ना कुछ, एक सेकंड, अभी आया नहीं है मेरे पास. अच्छा, ओके. तो मॉस बार, ये फराज बता रहे हैं कि मॉस बार अभी बग हुआ है और ये अभी सही से शो नहीं कर रहा है. लेकिन मैं तुम लोग के बात बता दूं, देयर इंस्टेंसेस, और मैं तुम लोग को बकायदा लाइव एग्जांपल के साथ दिखा सकता हूं. डू नॉट गेट डिस्करेज्ड कि यार किसी का डोमेन तो 10 साल पुराना है और उसकी डोमेन अथॉरिटी तो 60-70 पे पहुंची हुई है, और मैं उसके खिलाफ कैसे रैंक कर सकता हूं. गूगल की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी पेज अथॉरिटी अच्छी है, अगर आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा है, आप तो उसकी ऑफ पेज एसईओ करीबी है, ऑन पेज एसईओ करीबी है, सब कुछ कंप्लीट है, गिवन इंफॉर्मेशन अच्छी है, और आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर जो है ना काम कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, यू विल सी अ लॉट ऑफ डोमेन्स हु आर अमंग्स हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स, हु आर रैंक्ड अमंग्स द हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स, उनकी अपनी पेज अथॉरिटी की वजह से, सिर्फ पेज अथॉरिटी की वजह से. तो इन दिस इंस्टेंस गिवन कीवर्ड के ऊपर जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करेगी वो आपकी पेज अथॉरिटी होगी. ठीक है, तो इस चीज को खास ख्याल, इस चीज का खास ख्याल रखना, और इसको चेक करने के लिए तुम लोग ऑब्वियसली मॉस बार जो है यूज कर सकते हो एग्जांपल्स देखने के लिए. ठीक है, या मोर बैकलिंक्स इज बेटर पेज रैंकिंग्स. ओके, सो कोई भी ऐसे कीवर्ड जिसकी 1,000-3,000 मंथली सर्च वॉल्यूम हो, कोशिश करो उनको हंट करो. ठीक है, उन कीवर्ड्स को एक जगह पे रखो. सर्च वॉल्यूम देखने का एक आसान तरीका ऊबर सजेस्ट है. दूसरा बेहतरीन टूल जो मैंने तुम लोग को पहले ही बताया, जो ग्रुप बाय के थ्रू तुम लोग लिख सकते हो, वो है आपका AHRefs. SEO RDP पे ले लो या किसी पे ले लो,
कुछ हल्के पुल्के फ्लॉज होते हैं ग्रुप बाय पे लेने के, जैसे कि अगर आप एसईओ एएचआरएस पे सर्चिंग कर रहे हो तो आप ऑटो लॉग आउट हो जाओगे 10 मिनट के बाद या हर 15 मिनट के बाद, लेकिन आप उस दौरान अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो 10-15 मिनट के अंदर, कि एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत काम कर लो, कुछ एक्सेल फाइल आप एक्सपोर्ट कर लो अपने पास, इम्पोर्ट कर लो आई मीन. ठीक है, आई थिंक मेरी लाइट चली गई है, कैन यू गाइस हियर मी? ओके, तो या आई डोंट नो. खैर, ये हो गया. अच्छा, एक चीज और, तुम लोग इस डिलेमा में मत फंसना इस चीज के, कि तुम लोग बोलते हो कि यार लेट्स सपोज, मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारा जो मेन कीवर्ड था इस वेबसाइट पे क्लिपिंग पे, और अगर मैं किसी और नॉइस कैंसलिंग की बात करता हूँ, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन सबके लिए बहुत नॉर्मल है, सही है? अगर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स तुम्हारी निश है या हेडफोन्स तुम्हारी एज पूरी निश है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम लोग उसका डोमेन लो जिसपे हेडफोन्स लिखा हुआ हो. जो चीज ज्यादा मैटर करती है वो तुम लोग की सब डायरेक्टरी है. फॉर एग्जाम्पल डोटा टू लैग, और तुम लोग के केस में फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं तुम लोग को. बेस्ट नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स देख रहे हो तुम लोग, इसने कोई डोमेन नहीं खरीदा जिसपे बेस्ट नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स के बारे में लिखा हुआ हो या हेडफोन्स आ रहा हो इन द नेम इटसेल्फ, दैट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि तुम लोग की जो डायरेक्टरी है वो आपका मेन कीवर्ड जो है कैरी कर रही हो. ठीक है, दैट मैटर्स अ लॉट. ठीक है, एक मिनट रुकना. असल में मेरा पंखा बंद हो गया था तो आई थॉट में भी लाइट गई है. खैर, तो इफ यू वर्किंग ऑन वर्डप्रेस तो मेक श्योर कि तुम लोग जो है ना सेटिंग्स में जाने के बाद यूज परमालिंक्स एसईओ फ्रेंडली. एसईओ फ्रेंडली करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू ओवर हियर इज कि तुम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर जाओ, बैक एंड पे सेटिंग्स पे जाने के बाद पोस्ट नेम कर दो, तो जो भी तुम लोग का पोस्ट नेम होगा वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सब डायरेक्टरी नेम ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा. ठीक है, या सो उमेर की जो है पुरानी यादें ताजा हो रही होंगी. अच्छा, इस बारे में मैं बात कर चुका हूं तो आई एम गोना स्किप दिस. हाँ, वैसे अब ये वाला रूल जो है 1.8 वाला परसेंट वाला बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता. ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी कि आप जो है ना 1.8% मेंशन करो. तो 1.8% मैटर्स, इट मैटर्स. आइडियली 1.8-1.7% तक आप अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर दो, लेकिन अब गूगल जो है आपकी खुद की आर्टिकल की क्वालिटी को देख रहा होता है, तो यू वुड एट टाइम्स यू वुड कम अक्रॉस आर्टिकल्स जिसमें जो है 1.8% कीवर्ड डेंसिटी नहीं मेंशन होगी, लेकिन वो फर्स्ट पेज पे रैंक हुए होंगे रिगार्डलेस. उसके बहुत सारी रीजंस है, ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ उन्होंने अच्छी करी भी होगी और उन्होंने फिर भी 1.8% कीवर्ड डेंसिटी नहीं रखी भी होगी, लेकिन फिर भी काफी लोग कर रहे हैं और काफी लोग अपने आप को, ये नहीं कह रहा कि इस टेक्निक को यूज करके सिर्फ अपने आप को रैंक कर देते हैं, लेकिन एक चीज का बस खास ख्याल रखना कि तुम लोग की 1.8 या कम हो, और ऑब्वियसली मोर देन 1% हो, लेकिन 1.8% के अराउंड हो, 1.9 या 2% भी ना हो, कम हो सकती है, ज्यादा मत रखना बिकॉज वो फिर स्पैमिंग में चला जाएगा. कीवर्ड डेंसिटी चेकर तुम लोग यूज कर सकते हो, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है. मेक श्योर यू हैव सोशल शेयर विजिट्स ऑन. ठीक है, LSI कीवर्ड्स, ये सिनोनिम्स होते हैं. ये कीवर्ड्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो कि, अब ये मैंने वैसे तुम लोग को एग्जांपल दे दी थी तो आई विल जस्ट स्किप दिस, लेकिन इसका पूरा मैं कीवर्ड जनरेटर होता है इसका, जिसमें ये उसी जैसे सिनोनिम्स होते हैं ना, उसी तरह ये सेम कीवर्ड के ऊपर आपको बहुत सारी दूसरी कीवर्ड्स रिकमेंड कर देता है जो आप अपने आर्टिकल के ऊपर जो ना यूज कर सकते हो. ठीक है, यू कैन यूज दिस LSI ग्राफ, ये मैं तुम लोग को चैट पे दे देता हूँ.
एक मिनट रुकना। I hope you, everyone of you got the link. Search for writers and content creators on Upwork and Fiverr. ये इसका आसान तरीका मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है? I hope तुम लोग मेरी स्क्रीन देख सकते होगे अभी, ठीक है? हाँ, बाइंग सेक्शन में गए तुम लोग। बाइंग सेक्शन में जाने के बाद जो लोग इसको आउटसोर्स करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि नहीं यार मेरी एक पैसिव इनकम बन जाए और उससे मेरे पास पैसे आते रहे, $300 to $500 तक का भी तुम लोग अपना इनिशियल एम रखो, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के सेक्शन में आओ एंड आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पे क्लिक कर दो। इस पे आने के बाद ठीक है, या सो इस पे आने के बाद या तो बेस्ट सेलिंग कर लो या तो खुद से सर्च कर लो। तुम लोग को ज्यादातर जो 1000 वर्ड्स से 1500 वर्ड्स तक के अगर आर्टिकल्स लिखवाने हैं तो ये तुम लोग को तकरीबन $25 तक के $25 तक के अमाउंट में तुम्हारे केटर हो सकता है। अगर गोरा होगा तो नहीं हो सकता, ठीक है? अगर कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, वो अच्छी इंग्लिश के साथ अनप्लेजराइज कॉन्टेंट, क्वालिटी कॉन्टेंट तुम लोग को प्रोवाइड कर सकता है तो गो फॉर इट। बट मैं तुम लोग को कुछ इसमें कुछ पॉइंटर्स दे देता हूँ व्हेन सेलेक्टिंग अ फ्रीलांसर, तुम लोग को क्या करना है, बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर मायसेल्फ, मैं खुद भी इस पे काम कर रहा होता हूँ तो मैं इसलिए तुम लोग बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, कोशिश करो कोई भी ऐसा बंदा सेलेक्ट करो, अगर आपके देखे, देन अगेन मैं ये सबको नहीं सजेस्ट कर रहा, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो इसको पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, खुद से नहीं करना चाह रहे, वो ये बोलते हैं बस हम ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशंस देख लेंगे, ठीक है, हम वेबसाइट का लुक एंड फील देख लेंगे लेकिन आर्टिकल्स के ऊपर हम काम नहीं कर सकते और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है? ओके, सो अगर तुम लोग को सिलेक्शन करनी है तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये है, राइटर्स देखो जिनके 100 से ज्यादा प्लस रिव्यूज हो, 5 स्टार, 4.9, 5 स्टार, 4.8, 4.7, 4.6 वालों की तरफ नहीं जाना। दैट्स पॉइंट नंबर वन, ठीक है? इसको याद रखना है, प्लीज भूलना मत, इस वाले की तरफ जाओ। लेकिन गोरा नहीं हो, फिर बता रहा हूं, बहुत चार्ज करेगा। मतलब गोरा हो सकता है लेकिन इट इज अनलाइकली कि जो है ना गोरा अमेरिका से कोई बंदा या कनाडा से या कहीं से जो है ना बहुत मिनिमलिस्टिक रेट्स चार्ज कर रहा हो, वो तुमसे काफी हैवी रेट्स चार्ज कर रहा होगा, जैसे ये हो गया, ठीक है? जैसे देख सकते हो किरण इकबाल, आई एम 100% श्योर ये मेडिकल राइटर है दो, ठीक है? लेकिन देन अगेन अगर मेडिकल राइटर है तो इसका मतलब ये कि अगर तुम लोग किसी इस तरह की निश में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग top 10 स्टेथोस्कोप्स, सही है, या top 10 मेडिकल एक्सेसरीज जो Amazon पे मिलती हैं, तो तुम लोग ने इसको हायर कर लिया। अब तुम लोग देख सकते हो, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली कितने वर्ड्स लिख रही है, वाओ, लेकिन अजीब सी बात ये है कि इसने, अच्छा हाँ, नंबर ऑफ वर्ड्स 1000, $40 में कर रही है, लेकिन मैं $20-$25 वालों को भी जानता हूँ, ठीक है? तो तुम लोग ने जो है ना इनको हायर करने और तुम लोग ने इन लोग से जो है ना आर्टिकल्स लिखवाने। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया, लेट्स सपोज आप ये बोलते हो कि नहीं यार मेरे पास ज्यादा बजट नहीं है और मुझे फिर भी काम करवाना है, इसमें दो और तरीके मैं तुम लोग को सजेस्ट कर रहा हूं। दूसरा तरीका ये हो गया कि तुम लोग सॉर्ट बाय पे जाओ और न्यूएस्ट अराइवल्स पे जाओ। न्यूएस्ट अराइवल्स पे जाने के बाद फिर तुम लोग सेलेक्ट करो। अब मैं तुम लोग को इसमें एक मजेदार बात बताता हूं, रिस्क है लेकिन यू कैन गिव इट अ शॉट, बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूं फाइवर पे या अपवर्क पे बहुत सारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस जो आते हैं वो इस माइंडसेट से आते हैं कि वो किसी तरह पहले 10 से 25, 20 रिव्यूज ऑन बोर्ड ले लें ताकि उनकी एक से बन जाए, कम से कम कुछ रिव्यूज उनके ऑन बोर्ड हों ताकि उनकी प्रोफाइल को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं किया जाए, सही है? तो वो क्या करते हैं, अगर 1000 वर्ड्स के आर्टिकल जो है मिनिमलिस्टिक, जो मार्केट एवरेज चल रहा है, अगर वो लेट्स सपोज $20 चल रहा है, ठीक है,
तो वो कोशिश करेंगे कि वो 20 की जगह $5 में, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होता है, $5 में 1,000 words का आर्टिकल दें। ये होती है फ्रस्ट्रेटेड लोग। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये रिस्क है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये भी एक तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा $5 वाले से जो है ना तुम 1,000 words का आर्टिकल लिखवाओ, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि तुम लोग $10 वाले पे जा सकते हो, बिकॉज $20 से $25 वाले लोग मैंने देखे हैं जिनके 100-100 reviews हैं, और जो 1,000 words का आर्टिकल लिख रहे हैं और उनके 5-star 100 reviews हैं, इसका मतलब वो लेजिटिमेट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, $10 वालों पे जाओ। ये वो लोग हैं जो बहुत डेस्परेट है ग्रो करने के लिए और काम लेने के लिए डेस्परेट है, इनके पास जाओ और इनसे जो है ना तुम लोग आर्टिकल्स लिखवाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग बोलते हो कि मैं, मेरे पास पैसा है और मैं ज्यादा आर्टिकल्स लिखवा सकता हूँ, तो आप मुझे थोड़ी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी बताएं। क्या मैं अपने महीने के बल्क के आर्टिकल्स एक बंदे से लिखवा रहा हूं, तो क्या मैं पूरे के पूरे 30 आर्टिकल उसको दे दूं, या अगर मैं एक दिन में 2 लिखवा रहा हूं तो पूरे 60 आर्टिकल्स उसको दे दूं? मेरी रिकमेंडेशन है नो। इसके लिए तुम लोग को क्या करना है, इसके लिए तुम लोग को 3 freelancers हायर करने और उन तीनों से बात कर लो कि देखो मैं तुमसे महीने के, एक से बात कर ली 10, दूसरे से 10, तीसरे से 10, और ऑब्वियसली अगर 60 हैं तो दो तीनों से बात कर ली 20 20 20, महीने के मैं 20 20 20 आर्टिकल्स या 10 10 10 आर्टिकल्स लिखवा रहूंगा। तो तुमको अब मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर, तुमने अपना कंटेंट कैलेंडर बनाया और मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर जो है ना तुम्हें मुझे कंटेंट लिख के देना है इन 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 डेट्स के ऊपर, और मेरे आर्टिकल्स रेडी होने चाहिए। आइडियली जिस दिन तुम लोग को आर्टिकल पोस्ट करना है उससे 2 से 3 दिन पहले उनसे बोल दो कि वो तुम्हें डिलीवरी दो, 2 से 3 दिन पहले की डेडलाइन दो, ताकि तुम लोग के पास इतना टाइम हो कि उन आर्टिकल्स को प्रूफ रीड कर लो। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दैट। मैंने क्यों बोला कि 3 different freelancers से 10 10 10 का काम करवाओ, ताकि तुम ओवरवेल्म ना करो उनको। ऐसा बहुत होता है कि बंदा जब अमाउंट सुनता है तो वो रिजेक्ट नहीं करता ऑफर को। ठीक है, तुम बोलते हो कि मैं तुमसे 60 आर्टिकल्स लिखवाना चाह रहा हूँ, एक ही फ्रीलांसर को बोल दिया, तो मुझे बहुत अच्छी सी एक डील दो, होगा ये इनएफिशिएंसी आएगी, तुम्हारा आर्टिकल कॉम्प्रोमाइज होगा क्वालिटी वाइज, और एंड यू डोंट वांट दैट। तुम लोग चाहते हो, डेफिनेटली ये चाहते हो कि तुम लोग का आर्टिकल वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स हो आउट देयर, व्हेन इट गेट्स रैंक्ड, पीपल रीडर्स हु कम ऑन बोर्ड टू योर वेबसाइट, दे लव रीडिंग योर आर्टिकल्स, तो इस तरह की चीज तुम लोग को अवॉइड करनी है। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को बता दिया एक तरीक, दोनों तरीके बता दिए, एक बहुत इकोनॉमिकल तरीका है, अफोर्डेबल तरीका है, बहुत ज्यादा न्यूज अराइवल्स में जाओ, थोड़ी सी रिसर्च करो, देखो कौन क्या चीज कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर ज्यादा करने की जरूरत है, बिकॉज दे हैव नो रिकॉर्ड और वट सो एवर, तुम लोग को ज्यादा क्वेश्चन थ्रो करने की जरूरत है, ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। लेकिन अगर तुम्हें ये बंदा मिल गया, ये तुम्हें फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत चीप रेट्स पे काम करके दे रहा होगा। दूसरा तरीका है बेस्ट सेलर्स की तरफ आ जाओ, एक सेकेंड, या बेस्ट सेलर्स की तरफ आ जाओ। बेस्ट सेलर्स या रिकमेंडेड सेलर्स पे आने के बाद वो फ्रीलांसर्स देखो जिनके एटलीस्ट 100+ हों, और तुम लोग अगर जेन्युइनली आराम से पैसे दे सकते हो तो मैं तो बोलूंगा गो फॉर इट। ठीक है, ये दे सकते हो, शुमाइला है कोई, सही है, सो आई थिंक आई एम 100% श्योर दैट शी शुड बी फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ वैसे पाकिस्तान से ही होनी चाहिए, नहीं हुई तो अलग बात है, पाकिस्तान से है। ठीक है, क्या दे रही है ये, तो तुम लोग देख सकते हो एसईओ ऑप्टिमाइज 100% यूनिक कॉपीज के पास 1,000 words आर्टिकल विद रेफरेंस लिंक्स $10 में। ठीक है, तो तुम लोग इससे बात करके देख सकते हो कि क्या तुम प्लीज अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग्स के ऊपर लिख सकती हो। ठीक है, $10 मतलब मैंने तो तुम लोग को बजट बताया था, वो पूरा हिल के रह गया, और अगर तुम लोग बल्क में लिखवा रहे हो तो और सस्ते में भी कर सकती है। ठीक है, तो यू कैन सी के कितना फायदा, 26 orders इन क्यू। गाइस मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, एनीवन हु हैज 271, मैं बल्कि इसका तुम लोग को वो दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ लिंक। ठीक है, ये लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, 271 5-star reviews, एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है, दिस इज वन हेल ऑफ अ डील। ये बहुत मुश्किल होता है करना, एक बात। दूसरी बात, इतने चीप रेट्स पे काम करते हुए इतना क्वालिटी कंटेंट देना कि हर कोई 5-star दे रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि 270 रिव्यूज का मतलब ये, इसके पास एटलीस्ट जो ऑर्डर कंप्लीशन है, मैं आपको बताता हूँ,
इसके एटलीस्ट 600 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीटेड है एटलीस्ट, बिकॉज ओनली 50% ऑफ द ऑर्डर्स और लेस गेट रिव्यूड. सही है, ये मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं. एनालिटिक्स, ये देखें राइट हैंड साइड पे, 50% ऑफ द ऑर्डर्स गेट रिव्यूड ओनली और लेस. इनफैक्ट आई वुड से मे बी 30% 40% दिमाग में रखो. तो समझो कि इससे डबल ट्रिपल इसके ऑर्डर्स रह चुके हैं इस लड़की के, और इसके 271 प्लस 5 स्टार रिव्यूज हैं. तो मेरी बात, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो आई गोना से 100% मैं तो इसके पास ही जाऊंगा अब आर्टिकल्स लिखवाने के लिए, बिकॉज ये बहुत चीप रेट्स हैं और क्वालिटी गारंटीड है. मतलब द प्रोफाइल स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. ठीक है, ये तो क्रेजी हो गया ना, मतलब 500, ये पता नहीं क्या कर रही है, 24 आवर्स डिलीवरी, पता नहीं क्या चल रहा है. बहरहाल कॉपी स्केप पास्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, 500 वर्ड्स $5 में, मतलब हद ही हो गई. हाँ ऑब्वियसली शी इज रनिंग अ टीम, बट दिस इज, ये इंतहा की वो है कोई. खैर जो भी है, या इनफैक्ट आई एम गोना फेवरेट हर, मैं अपने लिए भी यूज करूंगा इसको. ठीक, इस तरह. अच्छा, ये जो मैंने अभी तुम लोग को तरीका बताया ना, इस तरह तुम लोग फोल्डर बना सकते हो अपनी टीम का चाहो तो, या अपने फेवरेट गिग्स का. सही है, और उनको जो है ना रेलिवेंट एरियाज में सेव कर सकते हो, तो सारी गिग्स एक जगह सेव हो जाएंगी. जब वो गिग्स सेव हो जाए देन यू कैन ऑब्वियसली, तुम लोग को सिर्फ सेविंग सेव एरिया में जाने की जरूरत है. दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, सेव्ड, ये सेव्ड देख रहे हो मेरा, ये एक वो बन गया होगा, मेरे फोल्डर्स बने हुए इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो लोग फेसबुक एड्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, 24 गिग्स ओनली फॉर ऑफ दोज पीपल जो कि फेसबुक एड्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं. ये देख सकते हो तुम लोग, सारे के सारे वो लोग हैं. ये बेसिकली मेरा तरीका है कॉम्पिटिटर हंटिंग करने का. तो कॉम्पिटिटर हंटिंग हो या तुम लोग अपने फेवरेट फ्रीलांसर्स उस कैटेगरी में डालो, ये तरीका तुम लोग अपना सकते हो, ताकि तुम लोग बाद में उनको रीच आउट करो और बात कर सको बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन के लिए, कि भाई तुम लोग को वापस बार बार जाके सर्च ना करना पड़े. ठीक है, सो या ओके, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे. मैं लास्ट, सच बात तो ये है कि लास्ट सेशन होना नहीं था बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी. लास्ट सेशन में मुझे ये चीजें मुझे कवर करनी थी जो कि मैं कर नहीं पाया था, मैंने आज कर दी है. सो अब हम लोग तेजी से बाकी चीजों की तरफ एडवांस करेंगे, एसईओ के टॉपिक्स के ऊपर, वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर और बाकी सारी चीजों के ऊपर. ठीक है, तो एक सेकेंड रुकना, मैं जरा क्लोज कर दूंगी ये चीज. और एक और चीज, मैंने एक चीज तुम लोग के लिए सोची हुई है. मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट, देखें लेट्स बी ऑनेस्ट, माशाल्लाह यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं अभी, 83 लोग बैठे हुए हैं, राइट? तो 83 में से आई डोंट नो, 83 के 83 इंशाल्लाह स्टार्ट कर दें अपना ये काम अगर वो करना चाह रहे हैं, आई रियली डोंट नो. लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है 20 से 25-30 लोग तो कर ही सकते हैं स्टार्ट. मैं उन लोगों के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होऊंगा, वो मैं, ऐसा नहीं है कि वो मेरी टीम होगी, मेरा उसमें कोई स्टेक नहीं होगा, मेरा कोई स्टेक नहीं होगा, सारी आप लोग की मेहनत होगी. लेकिन मेरा काम ये होगा कि मैं आप लोग के आर्टिकल्स और आप लोग के काम के ऊपर मुस्तकिल मॉनिटर करता रहूंगा, और मुझे बेसिकली प्रोबेबली मैं इस तरह, इफ आई पुट इट इन द राइट वर्ड्स, मुझे सुकून नहीं मिलेगा इस चीज में इफ आई हैव नो सक्सेस रेट इन दिस. मतलब मैं पढ़ा दूं लेकिन मुझे कोई भी ऐसा ना मिले जिसने ये काम सही से करा हो या कर रहा हो, तो इट वुड बी अ डिस्करेजमेंट फॉर मी. आई एम पुटिंग माई एनर्जी ओवर दिस बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू अकॉम्प्लिश समथिंग. तो 20 मैक्सिमम, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि बेयर मिनिमम एटलीस्ट 20 लोग तो ऐसे होंगे हमारी इसी कम्युनिटी से जो कि इसको वाकई में एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे होंगे. मैं आर्टिकल्स नहीं लिखूंगा, मैं तुम लोग के ऊपर डायरेक्ट मॉनिटर करूंगा और तुम लोग को जगाता रहूंगा कि देखो तुम लोग को अभी ये चीजें करनी है, तुम लोग नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर रहे, और मैं तुम लोग की रैंकिंग्स के ऊपर भी ट्रैक रखूंगा. ठीक है, तो देयर वुड बी लाइक एटलीस्ट 20.
मैं बेसिकली ईसी टीम से बात कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे शॉपिफाई के लिए 20 लोग चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा वो 20 लोग रिपीट नहीं हो सकते शॉपिफाई में, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो डिफरेंट 20 लोग हों। एक साथ तीन जगहों पे पांव रखने से होगा ये कि तुम लोग कहीं के भी नहीं रहोगे। पहले एक चीज को सक्सेसफुल बनाओ, फिर स्टेप टू पे जाओ। मैं तुम लोग को फॉर लाइफ इंशाल्लाह हेल्प करूंगा। मुझे हेल्प करने से कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ा सा जो लास्ट वीक है मैं लेजी इस वजह से रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑन बेड। आईव हैड ऑलमोस्ट 15 एंटीबायोटिक्स फॉर इन लास्ट 15 डेज कंजेकेटिवली, और उससे मुझे काफी कमजोरी हो गई थी। तो आई वॉज ऑन टोटल बेड रेस्ट। मैं इस चीज के ऊपर डायरेक्ट वो कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया मुझे 20 लोग चाहिए फॉर शॉपिफाई। माइंड बना लो आराम से सुकून से, 20 लोग चाहिए फॉर अमेजोन एफिलिएट। प्लीज चाहूंगा मैं ये कि 20 लोग डिफरेंट हो शॉपिफाई के, 20 लोग एफिलिएट के डिफरेंट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाकियों को हेल्प नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, 100% करूंगा। लेकिन मुझे पता है कि जब आप किसी जगह पढ़ा रहे होते हो तो हर किसी के पास डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो हर किसी का रुझान डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होता है। लेट्स सपोज 20 लोग जो हैं, या 25 लोग, या 50 लोग जो हैं, वो अमेजोन पीएल होलसेल की तरफ जा रहे होंगे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, इस तरफ। कुछ लोग जो हैं वो किसी और तरफ जा रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने ये बात रखी है आप लोग के सामने। एक मिनट रुकिएगा। ये आखिर वायर फ्रेम मैंने, ये कोई दुनिया का सबसे परफेक्ट वायर फ्रेम नहीं है, बिल्कुल एक आइडिया है तुम लोग को दिया बा मैंने, ठीक है। तुम लोग को जो है क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, किस तरह करनी है। आइडियली एक तुम्हारा जो है प्रोडक्ट रिव्यू पेज, या वन प्रोडक्ट वर्सेस सेकंड प्रोडक्ट, या टॉप 10 प्रोडक्ट पेज तुम लोग का किस किस तरह दिखना चाहिए, उसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये याद रखना। आई एम डन, आई विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस नाउ। पहले से इतने साले, अच्छा माशाल्लाह, मोहतेशन में सबसे पहले हाथ उठाया हुआ था हमेशा। हाँ मोहतेशन, एक्साइटेड वालेकुम सलाम। होता हूँ हमेशा, इसलिए सबसे पहले हाथ उठा देता हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं। तो तुमने एक अच्छा सवाल करा था लास्ट टाइम मुझसे जी जी कि मुझे जी ब्रेकअप दे दे, तो वो ब्रेकअप मैंने तुम्हें एक एडजस्ट दे दिया, उस चीज का आइडिया दे दिया मैंने। अच्छा नहीं मुइज भाई, मुझे जो है ना उसके अंदर थोड़ी और क्लियरिटी चाहिए। एक तो अभी चाहिए आपने ये जो, मैं आपको एक चीज बता दी, तो अभी आपने ये जो शॉपिफाई वाली बात जो की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पीएल वगैरह में हर चीज के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने वाली बात है। लेकिन ये जो आपके जो दो टॉपिक्स हैं, ये तो वो वाले हैं जो मुझे हमेशा से पसंद है। लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि अगर आप इसके अंदर भी, अगर आप ये बोलते हैं ना कि 2020 में लेके चलता हूँ और दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो आई वुड रियली आस्क यू के शॉपिफाई और एफिलिएट के अंदर से, बिकॉज जितना आपने बजटिंग दिया है ना, तो मुझे उस हिसाब से लग रहा है कि एफिलिएट इज मोर एक्सपेंसिव टू गो विथ रादर देन शॉपिफाई। जो कि ऑल ऑन द अदर हैंड मार्केट के अंदर ये परसेप्शन होता है कि शॉपिफाई इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि वहां पे आपको एड्स के ऊपर पैसे फेंकते रहने पड़ते हैं एक फेसबुक चीज एड्स एक चीज एक चीज मोतिशम के एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, एफिलिएट इज स्टिल चीपर देन शॉपिफाई। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, एफिलिएट की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या? एफिलिएट की सबसे अच्छी बात यह है, और उमेर भी मुझसे इस बात पे अग्री करेगा, बिकॉज माशाल्लाह मैंने बताया ओवैस और उमेर मुझसे यहाँ पे बैठे हुए, वो लोग आई एम प्रिटी श्योर वो मुझसे अग्री करेंगे, और खासतौर पर शॉपिफाई करा भाई। तो शॉपिफाई पे ना कोई एक फिक्स नहीं है, $1,000 से लेके $1,500, $5,000 भी लग सकते हैं, सही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप $5,000, अच्छा मेरे पास अभी ना एक शॉप आई, अगर किसी को खरीदनी हो तो मुझे बता दे। अभी मेरे पास एक शॉप रखी हुई है, उसकी एक अभी कीमत लग रही है, लेकिन उन्होंने पहले मुझे ऑफर करी हुई है, तो मैं तुम लोग को बता सकता हूँ अगर तुम लोग खरीदना चाहो। ये रही, बल्कि मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, ग्रूवी थिंग्स टू बाय। आई नो, जस्ट डोंट गो ऑन द नेम, छोड़ दो नाम को, छोड़ देना, ठीक है। गेमिंग गेयर, गेमिंग गेयर भरा हुआ है इसमें ना। मैं आपको बताता हूं इस शॉप के ऊपर ये लोग कितना पैसा खर्च कर चुके हैं। अभी मैं तुम्हें बोलते चल, क्योंकि तुम्हारा सवाल था तो मैं बता रहा हूं, सही है। ये लोग इस पे पेड एड्स कितने चला चुके हैं पता है, एक साल के अंदर $75,000, $75,000 के पेड एड्स चला सक चुके। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ओ हो इससे बड़ी तो कोई अमाउंट ही नहीं है, नहीं,
बड़ी कंपनीज बड़ा पैसा फेंकती हैं, ये कंपनी बड़ी नहीं थी, बात ये चंद चलाने वाले लोग थे, इसके ऊपर $75,000 बेचे हुए खर्चे में, और ये वेबसाइट नुकसान में। अब आप सोचो, मतलब ये तुम्हारे सवाल का मैंने जवाब दिया है बेसिकली, आई होप यू सर अंडरस्टैंड, मतलब ये एक्चुअली नहीं है। हाँ बोलो बोलो। मेरा सर में पूछने का पॉइंट ये था कि देखिए इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होती है, दैट इज कंसिडरेबल, लेकिन एक एस्टिमेट जो होता है ना, जैसे आप हमेशा ये वाली बात बोलते हैं कि भाई जैसे $300 to $500 का गोल है फॉर शॉपिफाई ऑल्सो एंड फॉर एफिलिएट ऑल्सो, राइट? या तो उसी के तहत आपने हमें एक मिनिमम बजट दिया है कि भाई इतने लग जाएंगे, सही है? तो हाँ शॉपिफाई के अंदर भी आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि भाई शॉपिफाई के अंदर अंदाजन आपके हिसाब से मिनिमम इतने लगेंगे और मैक्सिमम इतने भी जा सकते हैं टू अर्न दैट गोल, एज इन 300 to 500. ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि क्या चीज ज्यादा यू नो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी फॉर एनीवन हु हैज नॉट यू नो दैट मच इन्वेस्टमेंट. तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्कोप ऑफ वर्क दैट यू गोइंग टू एग्जीक्यूट, सही है? मैं तुम्हें बताता हूँ, काम भले वो कोई भी हो, ठीक है, तुम एक मतलब मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, किसी से भी रिलेटेड, कोई बंदा एक सोचता है कि मैं ठेले पे फल बेचूंगा और एक बंदा बोलता है कि नहीं मैं सुपरमार्ट में बेचूंगा, तो स्कोप ऑफ वर्क बहुत डिफर कर जाता है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है, तुम ये बोलते हो कि बस $300 से $500, अभी शुरू में मैं महीने के अगर मैं $100 भी कमाना शुरू कर दूं एफिलिएट मार्केटिंग से पहले 3 महीने के बाद, तो मैं बोलूंगा मैंने कुछ अपना गोल अकॉम्प्लिश कर दिया, कुछ हद तक कह सकता हूं मैं ये बात, अगर तुम समझते हो तो, कि टू स्टार्ट ऑफ अगर मैं महीने के $100 भी कमाना शुरू हो गया हूं, या एक ग्लिम्स भी देख लिया मैंने $50 का, तो मैं बोलता हूं अल्लाह का शुक्र है, चलो कुछ तो आया, दैट विल और बी उसके अगले महीने मोटिवेशन. भी $50 से $100, तो मैं बोलूंगा चलो यार शुक्र है। अब समझने की बात ये चीज निश टू निश डिफर करती है। अभी मैं तुम्हें एक बात छोटी सी बताता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है वो मुझसे बोल रहा है अमेजोन एफिलिएट साइट खोलो, ठीक है, बाहर का क्लाइंट है, डेनिश का, डेनमार्क का, अमेजोन एफिलिएट साइट खोलो बाइसिकल की निश में। बाइसिकल की निश बहुत अच्छी निश है, उसने जो प्रोडक्ट्स मुझे दिए हैं वो बहुत यूनिक है, उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत लो है, और वो उनपे आराम से रैंक कर जाएगा, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी लो है तो कीवर्ड वॉल्यूम, जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो भी लो है। अब तुम मुझसे बोलते हो कि मुझे बड़ा गेम खेलना है, बड़े कीवर्ड वॉल्यूम पे जाना है मुझे, और बड़ा ट्रैफिक वॉल्यूम पे खेलना है, और कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डिफिकल्टी पे जाना है, बड़े ट्रैफिक वॉल्यूम पे खेलना है, तो उसका टाइम ज्यादा लेगा, उस पर आर्टिकल्स भी ज्यादा लिखने पड़ेंगे। और फिर मैं देखो बहुत सारी चीजें हमें एज्यूम करनी होती है, सही है, हाइपोथेसिस के ऊपर बहुत सारी चीजें बेस करती हैं, कि यार मेरा ख्याल ये है कि आइडियली मुश्किल कीवर्ड्स के ऊपर तुम 4 से 6 महीने के अंदर, बहुत मुश्किल कीवर्ड्स के ऊपर 4 से 6, में भी 10 महीने के अंदर भी तुम रैंक ना करो, और हो सकता है कि 6 महीने के अंदर भी रैंक कर दो। मैंने उमेर के साथ काम करा हुआ है, हमने मुश्किल मुश्किल कीवर्ड्स, जैसे मैं तुम लोग को बताया था माइनक्राफ्ट एक बहुत मुश्किल कीवर्ड है, उमेर को याद होगा, हमारे डायरेक्टर ने हमें चैलेंज दिया था नहीं कर सकते, और आज माइनक्राफ्ट लैक के ऊपर वो प्रोजेक्ट जो बंद हो चुका है उस पे आज हम नंबर वन पे बैठे हुए, ये वाला, ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका है हमारा, लेकिन आज हम इस पे नंबर वन पे बैठे हुए और इस पे हमारा डायरेक्टर हमसे चैलेंज करता था कि इस पे तो तुम नंबर वन पे आ ही नहीं सकते। तो ये जो कीवर्ड वाली गेम है ना, असल सारी गेम कीवर्ड की है। हाँ आई स्टिल रिमेम्बर, तो ये सारी गेम कीवर्ड की है, और ये सारी गेम जो है ना कि कब रैंक कर जाते हो, कुछ हद तक थोड़ी सी लक भी इन्वॉल्व हो जाती है, सही है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट गूगल एल्गोरिथम इज, बिकॉज यू नॉट सिटिंग इन गूगल, वो आपको अपने जो पेंगुइन वगैरह और जो इनके वो आते हैं रिलीजेस आते हैं उस पर एक थोड़ा सा एक आइडिया तो दे देते हैं कि हम इन चीजों को वैल्यू दे रहे होंगे। बेस्ट आप क्या बेस्ट कर सकते हो, द बेस्ट कार्ड दैट यू कैन प्ले इज दैट यू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, बस, फिर उसके बाद ये और लोग करते और लोग रैंक होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे हिसाब से अगर तो मेरी नजर से देखो ना, तो मैं समझता हूँ एफिलिएट इज स्टिल एन इकोनॉमिकल बिजनेस कंपेयर टू शॉपिफाई, अगर आप $300 से $500 कर रहे हो तो। क्यों? अगर तुम शॉपिफाई के बारे में देखो, शॉपिफाई पे आपको पैसा, अब मैं ये बोल रहा हूं तुम एफसीओ की तरफ नहीं जा रहे,
ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई पे एसईओ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हमारी शॉपिफाई वाली किल्पिंग वाली कंपनी ने भी करा हुआ था। आती हैं सेल्स, मजेदार सेल्स आती हैं, लेकिन एसईओ इज स्लो प्रोसेस। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, लोग मेजोरिटी में एसईओ सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर्स कैसे लेके चल रहे हैं ड्रॉप शिपिंग को, ठीक है, और वो उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिटेबल हैं, वो पैसा फेंकते हैं, वो $500 भी फेंकते हैं, वो $1,000 भी फेंकते हैं, वो $5,000 भी फेंकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कितना एग्रेसिव जाना चाह रहे हैं। ये डेफिनेशन तुम्हें अपने लिए क्लियर करनी होगी, ये मैं डेफिनेशन तुम्हें नहीं दे सकता। तुम चाहते हो कि यार मेरे व्हेन आई सी 6 months to 1 year डाउन द रोड मेरे $300 से $500 बन रहे हो, तो यू कैन गो विद नॉर्मल पेस। तुम हफ्ते में 4 articles लिखवाओ, तुम्हें ज्यादा पैसा फेंकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोज एक आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 4 articles लिखवाओ और बैक लिंक्स, हाँ, रोज बैठ के 1 घंटा निकालो। आई डोंट थिंक 1 hour ज्यादा है, आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, बैक लिंक्स बनाते रहो, बैक लिंक्स बनाते रहो, थोड़े रिसर्च करते रहो। आई थिंक 1 to 2 hours देना अमेजोन एफिलिएट को या शॉपिफाई को इज जस्ट, इट्स नॉट अनजस्ट। आप तुम ये तो मेरे ख्याल से तुम मानोगे कि हाँ यार, जस्टिस है अगर आप किसी बिजनेस मॉडल में एटलीस्ट 2 घंटा तो लगाओ दिन में, 1 से 2 घंटा। तो ये है अमेजोन एफिलिएट में। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम खुद से लिख रहे हो या तुम्हारी बहन लिख रही है, जैसे मैंने अपनी बहन, मेरी बहन कभी घर पे आई हुई है, मैंने उसके साथ पार्टनरशिप क्या करी है, मैंने उसको बोला है अमेजोन एफिलिएट पे स्टार्ट करो, उसको पैसे चाहिए, पैसिव इनकम। मैंने बोला मैं पैसा लगाता हूँ, तुम मुझे 25% दे देना, आर्टिकल्स तुम लिखोगी, वेबसाइट पूरी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन मैं करूंगा, ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन और आर्टिकल्स तुम लिखोगी, और उसी तरह से लिखोगी जिस तरह मैं तुम्हें बताऊंगा, तो सही है, हो जाएगा वो, कोई मसला नहीं। जहां पे आप $500 कर रहे हो तो 25% देने में क्या है, $1,000 कर रहे हो 25% देने में क्या है, आप अपने किसी दोस्त के साथ मिलके कर लो। जस्ट मेक श्योर कि वो कंसिस्टेंट हो, बस। एंड जस्ट जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन कि इन एफिलिएट इन कंपैरिजन टू शॉपिफाई, इन दोनों में से जैसे आपने लास्ट टाइम शॉपिफाई, क्योंकि शॉपिफाई का नहीं था इसलिए मैं उस तरफ जाना ही चाहा, लेकिन आपने उनकी भी कोई स्किल्स बताई थी जो फ्रीलांस हो सकती हैं, इन दोनों में से किसकी स्किल्स हैं जो ज़्यादा इजिली फ्रीलांस की जा सकती हैं? एज एन एस यू तो ऑब्वियसली वो तो एक पूरी फ्रीलांस Shopify फील्ड है versus Amazon affiliate? जी। Amazon affiliate. ओके सही, ये क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। No problem. जी काशिश, जी मुईज भाई, मेरा क्वेश्चन बैकलिंक्स के हवाले से था कि बैकलिंक्स हम, आपने कहा कि एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपके पास बहुत बैकलिंक्स, आप किसी ऐसी वेबसाइट से लेके आते हैं कि जहाँ से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है, तो अमेजोन सस्पिशियस हो गए तो आपका अकाउंट जो है तो वो ब्लॉक भी कर सकता है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि फिर हम मतलब ये चीज़ कैसे डिसाइड करें कि हमने इसके जो बैकलिंक्स बनाने हैं, हाई डोमेन अथॉरिटीज वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो तो आपको इतनी इजीली फिर नहीं करने देती, मतलब लिंक्स वगैरह पोस्ट करना या वहाँ से ट्रैफिक जनरेट करना, तो फिर हम इस चीज को कैसे मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? एक तो ऑर्गेनिक रैंकिंग है कि ठीक है हमने एसईओ वाइज अपने जो आर्टिकल्स हैं उसको एसईओ ऑप्टिमाइज कर दिया सारा कुछ ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ उससे नहीं होता क्योंकि आपके साथ पैरेलल में कंपटीशन भी बहुत चल रहा होता है, और दूसरा ये होता है कि क्या उसे कहते हैं, कुछ लोगों ने टाइम टू टाइम अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स बनाई होती हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटीज वगैरह और वो फैक्टर्स भी काउंट इन कर रहे होते हैं, उनको प्लस कर रहे होते हैं। सो एज अ न्यू, अगर आज मैं अपनी कोई एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट अमेजोन की वो लॉन्च करता हूँ और उसको रैंक करना चाहता हूँ, तो डोंट यू थिंक इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम विदाउट बैकलिंक्स? अच्छा, सो दिस इज व्हाट आई थिंक। पहली, अच्छा, तो पहली तो चीज़ ये कि मैं जो ट्रैफिक की मना कर रहा था ना, असल में जो असल सिल्वर लाइनिंग है वो इस चीज़ की समझने की है कि ट्रैफिक ब्लैक हैट मत भेजो। ब्लैक हैट ट्रैफिक अलग चीज़ होती है, वो उसमें फिर बॉट्स भी आ जाते हैं। वो फिर मुझे अभी भी याद है, हम लोग के यही प्रोजेक्ट्स जो थे और अभी भी जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कभी कभी हमारे साथ कोई एफिलिएट पार्टनर ऑन बोर्ड आता है और हम उस वो बोलते हैं कि यार तुम मुझे पर ट्रैफिक पैसे भेजोगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पर ट्रैफिक तुम मुझे पैसे दोगे। हम बोलते हैं चलो ठीक है, पर ट्रैफिक दे देंगे, कोई मसला नहीं। तो बोलते हैं अच्छा, वो बेफिक्र हो जाता है। अब पर ट्रैफिक जो भी देना है तुम्हें, $0.01 देना है, $0.02 देना है, दे दो, लेकिन दोगे तुम उसके लिए। हम बोलते हैं ठीक है। अब हम जब देखते हैं गूगल एनालिटिक्स पे तो हमारे पास स्पैम ट्रैफिक आ रहे हैं और आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, उसके ट्रिगर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
आप ये चीजें ना डैशबोर्ड वगैरह से देख सकते हो. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक लाओ तो खुद से लाओ या किसी रिलायबल सोर्स से लाओ. जैसे यहाँ पे ट्रैफिक बिकता है फाइवर पे, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यूएसए ट्रैफिक, यूएसए ट्रैफिक चलो कर लेते हैं, एक बात करते हैं. यूएसए ट्रैफिक की ऑब्वियसली सबसे ज्यादा डिमांड होती है, सही है. अब आपने ये बात बोली, आई विल एक्सप्लोर वेबसाइट रैंकिंग शॉपिफाई स्टोर विद एसईओ टारगेटेड यूएसए ट्रैफिक, या आई विल ड्रिव सेफ यूएसए ट्रैफिक. क्या रिलायबिलिटी है इनकी, पहली चीज. अगर तो आपका कोई दोस्त बता देता है आपको कि हाँ यार मैं ये साइट्स यूज कर रहा हूँ, ये सोशल साइट्स यूज कर रहा हूँ, ये भी सोशल बुक मार्किंग साइट्स यूज कर रहा हूँ, इधर से ट्रैफिक भेज रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो ठीक है. लेकिन आपका राइट बनता है कि जब आप इन गिग्स को प्लेस कर रहे हो ऑर्डर, तो आप इनसे पूछो कि मुझे पहले बताओ कि तुम ट्रैफिक भेज कहां से रहे हो और तुम्हारा तरीका कार क्या है. मतलब तरीके कार से रिलेटेड ये नहीं कि टेक्निक पूछ लो, बोलो कि आई डू नॉट वॉन्ट ब्लैक हैट ट्रैफिक, ठीक है, मुझे व्हाइट ट्रैफिक चाहिए, व्हाइट एसईओ ट्रैफिक चाहिए मुझे, तुम बताओ तुम सोर्सेस क्या होंगी तुम्हारी ट्रैफिक भेजने की. जो मना कर दे उससे मत करो, जो तुम्हें बता रहे हैं कि हाँ यार मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है, तो वो फिर वो करवाओ आप. लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, मैं थोड़ा सा डरूंगा अपने पास इन लोगों से ट्रैफिक भेजने में, अनलेस कि किसी की रैंकिंग पूरी देखे. 4.8 वालों को तो मैं मना करता हूँ. मजेदार बात देखें, मैंने जो कीवर्ड लिखा है, मैंने आप लोगों को बोला था 4.8 वाले पे मत जाए, 4.9 वाले पे ही जाए. सारे 4.8 है, 4.8, 4.8, 4.8, 4.8, ठीक है. मैं तो इनमें से एक से भी नहीं काम कराऊंगा, भले इनकी 4000 भी होता. 4.9 और 5 ही सही है फाइवर पे, 4.8 की कोई जगह नहीं है. मजेदार बात ये, मेरी खुद की एक गिग 4.8 पे, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये बात, सही है. और 4.9 विद 6 स्टार्स कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 5 इसके पास ऑर्डर हुए 5 स्टार के, एक इसके पास 4.9 का आया या 4.7 का आया, तो ओवरऑल रेटिंग इसकी 4.9 आ गई, ये नहीं. एटलीस्ट 100 रिव्यूज हो 4.9 या 5, तो फिर आप उसके लिए ऑप्टेन करो. जैसे कि ये है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, सोच सकते हो कि चलो यार मैं इससे बात करके देखता हूँ क्या सूरत हाल है, ठीक है. ये 5 स्टार बोलेंगे नहीं, इन्होंने मुइज ने बोला था 5 स्टार वाली रेटिंग 3, मतलब कि नहीं इनसे बात करने की जरूरत ही नहीं है. हाँ आप एक चीज और कर सकते हो, आप फाइवर पे जाओ, आपको गेस्ट ब्लॉगिंग करवानी है, गेस्ट पोस्ट पे चले गए आप, गेस्ट पोस्ट पे जाओ, या आपको डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी वाली 5 साइट्स बताएगा. गेस्ट पोस्ट डोमेन अथॉरिटी 88 इज माइंड बॉगलिंग, ठीक है, $40 ले रहा है और भी आपको बता रहा है सही कहां कहां पे आप गेस्ट पोस्टिंग करवा सकते हो. करवाओ गेस्ट पोस्टिंग करवाओ. मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी अप्रोच सही रखोगे ना Amazon affiliate के साथ, Shopify और Amazon का सबसे बड़ा फर्क, अच्छा जब मैं Shopify पे कर सकते हैं SEO, लेकिन मैं SEO की अभी बात नहीं कर रहा, Shopify पे मेजॉरिटी लोग कैसे करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पेड ट्रैफिक, ठीक है, या एफिलिएट ट्रैफिक या इन्फ्लुएंसर ट्रैफिक. Amazon पे 99% लोग कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक SEO. अब इन दोनों के मुकाबले में आ जाए ना, लगेगा हमें कि पैसा Amazon एफिलिएट पे ज्यादा लग रहा है, अगर आप ऑटोमेशन पे जा रहे हो या आप आउटसोर्स करवा रहे हो काम. ऐसा नहीं है, इस पे आपको लगेगा. एक बार आपका SEO पे जाके टिक गया कीवर्ड, तो उसको उतारना भी मुश्किल है, उसको सिर्फ मेंटेन करना है, आपको अपडेट करना है, मेंटेन करना है, वो आपको पैसा देता रहेगा. Shopify के आज आपने एड्स बंद करें, आपकी सेल फिनिश, आपकी सेल्स जीरो, कुछ दिन सेल्स आ जाएंगी ऑर्गेनिकली, बस खत्म, दैट इज इट, हो गया आपका काम. पैसा लगाना है तो Shopify पे आना है. Amazon पे 1 year 6 months डाउन द रोड आपने अपने कीवर्ड्स को लगा दिया, मैं ये नहीं बोल रहा बंद कर दें आप अपना काम, लेकिन फिर वहां से आपको रिटर्न्स आते रहेंगे. वो पेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि आज आपने पैसा नहीं लगाया तो उससे आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे. अगर आपकी रैंकिंग हो गई तो आपको रिजल्ट्स आते रहेंगे. हाँ ऑब्वियसली वो हिलेंगे अगर आप अपडेट नहीं करोगे, ये चक्कर है. ठीक है. और दूसरा मोहित भाई, आपने हमने फर्स्ट लेक्चर में कोई बताया था डोमेन नेम किसी भी कंपनी से परचेज करने का, उसके उस सिलसिले में आपने कोई वर्डप्रेस वाली वो बताई थी कि जिससे कोई एक आपने कंपनी बताई थी जिससे हम डोमेन भी खरीद सकते हैं और वहां पर कोई एक थीम है जिसको हम वो भी करवा सकते हैं, उससे अगर काइंडली रेफरेंस दे दें. थीम खरीद सकते हैं, इनवाटो की बताई थी मैंने आपको,
सही है, इन्वाटो पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, मतलब ये तो सिंपल है, लेकिन मैं आप लोग को, हाँ मैं सॉरी भूल गया, मुझे किसी ने ये भी बोला था टॉप 10 और 20 बेस्ट थीम्स फॉर अमेजोन, ये मैं आई प्रॉमिस यू गाइज, ये मैं अपने नेक्सस में इन डाल दूंगा। ये मैंने असल में नहीं डाला, लेकिन मैंने असल में क्वेरी डाल दी, जो आप लोग सिंपली सर्च करके देख सकते हो कि सबसे बेस्ट प्रेफरेबल थीम्स कौन सी हैं अमेजोन के लिए। ठीक है, यहीं कहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया, एक मिनट रुकिएगा, पीछे यार पता नहीं, मैं बहरहाल यहीं कहीं था, लेकिन मैंने उसमें सिंपल सर्च क्वेरी डाली हुई थी कि भाई अगर आप लोग को आप टॉप 10 अमेजोन थीम्स या इस तरह करके लिख दो तो वो बता देगा, लेकिन मैं आप लोग को खुद निकाल के दे दूंगा उसके ऊपर, फिर आप लोग चाहो तो वो थीम्स खरीद सकते हो और उसके ऊपर डायरेक्टली काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलें ठीक है मोहित भाई, थैंक यू। ओके, अटेंशन टू हाँ ये भी है, एंटाइटल टॉप 10 अमेजोन थीम्स, ये भी कर सकते हो जो मैंने ने दिया है। ओके वन सेकेंड, एक मिनट रुकना यार जरा, ये अच्छा जी जी तैयबा, तैयबा आपने शायद अपने आप को म्यूट करा हुआ है, आप अनम्यूट कर दें। अनम्यूट आवाज आ रही है मेरी? ठीक हाँ जी जी बिल्कुल आ रही है। है। अच्छा, ये मेरा ना एक वैसे जनरल सा क्वेश्चन था कि जैसे अब हम अगर आर्टिकल राइटिंग लिखवाते हैं किसी से, या इसमें जैसे हम रिव्यूज लिखेंगे या बेस्ट ऑफ, तो एक चीज अगर हमने यूज ही नहीं की हुई तो देन हम उसके बारे में रिव्यू या किस तरह से उसकी स्पेसिफिकेशन हम किस तरह बता सकते हैं कि वो लगे कि आर्टिकल जेन्युइन है, या इस तरह से? इसका बेस्ट तरीका होता है पैराफ्रेजिंग। आपने लेट्स सपोज, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपनी से एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, चले मैं इसी ठीक टॉप 10 या टॉप 20 हेडफोन्स की बात कर लेता हूँ। अब मुझे तो नहीं पता ये कौन से हेडफोन है। ठीक है, अब ये जी हेडफोन जी बस द बेस्ट ओवर ईयर वायरलेस हेडफोन्स, ये बता तो दिया इसने मुझे, लेकिन अब मैं इसका क्या जी करूंगा, बेस्ट तरीका ये है कि आप इस तरह के 3 से 4 आर्टिकल्स निकालो, इन्फॉर्मेशन ठीक है सबकी गैदर करो, अमेजोन पे भी जाओ, वहां पे भी देखो, लोगों के जो इन्होंने लिखा हुआ है वो पढ़ो और उसको पैराफ्रेज कर दो। इसमें गूगल आपको पिनलाइज नहीं करता, वर्ड बाय वर्ड वर्ड नहीं लिखना आपको, आपको पैराफ्रेज करना है, सही है, अपने ठीक है अल्फाजों में ठीक लिखना है। तो जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है उसी को आप रीयूज कर ले, कोई भी हर्ज नहीं है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन तो एज इज जाएगी, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो स्पेसिफिकेशन है उसकी, ये तो एज इज जाएंगी, इसमें तो जी कोई चेंज होना नहीं चाहिए। बाकी जो प्लेन नीचे वैसे गिवन शेप नहीं इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी। हाँ जो नीचे गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने अल्फाजों में पैराफ्रेज कर सकती हैं, कुछ चीजें ऐड कर सकती हैं। आपने 3 साइट्स खोली, कुछ ठीक इन्फॉर्मेशन है यहाँ से उठाई, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे से उठाई, कुछ इन्फॉर्मेशन तीसरे से उठाई, तीनों को आपने जो है ना मिक्स थोड़ा सा करा, मतलब आगे पीछे करा, आपने उसको पैराफ्रेज करा, मतलब आगे पीछे इन्फॉर्मेशन से मतलब ये नहीं, मतलब पैराफ्रेज करा, अपने अल्फाजों में लिखा और फिर उसको इनकलकेट कर लिया अपनी पूरे कॉन्टेंट में। ठीक। और अगर हम ये आउटसोर्स करते हैं जैसे आर्टिकल राइट, तो उनको हम ही इस तरह के रेलिवेंट कि हम इस टॉपिक पे लिखना चाह दे रहे हैं या सकते हैं, इन आप चाहें तो दे बस सकती हैं कि मैं तुमको जो पैराफ्रेज करना है या तुम्हें जो कंटेंट उठाना है, क्योंकि जो 99% आर्टिकल राइटर्स जो फाइवर पे बैठे हुए हैं, 99.9% बल्कि, वो सब पहले वो इन्फॉर्मेशन कहीं और से पढ़ते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उनको कहीं और नजर आती है, फिर उसको वो पैराफ्रेज करते हैं। कंटेंट राइटर्स करते ही यही है, वो यही अनलेस के चीजें कोई ठीक। बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल नेटिव जिसकी जबान हो इंग्लिश, तो वो तो शायद अपने अल्फाजों में लिख ले जिसकी पूरी ग्रिप हो, लेकिन 99% लोग यही करते हैं। हमारा खुद का कंटेंट राइटर यही करता है, तो इस वजह से मुझे पता है। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स भी हमने कंटेंट राइटर को देने हैं कि ये इन इन कीवर्ड्स को आपने आर्टिकल्स के अंदर यूटिलाइज करना है, या वो खुद से ही ये सारा कुछ करके देंगे जो राइटर्स होंगे? सॉरी आप फिर से बोलिएगा, मैं असल में स्क्रीन शेयर कर रहा था।
जी, मैं पूछी थी जो कीवर्ड्स होते हैं रेलिवेंट कीवर्ड्स एसईओ बेस्ड आर्टिकल के लिए अगर हमें लिखवाना है, तो वो कीवर्ड्स उनको हम ही देंगे या वो खुद से ही सारा जो है वो कीवर्ड्स उसके अंदर यूज करके देंगे, या हम उनको कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, ये कीवर्ड आपने आर्टिकल में यूज आपको किया? की एग्जैक्टली कीवर्ड आप ही प्रोवाइड करोगे. आप उसको बोलोगे कि ये मेरा कंटेंट कैलेंडर है, ये कीवर्ड्स हैं, ये प्राइमरी कीवर्ड है, ये सेकेंडरी कीवर्ड है, सही है. और इन कीवर्ड्स के ऊपर आपको मेरा पूरा आर्टिकल लिखना है. मेक श्योर कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी 1.8% से एक्सीड ना करे, ऊपर ना जाए, इससे नीचे ही रहे. ठीक, तो इसमें आपने जो कहा था कि स्टार्टिंग में अमेजोन को जब हम वेबसाइट सबमिट कराते हैं तो हमारे पास कुछ आर्टिकल्स होने चाहिए वेबसाइट पे, और आपने कहा कि शुरू अगर आपने करनी है तो 15 आर्टिकल्स आप मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, तो ये 15 आर्टिकल, और फिर आपने कहा था कि डेली के 2-2 आर्टिकल्स आपने करने हैं, तो ये 15 एक साथ करने हैं या उन्हीं को आपने डेली बेसिस पे 2-2 या वीक में 2-2 आर्टिकल्स करके अपलोड करना है? 15 लिखने आपने एक साथ हैं, ठीक है. ठीक फिर है, उसके बाद दोनों अप्रोचेस जाती हैं. कुछ लोग बैक डेट पे डाल देते हैं उन आर्टिकल्स को, पीछे की डेट पे, सही है. कुछ लोग क्या करते हैं कि दो 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 करके उनको निकालते रहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं जब साइट लाइव जाती है तो 15 आर्टिकल्स उनके वहां पर होते हैं. तो तीनों अप्रोचेस सही हैं. मैंने तीनों अप्रोचेस में देखा भाई, लोग ये करते हैं ये हरकत. कुछ लोग वैसे, ठीक मैं आपको ये बोलूंगा कि आप चाहें तो अपने 15 आर्टिकल्स रेडी रख लें, ठीक है, 5 आर्टिकल डाल के रखें, और फिर बाकी जो आर्टिकल्स है ना वो दो 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 करके निकालते रहें. ठीक है, ठीक, यही क्वेश्चन था, थैंक यू। ओके जी, अवैस आप सही कह रहे हैं, मैं ये बात बल्कि लिख लेता हूँ आपकी. किसी ने अपना शायद माइक म्यूट नहीं करा हुआ, चेक कर लीजिएगा एक बार. ओके नेवर माइंड. ओके अच्छा जी जी हानिया अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वाह सर, फर्स्ट सलाम. ऑफ ऑल मैं इंटरेस्टेड हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में, इसके लिए मैंने एक, आपने कहा था डोमेन नेम मैटर नहीं करता, तो एक डोमेन परचेस कर ली और हॉस्टिंग परचेस कर ली। अच्छा अब अच्छा मेरा गुड. फर्दर है कि स्टेप ये है कि मैंने 15 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं जो आज आपने हमें बताया अच्छा सर। ओके. उसमें अब ये मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूँ। ठीक पार्टनरशिप है. में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर मैं सिर्फ आर्टिकल राइटिंग और एसईओ करती हूँ तो नेक्स्ट पर्सन क्या जॉब, उसे क्या ऑप्ट करना चाहिए? देखें, आर्टिकल राइटिंग जो है ना, मेरे हिसाब से सबसे मेन एरिया है, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग कोई शख्स कर रहा है, सबसे मेहनत वहीं लग रही है, डे इन डे आउट. ऑब्वियसली अगर एसईओ आप कर रही हैं तो दूसरा मेन एस्पेक्ट भी आपने ही पकड़ लिया, तो फिर आप रोग रह गया वेबसाइट क्रिएशन का. मैं ये बोलूंगा फिर आप उसको अपना शेयर मत दें. आप एक काम करें, अपनी ये वेबसाइट किसी फ्रीलांसर से बनवा लें, उसको वो पैसे उसको दे दें. 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 7,000, 8,000 रुपये भी हो जाएगा, 5,000 में भी शायद हो जाए, सही है. 7-8 हज़ार रुपये दें, वेबसाइट पूरी बनवा लें, और उससे बोले मुझे बताओ आर्टिकल कैसे पोस्ट होता है, सारी चीजें. वैसे तो मैं ये चीजें कवर करवा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है. और आप अपनी पूरी साइट बना के खुद खुद रखें. इतने ज्यादा अमेंट्स नहीं होंगे, 20% तक अमेंट्स हो जाते हैं मंथ ऑन मंथ, ठीक है. ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है. अगर आप खुद से ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ कर सकती हैं और खुद से आर्टिकल्स लिख सकती हैं, अगर आप इस बिजनेस मॉडल को वाहिद एक बिजनेस मॉडल लेके चलना चाह रही हैं जिसपे आप इसको ही स्केल करेंगी और इसी पे फोकस करेंगी. यस सर, मैं इसके लिए बहुत सीरियस हूँ। और हाँ सेकंड ठीक सर है. मेरा क्वेश्चन है, सेकंड सर मेरा क्वेश्चन है, जो आपने हमें कुकीज के बारे में बताया और रिव्यूज के बारे में बताया, तो हम ये किसी और साइट की कॉपी कर सकते हैं, किसी उसको भी पैराफ्रेज करना पड़ता है? नहीं, कुकीज वगैरह को पैराफ्रेज नहीं करना पड़ता, आप उसको कॉपी कर सकती हैं, बस उसकी कंपनी जगह अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिएगा. बिकॉज काफी लोग ये गलती करते हैं कि कुकीज और ये प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो उस जगह पे जो है ना अपना वो नाम लिखना भूल जाते हैं. कुकीज कुकीज मतलब ये पॉलिसी जनरेटर, टर्म्स ऑफ सर्विस जनरेटर की वेबसाइट्स होती हैं बाकायदा, जो आपको एक क्लिक के ऊपर पूरी टर्म्स ऑफ सर्विस जनरेट करके दे देती हैं. तो वो भी आप यूज कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बस वो अमेजोन बेहतर है, किसी अमेजोन साइट का देख लें पहले. तो
और सर मैं एक आपसे एक और चीज़ में ओपिनियन लेना चाह रही थी कि सर मैं एसेट मेकिंग के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ, और ये जिस तरीके से यहाँ पे बहुत से लोग ओपिनियन देते हैं कि 1.5 में हमारी वेबसाइट जो है वो मैच्योर होगी, तो वो जो अवैस ताहिर साहब ने एक बात बताई थी कि वो 3 मंथ्स में वेबसाइट को रैंक करें और फ्लिप कर दें, सर वो चीज़ कैसे करनी है? मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ कि 3 मंथ्स लगाऊँ और फ्लिप करते जाऊँ। फ्लिप करने का आइडिया बेहतरीन है, अवैस ने बहुत अच्छा बताया था, लेकिन मैं ये तुम लोग को अभी नहीं बता सकता बिकॉज इट रिक्वायर्स के तुम लोग पहले पूरी बेसिक्स पूरी जान लो पहले अमेजोन की, सही है, वेबसाइट आर्किटेक्चर क्या होता है, साइलोस क्या होते हैं, ये सारी चीजें पहले तुम लोग कर लो, तुम लोग अपना हाथ साफ कर लो, मैं कहीं नहीं जा रहा, सही है, और फिर मैं तुम लोग को फ्लिप करने का भी तरीका पूरा इन डिटेल एक सेशन ही अलग से फ्लिप के ऊपर रख लूंगा। ठीक हो गया, तो सर यानी कि आप कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में पार्टनरशिप ना भी करें तो मतलब एक ही मतलब बंदा इसको रन कर सकता है, बस वेबसाइट बनाएं 5-10 हज़ार लगवाकर और बस, अगर आपको आर्टिकल राइटिंग देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात, यहाँ पे जो है ताहिर ऑफेंड हो गया, नहीं ताहिर नहीं सॉरी, हाँ ताहिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ नहीं 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 वो बात नहीं है, 5-10 हज़ार की बात नहीं है असल में ताहिर, मैं वो किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, बात ये है कि कुछ लोग हैं मेरे सर्कल में जो शॉपिफाई साइट 5 हज़ार में बना के दे रहे हैं, और मेरे ही सर्कल में है यकीन करो, और 10 हज़ार में बना के दे रहे हैं, और फिर कुछ लोग हैं जैसे मैं खुद, मैं $150 से कम पे काम नहीं करता, तो तुम ये सोच रहे हो $150 पे आप नहीं काम करते दूसरों को सजेस्ट कर रहे हैं, मैंने बोला कुछ लोग अगर करवा के दे रहे हैं आपको तो क्या हर्ज है, वो अपने आप को खुद कम पे काम करने के लिए तैयार है। सर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए किस तरह की हमें वेबसाइट रिक्वायर्ड है, सिंपल भी चलेगी? सॉरी फिर से बोलना, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप किस टाइप की वेबसाइट प्रेफर करते हैं, सिंपल भी ठीक है कि बहुत ज्यादा हमें कस्टमाइज चाहिए? सिंपल वर्डप्रेस की साइट, कीप इट सिंपल, यस, जैसे 10beast का मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दी हुई है, 10beast एक बहुत ही सिंपल टेम्पलेट पे बनी हुई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक Amazon का आप प्लगइन यूज करते हो जो कि पूरा आपके सामने कंपैरिजन चार्ट सामने ले आता है, एंड दैट्स इट, आई थिंक दैट्स जस्ट अबाउट इट, यही अगर आप यूज करो तो दैट्स मोर देन एनफ। तो ये तो इजीली बन सकती है और इसको बहुत इजीली बन सकती है, हाँ। और बस आर्टिकल राइटिंग के ऊपर हमें अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है और SEO और गेस्ट पोस्ट बेशक हम करवा लें, तो सर अगर आप रफ एस्टीमेट दें तो 15,000 इज एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने का बजट है। देखो अगर तुम स्टार्ट करना चाहो ना तो तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने अभी होस्टिंग ब्लू होस्ट से लिए और वो लिए, मुझे टोटल कोई शायद मैक्सिमम 15,000 रुपए लगे होंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा लगने चाहिए अगर आप सारे काम खुद कर सकते हो। ठीक हो गया, तो यानी कि बड़ा चढ़ा के अगर आप बहुत ज्यादा भी बढ़ा दो ना, अगर आप एक्सट्रीम पे भी चले जाओ तो चलो आप 25 भी कर लो, बहुत ज्यादा आपने शायद कुछ काम एक दो छोटे मोटे आउटसोर्स कर दिए, वेबसाइट का लुक एंड फील, आपने आपके कोई जानने वाला निकल आया जैसे मेरे हैं कुछ, आपने कोई सजेशन ले ली किसी से, उमेर है फॉर एग्जाम्पल, अब मैं टूल खरीद सकता था AHRefs का, उमेर ने मुझसे शेयर कर लिया, तो आपके ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपसे चीज़ें शेयर कर लें, वहाँ पे आपके कुछ पैसे सेव हो गए या आपने उसकी कंसल्टेंसी की कुछ थोड़ी बहुत फी दे दी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको हल्के पुल्के, मैक्सिमम 20-25 हज़ार रुपये आप कर लो मैक्सिमम। लेकिन सर ये कीवर्ड टूल्स तो परचेज करने पड़ेंगे ना हमें, ये जो सारी आपने चीजें बताई हैं $20 इनके तो पर मंथ ये सारी चीजें चलती रहेंगी। Exactly. तो सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर दो लोग पार्टनरशिप में आए और अगर मैं ये सारा अपना सिस्टम ऑटोमेट करना चाह रही हूँ तो मैं किसी पर्सन को सिर्फ 50,000 देकर और उसको कहूँ कि मेरी एक स्ट्रीम इनकम स्ट्रीम रन हो जाए, उसको 50,000 में तो कोई भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें आर्टिकल्स बहुत लिख रहे हैं ना, उसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स, अगर अगर वो नॉर्मल एक मीडियो का स्ट्रेटजी अपनाना चाह रहा है और वो वीक बाय वीक 4-4 आर्टिकल्स लिख रहा है, चलो 4-4 आर्टिकल्स तो इतने नहीं है, लेकिन अगर वो लेट सपोज कोई, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अग्रेसिवली करते हैं, जैसे हम लोग ने करा था, उमेर को पता है, हम लोग रोज के जो है ना 3 आर्टिकल्स लिखते थे, रोज के 3 आर्टिकल्स, लेकिन वो कंपनी थी, आप कंपनी नहीं हो,
आप कम लिखो तो सही है, आप 50,000 देके काम करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। आप उसको बोलेंगे 50,000 मंथ के दूंगा, मुझे जो है ना हफ्ते के 4 से 6 आर्टिकल्स चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोग होंगे, काफी लोग होंगे जो कि इस ऑफर को ले लेंगे। मतलब पाकिस्तानी तो इसको ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना चाहेंगे। चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, खासतौर पे लड़कियां। मैं जानता हूँ काफी सारी ऐसी लड़कियां जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो आर क्रेविंग फॉर वर्क, एंड आई एम श्योर को वो काम कर लेंगी इस मॉडल के ऊपर बहुत शौक से। सर मुझे किंडल का प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन वो लोग मुझे 1.5 पर वर्ड रुपीस में पे कर रहे हैं, तो आप बताएं कि मुझे क्या बिट करना चाहिए उन लोगों के साथ। मेरा तो नहीं ख्याल, बहुत किंडल के प्रोजेक्ट्स तो आप जाके फाइवर पे चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कितने में लोग करवा रहे हैं। 1.5 पर वर्ड, पर वर्ड? हाँ जी, हाँ जी। 1.5 पर वर्ड तो आई डोंट थिंक इतना बुरा है। पाकिस्तानी रुपी ना, आई थिंक थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, बिकॉज आई नो जो कि 2.5 तक पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान का कोई बंदा है वो पाकिस्तानी को दे रहा है तो इतने में ही होगा काम यहाँ पे, तो आपको पता ही है। यहाँ पे बेहतर ये है कि आप फाइवर पे जाएं और आप उसके जो है एक नॉमिनल से रेट्स चेक कर लें, बाकी अच्छे लोग जो है वो किस किन रेट्स पे काम कर रहे हैं। और किंडल प्रोजेक्ट्स अगर हमने बिट करने हैं तो उसकी कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी बता दे, क्योंकि फाइवर पे गिग पे तो कोई भी नहीं आता, वो इतनी लो रैंक पे गिग चली जाती है। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? अगर मैं किंडल किसी प्रोजेक्ट के लिए बिट करना चाहूं, क्योंकि मैं राइटर हूं सर, तो उसके लिए मुझे कोई अच्छी स्ट्रेटजी बता दें कि मैं किस प्लेटफॉर्म में किस तरीके से गिग करूं और प्रोजेक्ट विन करूं। अच्छा, वैसे तो ये मैं आपको बताता हूं, अगर आप, मैं चलें ये सरसरी सा बता देता हूं बिकॉज ये Amazon एफिलिएट का वो है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किंडल प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड लेना चाह रही हैं अच्छे हेल्दी रेट्स पर, है ना, और आप चाह रही हैं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएं, तो मैं आपको फिर से बोलूंगा आप फाइवर पे जाएं। वजह, फाइवर पे तरीका होता है रैंक हासिल करने का, रैंक हासिल करने का तरीका का आर्ट आप जान लें तो फिर हेल्दी रेट्स पे काम करना कोई बड़ा इशू नहीं है। इसकी मैं इसकी फाइवर की सिर्फ क्लासेस अलग से देता हूं मैं, और अपवर्क और फाइवर की मेरी क्लासेस बिल्कुल अलग से हैं, बिकॉज मेरे पास मैं 30 मार खान नहीं हूं, लेकिन मुझे इसकी इनसाइड आउट सारी पता है क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है फाइवर और अपवर्क, तो मैंने इस पे बहुत एक्टिवली काम भी करा हुआ है। मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम फाइवर नहीं है, लेकिन मैं अभी भी काम करता हूं एज अ साइड इनकम। तो मैं आपको बताता हूं, मेरे ऐसे भी दिन गए हैं फाइवर से जब मैं दिन के 10 से 20 हजार रुपए कमा रहा होता था सोली, कोई टीम इन्वॉल्व नहीं थी, अकेले दिन के 10-20 हजार रुपए, सही है, और पूरे 30 दिन मेरे ऐसे गए हैं। और जब मुझे नहीं करना था काम, जब मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मेरे हफ्ते के 30,000 रुपए भी बने और महीने के 30,000 रुपए भी बने, क्योंकि मेरी इंटेंशन ही नहीं थी। आप चाहें तो आप बहुत बना सकते हो फाइवर से, ये मैं सबको ही बोल रहा हूँ, बस आर्ट होना चाहिए कि आप किस तरह अपने आप को रैंक कर सकते हो सिस्टम पे। सर लास्ट क्वेश्चन, कि लाहौर वाले आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आपसे कैसे हम? मैं इंशाल्लाह लाहौर इस्लामाबाद आऊंगा, मेरी बात हुई है इसी टीम से। तो वो तो आप लाहौर ऑफिस में होंगे ना, तो वहाँ पे तो टॉकर्स वगैरह चलते हैं, तो उसकी वजह से जरा वो आपसे ज्यादा हम कैसे फायदा लें, वो तो सारा दिन उसी चीज में गुजर जाए। 1-1 स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ईसी ने रूल बनाया हुआ है कि वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो तो बीसी वाले भी कर सकते हैं, 1-1 वाले कॉल स्केड्यूल कर सकते हैं, अगर कोई 1-1 का है तो वो मेरे साथ कॉल स्केड्यूल करे, एक बार नहीं बिल्कुल मुझे मैसेजेस करे, कॉल स्केड्यूल करे, ठीक है। जो थैंक यू अवेस, थैंक यू सो मच, मैं देख लेता हूँ इसको। और जो एक्सक्यूज मी, जो 1-1 जो बीसी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोग से ये जरूर बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं मुझे पता है मुझे रिस्ट्रिक्शन है, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आप लोग से बात करूँ, इसके लिए मैं पूछ लूंगा ईसी से, क्योंकि मुझे ईसी के चैनल को फॉलो करना है। मैं अगर फॉलो नहीं करता तो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके, कि आप कंपनी की पॉलिसीज को तोड़ रहे हो, एक तरीका आपको बताया हुआ वो आपको फॉलो करना है, आप वो तोड़ रहे हो, तो मुझे तो वही फॉलो करना है जो मुझे बताया हुआ है, लेकिन मैं कोई एक्सेप्शंस लेने की कोशिश करता हूँ कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो हेल्प चाह रहे हैं और मैं खुद हेल्प करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू अकॉम्प्लिश देयर गोल, तो बात करने से ही जो है कुछ हेल्प हो सकती है। तो मैं देखे मैं अपने एंड पे जो कर सकता हूँ करेंगे हमारी रैंकिंग, मतलब यार, हाँ
क्या? आप मॉनिटर कैसे करेंगे, जिस तरह आपने कहा कि आप हमें हमारी हेल्प करेंगे और हमारी आप रैंकिंग मॉनिटर मैं तुम करेंगे, लोग से अलग से बैठूंगा ना, तो मैं तुम लोग के साथ अलग से बैठूंगा, बकायदा पूछूंगा कहाँ पहुंचे क्या नहीं हुआ, मैसेजेस करके पूछूंगा, ग्रुप पे पूछूंगा, जैसे भी जो चैनल मेरे पास है उस लिहाज से पूछूंगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, आप नो हमारे लिए प्रॉब्लम, ब्लेसिंग है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी। वसीम ताहिर, एक सेकेंड, वसीम मेरे पास से ना आपको, हाँ आप सेट है जी, बात करें जी। मनोज भाई कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा बॉस, ऐसा है कि ये जो दो अभी हमने अपने स्कीम्स देखी हैं, एफिलिएट मार्केटिंग देखी है और एक शॉपिफाई देखी है, तो जो हमारा मेन टारगेट है वो फर्ज करें पीएल है, फर्ज करें नहीं वो है ही पीएल, हम वही कर। अब ये दोनों स्ट्रीम्स जो हैं, इनमें शॉपिफाई जो है वो मेरी फर्ज करें प्रायोरिटी है कि मैं इसको तो सेट कर दूं ना, इसको सेट कर दूं मैं अपना 10-15 दिन में, महीने में सेट कर दूं, ये काम करना शुरू हो जाए। सेकंड मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का, उससे क्योंकि मेरा अपना नॉलेज कम है तो मैं उसको कम्प्लीटली ही मुझे आउटसोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं पास बजट है, मेरे पास चीजें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक अलग से काम होना शुरू हो जाए, ठीक है। इन दोनों सूरतों के अंदर मुझे आप जो है ना वो बेसिकली आपसे ये गाइडलाइन चाहिए कि फौरी तौर पे जो होने वाला काम है ना मैं उसको कर दूं, उसके लिए मेरे पास बजट नहीं है, जो भी चीजें हैं जो भी हैं आप उसको ग्रुप में किस तरह से मतलब मैनेज करेंगे। लाइक हम यूजुअली मैं एक दो लड़कों के साथ काम कर रहा हूँ, वो तो वर्क प्लेस पे कर रहे होते हैं, उसके मेंबर हैं, कम्युनिकेशन चल रही होती है, ग्रुप में तो वैसे ही आपकी पोस्ट नीचे चली जाती है, आपको चीजें ही खत्म हो जाती हैं सारी की सारी। अच्छा सो अब देखे मैंने मुझे कुछ चीजों पे पहले आप मुझे शॉपिफाई पे कर दें बेसिकली जो मेरा पहला नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं आपका कर देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। शॉपिफाई तेरा लंबा टॉपिक है, जरा ज्यादा उसमें ऐसे एरियाज हैं जो कि आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल नहीं बोलूंगा मैं, मुश्किल कोई चीज नहीं होती, इंटरेस्ट होता है तो कोई चीज मुश्किल नहीं लगती, लेकिन थोड़े ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं शॉपिफाई पे जाके, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अमेज़न पे भी हैं लेकिन शॉपिफाई पे जरा ज्यादा है। बहरहाल तो अब मैं पहले वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। असल में यार मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने काफी बार सामने रखा है, मैं जहाँ पे बात कर सकता हूँ रिप्लाई कर सकता हूँ मैं करता हूँ, हाँ पिछले एक वीक को छोड़ के, लेकिन उसके अलावा मेरी कोशिश पूरी होती है कि यार मैं बात कर लूँ वन मंथ स्टूडेंट से, जबकि मेरी सिर्फ कम्युनिकेशन अलाउड है। मैंने कम्युनिकेशन भी करी है, एक मुझे शुरू में पता नहीं था, शुरू में मुझे ईमान से मुझे नहीं पता था, मैं बस अपने लिहाज से चल रहा था, तो एक दो वन मंथ स्टूडेंट से मैं मिला भी बकायदा इन पर्सन, बकायदा मैंने मीटिंग स्केड्यूल करी, मैं उनसे जाके मिला, मैंने उनके प्रॉब्लम सॉल्व करे। फिर कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ बीसी स्टूडेंट्स ऐसे जिनसे मेरे बात हो गई लेकिन मुझे नहीं पता था उस तक रूल क्या चल रहा है ईसी का, बाद में मुझे पता चला कि भाई आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि वो जो भी है एक चैनल है उसको फॉलो करना है, विच इज मैं इस बात को रिस्पेक्ट करता हूँ। और टेक्निकली देखें, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो तो आप उनके नॉर्म्स एंड रूल्स को फॉलो करते हो। मैं पर्सनली चाहता हूँ मैं बात करूं, लेकिन मैं एक चैनल के तहत जा सकता हूँ, उस चैनल में मैं गुंजाइशें देख रहा हूँ अभी कि क्या बन सकती है, कि मैं किसी तरह आप लोग से डायरेक्ट हो जाऊं अगर बात नहीं कर सकता, सही है, और मे बी इंशाल्लाह ताला ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मे बी हम लोग कोई गैदरिंग रख सकते हैं खाने पीने की, एक एक बार, एक बार कराची, एक बार लाहौर, एक बार इस्लामाबाद, जिसमें हम लोग सब आ जाए मिल ले खा पी लें, फिर बाद में हम लोग बात भी कर लें अपने मतलब की, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे जो पिछले जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था ना IDM पाकिस्तान, वहां पे मेरा यही हुआ था कि मेरे जो 5 बैचेस थे जो वो पास आउट हो गए थे, लेकिन कुछ कुछ शायद इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज की वजह से नहीं, जो IDM था उन्होंने गेट टुगेदर अरेंज करी स्टूडेंट्स की, और उन स्टूडेंट्स की गैदरिंग में फिर बहुत सारे सवाल उठे तो मैंने ऑन स्पॉट वहीं सॉल्व कर दिए। उसके अलावा ईसी के हमारे पास जो वो है ऑफिसेज हैं, वहां पे मैं हर सैटरडे को 12 बजे, बहुत ज्यादा 1 बजे जो है मैं आऊंगा, वहां पे आपको मुझसे 6 घंटे का सेशन लगाना, आप 6 घंटे का सेशन लगा लो, मुझे कोई मसला नहीं है, सही है, जबकि मुझे वहां पे रहना सिर्फ 3 घंटे, लेकिन मुझे रुकना वहां पे सिर्फ 3 घंटे, मुझे बोला हुआ है कि मतलब आप मेयर मिनिमम 3 घंटे रुको, लेकिन आप 6 से 9 घंटे भी लगाते हो मेरे साथ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं बैठा रहूंगा मैं आपके साथ, मुझे कोई मसला नहीं।
असल में मुझे भी पता क्या फर्ज करें, मैं Shopify की बात करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट डिस्कस करनी है आपके साथ, मैं ग्रुप में तो नहीं डिस्कस कर सकता कि नहीं, मुझे नहीं, ग्रुप बिल्कुल में नहीं। डाल देनी चाहिए ग्रुप में, तो फिर मेरा कम्युनिकेशन चैनल है क्या, मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन चैनल है क्या, अदर देन कि मैं आपको टैग कर दूं। अब उस टैग में मैं अगर प्रॉब्लम अपनी खोल के लिखूंगा तो वो फिर मैं, कोई भी बंदा अपनी प्रोडक्ट डिस्कस नहीं करता, बीसी का बंदा या 1-on-1 का कोई भी नहीं कर सकता। नहीं कर अच्छा सकता मैं बिल्कुल। वो चीज आपके साथ एक्सप्लोर, वो इतना एक्सप्लेन उसको कर नहीं सकता, और अगर मैंने करनी है तो फिर तो वो सारी चीज खत्म होगी ना। तो है क्या अभी, ये नहीं है कि हमारे पास, मैं कहता हूँ हमारे पास चैनल है नहीं, जो लोगों का प्रॉब्लम है, जो मेरा प्रॉब्लम है, सबका है कि अगर मुझे काम करना है तो उसके लिए हम क्या करें क्या, मतलब। एक तो ये ताहिर ने अच्छी बात बोली कि तुम मुझसे, आप लोग मुझसे डायरेक्ट चैट पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट चैट पे आ जाओ, फेसबुक डायरेक्ट चैट पे आ जाओ। मैंने फिर आप लोग से एक्सक्यूज कर रहा हूँ, एक हफ्ता मेरा लास्ट एक थोड़ा मुश्किल रहा है, लेकिन अब आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट चैट पे आओ। फौरन नहीं जवाब दूंगा, लेकिन जवाब दूंगा फौरन, देर से जवाब देने का मकसद ये नहीं, एक हफ्ते बाद दूंगा, हाँ 24 घंटे के बाद, या हर 6 घंटे, या 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे के बाद दूंगा। क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करें कि जैसे मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूँ ना, बहुत सारे तकरीबन 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे रीच आउट कर लिया है, 100 स्टूडेंट्स करंट, और मेरे पहले अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो IDM के हैं, मैं उनको मना तो नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है वो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो हेल्प लेते हैं तो मैं उनकी करता हूँ, वो तकरीबन मेरे 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा जो व्हाट्सएप होता है ना, वो फ्लड हुआ होता है मैसेजेस से। असल में हम चाहते क्या हैं महेश भाई, मैं आपको बताता हूँ हम चाहते क्या हैं। ओके, हम एसेट बनाने जा रहे हैं, हम अकाउंट ओपनिंग पे होते हैं, जो जो प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, हम जान खा लेते हैं उसकी, क्या कहते हैं, जैन भाई बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता भी यही हूँ। हाँ देखिए, अब पॉइंट समझिएगा, हम उसकी जान खाना शुरू करते हैं, हमारा वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, हम प्रोडक्ट हंटिंग पे चले जाते हैं, वो ग्रुप बना हुआ है, हम उसमें जाते हैं। अब मसला ये है कि आप वाले केस में हमारे ऊपर हमारा वो उस तरह का, आपकी सुपरविजन बेसिकली है नहीं, आपकी बेसिकली सुपरविजन हमारे ऊपर वो वाली है नहीं। 20 लोग जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 20 नहीं, हम 80 लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिकॉज 20 लोग तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो बना सकते हैं, बाकी 3 दिन को वो अपनी टीम बना रहे हैं। मैं आपको 20 का नहीं, मैं आपको कहता हूँ हम 80 लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट उन 20 टीम्स को आप सुपरवाइज कैसे करेंगे, इसके ऊपर आप इसी से बात करें, इसके ऊपर ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारा Shopify का पहला स्टेप है जी, हमने अपने थीम रोक के करवाने हैं, मैं थीम परचेज करूं, मैं कहूं महेश भाई मुझे बताएं ये थीम ठीक है, आप कहें नहीं, मतलब मेरी पूरी टीम आपसे एजुकेट हो रही है कि यार ये थीम नहीं लेना, ये स्टेप है, ये स्टेप है वो। अच्छा, आप Shopify सेटअप हो, वेबसाइट सेटअप होगी, आप इसके ऊपर आपने फेसबुक एड्स पे जाना है, क्या करना है, तो वो जो प्रोग्रेस है वो फिर 1-to-1, अब वही सवाल पूरी की पूरी टीम करेगी, वही सवाल मैं कर रहा हूँ, तो वाई नॉट के हम उसको उस तरह से ले लें कि जिसमें एटलीस्ट आपकी एक सुपरविजन, और जो आप मॉडरेटर तो हो ना, आपको पता तो चल रहा हो कि मेरी ये टीम इस स्टेज पे है, ये मेरा टोटल कंसर्न है। आई होप कि आपको समझ आ गया। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, मैंने लिख लिया अपने पास, और मैं ये बात जो है ना फिर से बात कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे आपने बोला ये सिर्फ एक तरफ का कंसर्न नहीं है, कंसर्न मेरा भी है, जैसे आप लोग का कंसर्न है उसी तरह से कंसर्न मेरा भी है, बिकॉज मैं फिर ट्रैक नहीं कर पाऊंगा आप लोग की परफॉर्मेंस को। ठीक है, वर्कप्लेस है या कोई भी ऐसी चीज है, फेसबुक का फीचर है, हम उसके अंदर बेशक इसी उसको मॉनिटर कर ले कि भाई हम आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं जा रहे, हम उनके नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, इसी उसको मॉनिटर कर ले, कोई इशू नहीं है, इसी का बंदा बैठ जाए उसी ग्रुप में कि भाई महेश भाई या वसीम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो कि इसी के पैटर्न को खराब करती है, या महेश भाई इस तरह से कर रहे हैं, वो बैठ जाए उनका बंदा सुपरविजन में, लेकिन हो तो सही है एटलीस्ट हमारे पास। नहीं सही बात है, ठीक है मैं बात करता हूँ इस बारे में। एक चीज तो ये हो गया जी, आप इस पे बात कर लेंगे, और इसके हमें वो, मैं इंशाल्लाह इसको करना चाहता हूँ, और मैं बेसिकली सेशन में आपके रेफरेंस से ये बात करना चाहूंगा कि ये बेसिकली दोनों जो इनकम स्ट्रीम्स अभी तक हमारी डिस्कस हुई हैं, एफिलिएट मार्केटिंग और Shopify, इन दोनों को जो है ना, अगर कोई भी बंदा मेरे साथ टीम बनना चाहे, मेरी कोई भी ऐसा बंदा जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या उस तरह की चीज है, तो मोस्ट वेलकम, मैं उसके लिए हाजिर हूँ, कोई भी बंदा आके किसी भी तरह से हम इसको कर सकते हैं। हम मतलब मैं एक बंदे के सक्सेसफुल होने की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी Shopify टीम में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, 3 लोग मेरे साथ आ जाए इस बैच से, 3 हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो भी इस तरह से लोग आपस में अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दें या जो भी है जिस तरह से भी। अब एफिलिएट मार्केटिंग को अगर मैं आउटसोर्स करना चाह रहा हूँ, 100% आउटसोर्स करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि मैं उसको किस तरह से करूँ। आप मुझे अलग से मैसेज कीजिए और मुझे बताएं कि आप कितने मंथ ऑन मंथ बजट्स के साथ खेल सकते हो, और आप फिर क्या
फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका गोल क्या होना चाहिए 6 months down the road, कि आपको कितना रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, आपको एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और है महेश भाई, जिस दिन आपने बोला ना कि यार कि 1500 तक तकरीबन आपका शॉपिफाई मांगेगा, ठीक है, तो वो 1500 साइट पे बढ़ा हुआ है। आप बेशक किसी बंदे को प्लीज, अगर आपको कोई ऐसा है तो मुझे रेफर कर दें या जो भी है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, प्लीज, थैंक यू। ठीक है, चले, ठीक है। नहीं, मेरे पास काफी लोग हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जैसे वसीम ताहिर हैं और किसी के पास ऐसे माशाल्लाह 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 ऐसा है कि वो कर सकता है, तो मुझसे आप लोग बात कर सकते हो। मैं ऐसे लोगों को आपसे मिलवा सकता हूँ जो कि डेडिकेटेड लोग होंगे, मेहनती होंगे, और वो आपका आपका काम कर देंगे। ओके, बहुत शुक्रिया मल भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी अनस, आपके सेशन मैंने लिए, मुझे समझ में आया शॉपिफाई और अमेज़न से, मैं इसको टोटल जो है वो ऑटोमेशन पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो उसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी आपने ये कहा कि 60 आर्टिकल्स पर मंथ, तो उसमें और बजट जो अभी आपने दिखाया कि उसमें एक रीजनेबल अमाउंट $10 पर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल, तो $600 तो ये बन गया। बेसिकली मेरा कोई आईटी का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फाइनेंस से हूँ, मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है। अच्छा। तो मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ चीज़ों को कि अगर हम $500 के लिए ये अर्निंग $500 अर्निंग के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए $600 इन्वेस्ट करेंगे, या इस पे अगर $600 इन्वेस्ट करते हैं ऑन आर्टिकल और फिर अगर और दूसरे एक्सपेंसेस भी है, तो हम कहाँ खड़े हैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू और कितने टाइम में खड़े हैं। देखें, ये बात मैंने मोतीसिम को भी बताई थी, ये सारी चीज डिपेंड करती है आपके निश पे, आपके कीवर्ड सिलेक्शन पे, टोटल वॉल्यूम क्या आ रहा है। अगर आप बिल्कुल ही ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी निश पे चले जाओ जिसकी ओवरऑल वॉल्यूम ट्रैफिक वॉल्यूम ही कम है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं जो हूँ मतलब अपने आप को $600-500 स्पेंड करने के साथ देख रहा हूँ 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद $1500 पर मंथ कमाना शुरू कर दूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि आपका जो निश सिलेक्शन थी उसमें एक तो आपने प्रोडक्ट्स इतने कम रखे हुए हैं, लेट्स सपोज आपने, तो देयर डिफरेंट अप्रोचेस। मैंने बोला आइडियल तरीका ये है, बेहतर तरीका, कि आप $70-100 वाले प्रोडक्ट्स रखो ताकि जब वो कन्वर्ट करें तो आपके पास चंक अच्छा है, एक तो ये है। फिर ये आ जाता है कि आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स रखो ताकि लोगों को कन्वर्ट करने में कोई रिलक्टेंसी नहीं हो, इस तरह के मसला ना हो कि यार ये तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, मैं कैसे कन्वर्ट करूं। सही है, लेकिन वैसे जो आप टारगेट कर रहे हो यूएसए को, तो यूएसए के लिए $100-$50 स्पेंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके उस कैटेगरी के अंदर अगर प्रोडक्ट्स ही बहुत कम आ रहे हैं तो आप $1500 नहीं कमा सकते, उसके अंदर साइलोज ही आपके बहुत कम है तो आप नहीं कमा सकते। मैंने आप लोग को शायद एक एग्जांपल बताई थी, मेरे पास एक आया था फाइवर पे एक क्लाइंट, उसने बोला कि यार मुझे जो है ना ये प्रोडक्ट्स हैं मेरे, इन पे जो है ना मुझे आर्टिकल्स चाहिए, एसईओ वगैरह ये वो। मैं लिखता नहीं हूँ, मैं लिखवा देता हूँ, मैं खुद कभी नहीं लिखता। मैं एक कुछ 10 साल पहले लिखता हूँ तो लिखता था मैं, लेकिन लिख सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिखता बिकॉज आई एम पास दैट। वही वाली बात है माशाल्लाह, ज़्यादातर लोग आप लोग में से यहाँ पे बैठे हुए अच्छी इंग्लिश के साथ, लेकिन फिर वही बात है कि भाई अभी हम लोग ये पास दैट फेज ना, मतलब हम खुद क्यों लिखें। तो उसने बोला कि उसका उसकी निश क्या थी, जरा गौर से सुनिएगा, उसकी निश थी होम कंटेनर्स, कंटेनर्स जिसके अंदर लोग घर बना लेते हैं, वो उसकी निश थी। अब इसकी डिमांड क्या होगी, क्या हर दूसरा बंदा चाह रहा होता है, या चलो हर दूसरा बंदा नहीं चाह रहा होता है, कितनी डिमांड हो सकती है इसकी, जाहिर सी बात है बहुत मिनिमल सी डिमांड होगी इसकी। तो लेकिन कंटेनर्स महंगे, कुछ लोग करते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट्स के ऊपर एम करते हैं, लेकिन देन अगेन फिर भी मैं समझता हूँ कि आप फिर थोड़ा सा, अगर आप ज्यादा बड़ा गेम खेलना चाह रहे हो तो आप ब्रॉड गेम खेलो। देखिए एफिलिएट अगर आप सिर्फ $500 तक का सोचते हो, $300 तक का सोचते हो, $700 तक का सोचते हो, तो मैं बोलूंगा कि आपको $600-$500 खर्च करने की जरूरत नहीं है पर मंथ। आप
$150 खर्च करके भी ये एम कर सकते हो अपना अकॉम्प्लिश $500 वाला बिफोर एन ईयर आफ्टर 3 months to 4 months. नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर निश. अब मैं इसमें एक वेरी करती हुई एक वो दे सकता हूँ नंबर्स. मैं ये नहीं बोल सकता 7वें महीने के 10वें दिन जो है ना आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे. ऐसी कोई वो नहीं है फॉर्मूला. मैं आपको ये बता सकता हूँ भाई 3 महीने से 4 महीने के बाद और 1 साल से पहले आप $500 कमाना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप तकरीबन $150 से $250 तक आप लगाते हो तो. अगर आप ऑटोमेशन पे जा रहे हो, अगर आप अपने किसी वर्चुअल असिस्टेंट से काम करवा रहे हो, ठीक है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि आप कर सकते हो बिल्कुल $500 क्या आप प्रॉबेबली $700 भी हिट कर सकते हो. बिकॉज फिर वो आ जाती है सेल्फ एफर्ट की बात आ जाती है, आप खुद कितना इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम और एफर्ट. इसमें सर जो अब आपने बताया कि नीच बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कौन सी निश हमने सेलेक्ट करी इसमें, तो उसमें अगर हमसे मिस्टेक हो जाए क्योंकि जैसे ही अभी वसीम साहब भाई ने बोला कि कोई किसी किस्म के वो हम जैसा हम लोग पीएल में हमारे पास एक प्रॉपर ग्रुप बने हुए और वहाँ हम एक एक चीज डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी छोटी से छोटी चीज भी हम उसमें वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ ऐसा अभी कुछ है नहीं, तो अगर हम यहाँ से हमसे मिस्टेक हो जाती है निश सिलेक्शन में और जैसे कि काफी लोगों ने डोमेन भी ले लिए हैं और तमाम सिलसिला, अगर वहाँ निश में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो तो इतना आर्टिकल्स भी जा रहे होंगे सब कॉस्ट लग रही होगी एंड रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, तो वो निश की स्पेसिफिक वो क्वालिटी हमारे अंदर कैसे डेवलप करें कि हम या आपसे डिस्कस कैसे करें कि वो एक प्रॉपर निश हमें मिले जिस पे काम करना. जब मैं एसईओ के टॉपिक पे आऊंगा ना तो फिर मैं सिर्फ एसईओ के बारे में बात कर रहा हूं. हो सकता है कि एसईओ का टॉपिक 2 सेशंस तक जाए तो फिर आपको इसके ऊपर क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई निश सिलेक्शन अगर हो मेरी तो उसमें भी मैं किन आर्टिकल्स के ऊपर लिख सकता हूँ या कौन से ऐसी कैटेगरीज बना सकता हूँ जिसके ऊपर लिखना स्टार्ट करूँ. ठीक है सर, थैंक यू. यार किसी का लोअर हैंड हो गया वो गलती से, तो वो जिसने भी अभी हाथ उठाया हुआ था जिसकी नेक्स्ट बारी थी वो फिर कर ले. ताहिर था मेरे ख्याल है. ताहिर हैंड रेस कर लो अगर तुम सवाल के साथ तुम्हारा. तुम्हारा हैंड लोअर हैंड कर दिया था मैंने ताहिर. ओके अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर जो आपने प्लगइन्स के बारे में मेरा एक क्वेश्चन था अफिलिएट मार्केटिंग ये कंटेंट राइटिंग के हवाले से कि ये जो प्लगइन वगैरह काफ़ी सारे मार्केट में अवेलेबल है या दूसरे ऑनलाइन ऐप्स भी हैं कि शफल करते हैं टेक्स्ट को या कंटेंट को जो भी है किसी और का यूज़ करते हैं टेक्स्ट तो उसको शफल करके तो वो यूज़ करना क्या उसको ट्रैक नहीं कर पाता. देखिए मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता ये आर्टिकल्स और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग इस तरह लिखो. मेरे पास ये टूल्स एसईओ ग्रुप बाय में भी आते हैं बहुत ज़्यादा. मैं अभी एकदम से मेरे दिमाग से निकल रहे दो बड़े मशहूर हैं आर्टिकल फोर जो और बाकी हैं. मतलब देखें जी जी. हो सकता है अनप्लेजराइज लिख रहे हो, हो सकता है सही लिख रहे हो, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ जो भी जुगाड़ होती है ना सिस्टम को चीट करने का कोई तरीका होता है अगर, बिकॉज मैं समझता हूँ ये सही तरीका नहीं है. मेरी मतलब आपका जमीर आपको बता देता है कि नहीं यार ये तरीका सही नहीं है. आपको कहीं ना अंदर फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार ये तरीका जो है ना सिस्टम को या चीट कर रहा है या तरीका सही नहीं है. स्मार्ट होना अलग बात है, आपने स्मार्ट तरीका जान लिया और आप इस तरह रैंक हो रहे हो करंट सिनेरियो में हो रहे हो आप करंट सिनेरियो में हो रहे हो आपने अपने आपको रैंक वैंक करवा के जो है ना फिर आपने बाद में फ्लिप कर लिया और आप बोल रहे हो सही है यार मैं फ्लिप करता रहूंगा इस तरह मैं बना बना के साइट्स को और मैं कमाता रहूंगा. ठीक है आप कर लोगे, कब तक कर लोगे? तो सही है. मतलब बहुत सारे टूल्स हैं हारिस प्लेजरिज्म चेक करने के, मैं बता दूंगा वगैरह भी भारत. तो आप चेक तो आप जो है बेसिकली मैं नहीं रेकमेंड करता कि आप ये टूल्स यूज करो. मैंने करा हुआ है लेकिन मैंने यूज नहीं किया था. आई जस्ट वांटेड टू चेक कि काम कैसे कर रहा है. वाकई अनप्लेजराइज था उनका आर्टिकल
और कंटेंट भी अपेरेंटली सही लग रहा था मुझे, लेकिन मैं नहीं बोलता, पता नहीं कुछ बंद हो सकता है सिस्टम में। मैं अभी अच्छा चल रहा हूँ, कुछ नहीं पता कल को एकदम से गूगल इनको डिटेक्ट करना शुरू कर दे, आपको पीनलाइज कर दे, तो कुछ हो जाए, मैं नहीं रिकमेंड करता ये। सर ये दूसरा क्वेश्चन था कि जो साइट्स है, आपने बताया कि आर्टिकल वगैरह से हम अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं या करते हैं, तो मेरा लास्ट ईयर मैंने एक साइट डेवलप की थी प्राइस कंपैरिजन के हवाले से, मगर उस पर काम नहीं कर पाया, अफिलिएट मार्केटिंग ही एक्चुअली टारगेट था उसके ऊपर, तो उसको ला नहीं पाया। क्या मैं उसी को कंटिन्यू करना एक अच्छी ऑप्शन है मेरे लिए कि प्राइस कंपैरिजन और आप मुझे साइट बता दीजिएगा, आपका नाम ताहिर बशीर है ना, आप मुझे साइट बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, फिर मैं आपको वॉइस नोट पे आपको समझा दूंगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। ओके ठीक है सर, मैं इधर ही टाइप कर दूं या अलग से मैसेज करूं? अलग से मुझे मैसेज कर देना, यहाँ पे फिर वो मिस आउट हो जाता है, काफी लोग मैसेज लिख रहे होते हैं। ओके जी उस्मान अकील। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो तीन क्वेश्चंस थे, एक ना मेरे पास स्केटबोर्ड की एक साइट होती थी एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको मैंने दो साल पहले ना शुरू किया था, तो आई रैंक्ड ऑन इट ऑन द बेस्ट स्केटबोर्ड्स वाला कीवर्ड, ठीक है, तो मेरा एड मैक्स शायद वो फिफ्थ पे आया था रैंक, और मेरी जो अर्निंग है वो कभी 300 या 400 से क्रॉस नहीं हुई, तो मैंने जो है ना फिर उस पर काम नहीं किया बिकॉज इट वॉज वेरी लो। तो व्हाट आई वाज आस्किंग इज कि क्या मैं उसी साइट को लेके चल सकता हूँ आपकी इस बैच के अंदर? मैं तुम्हें तुम ये तब डिसाइड करना जब तुम एसईओ वाला एस्पेक्ट देख लो, क्योंकि उसमें अगर तुमको, क्या तुम्हें प्रॉपर एसईओ आती है पूरी, एसईओ की सारी चीजें पता है? जी मुझे, I've been doing it for the past 3 years. तो फिर तो तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी साइट तुम्हें $300-$500 कमा के दे रही है, तो मैं तो बोलता हूँ फ्लिप कर दो उस साइट को जाके। नहीं अभी नहीं कर रही ना वो, because I haven't worked on it दो साल तक, तो अभी वो page 2 पे चली गई है, तो it just earns like $50 a month or so. तो फिर तो तुम उसको वापस रैंक करो, पहले पेज पे लेके आओ। Is it even worth it कि मैं इसका structure वगैरह दिखा दूँ आपको ना कि क्या ठीक है सारा? तो मुझे एक काम करो उस्मान, मुझे अलग से मैसेज करो, अपनी वेबसाइट मैसेज करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या करने की जरूरत है। तुम इसको वापस पहले पेज पे रैंक करो, उसके बाद फ्लिप कर दो, और फ्लिप करने के बाद फिर तुम भले से दो और साइट खोल दो अलग अलग निशेज में, उस पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है, ये मैं आपको मैसेज किधर कर सकता हूँ? तुम मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, तुम फेसबुक मैसेजर पे कर सकते हो। अपना व्हाट्सएप पे तो मैं ग्रुप पर हूँ, तो ग्रुप पे, अच्छा तुम ग्रुप पे ना करो, फेसबुक मैसेंजर पे कर दो मुझे। ठीक है वो मैं आपकी प्रोफाइल देख लूंगा। चलो अच्छा है। दूसरा मेरा ये था कि मैं फिलहाल तो FBA PL के अंदर ही इंटरेस्टेड हूँ, माय प्रोडक्ट जो है वो लास्ट स्टेजेस में अप्रूवल के, सो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि जब वो हो जाएगा ना, तो आई स्टार्ट एन एफिलिएट साइट जिससे मैं ट्रैफिक अपनी लिस्टिंग पर ही भेजूं। और तीसरा ये था कि आपने Shopify dropshipping भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप सिर्फ पेड मार्केटिंग से बता रहे हैं, नॉट विद SEO? सॉरी फिर से बताओगे? मैं कह रहा हूँ Shopify dropshipping का मैंने सेशन मिस किया था, तो वो आपसे पेड मार्केटिंग से बता रहे हैं, उसको SEO से भी तो कर सकते हैं हम लोग, जो मैं SEO यहाँ पे सिखाऊंगा वो तुम लोग वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो उधर भी हो सकता है, तो अगर हम नीश ही सेलेक्ट करें इस तरह के, वो SEO मैं दो तीन साइट्स को जानता हूँ जिन्होंने प्रॉपर SEO करके जरा Shopify स्टोर चलाया था, और उनके स्टोर ने बहुत अच्छी सेल्स ला के दी ऑर्गेनिकली। मैं ये नहीं बोला टर्न्स एंड टर्न्स, लेकिन अच्छी सेल्स ला के दी है। सही है, तो मतलब SEO उधर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम पेड मार्केटिंग पे जाएं। नहीं, SEO तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और लास्टली मैंने पूछना था, ये सेशंस VBC पर अपलोड होंगे? बिकॉज़ अभी तक नहीं हुआ आई थिंक। एक मिनट रुकना यार, ये मैं अब तुम लोग से बोलूं कि हाँ हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब मैंने तो मैसेज करता रहता हूँ मैं ऑन एंड ऑफ। नो, आई जस्ट वांट टू नो द पॉलिसी के अपलोड होने हैं, बिकॉज़ उसका मसला नहीं है। होने 100% होने, 100% होने। मैं क्या पता, अच्छा आई थिंक जहां तक मुझे पता है ना, शायद दे आर रीवैम्पिंग देयर पोर्टल और समथिंग। ओके ओके,
हाँ, तो हो सकता है इस वजह से अभी ये ना कर रहे हो। सही है, ठीक है। अच्छा मैं आपको भी फिर WhatsApp मैसेज कर दूं? हाँ कर दो। यू आर इन द लाहौर फरवरी 2020 वाले ग्रुप में आप? या फरवरी इंटर यार, आई एम अ बूट कैंप स्टूडेंट। यस, तुम चेक कर लो, अगर वहां नहीं हूं मैं तो तुमको मैं कम से कम फेसबुक पे तो मिल ही जाऊंगा 100%। अच्छा, फेसबुक नेम क्या है आपका? मुइस खान। मुइस खान, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मैं आपको भी कर देता हूं। ओके, चलो, लाफ्स लाफ्स। ओके, ओके, तो जी मसूद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी मोहित भाई, मेरा सवाल जो है ना वो प्राइमरी कीवर्ड्स एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा प्राइमरी कीवर्ड है गेमिंग माउस और सेकेंडरी कीवर्ड सपोज करें मैं चूज करता हूँ कोई कंपनी हो, कॉर्सर गेमिंग माउस फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मेन कीवर्ड तो मैं योस्ट से प्लेस कर लूंगा, लेकिन अगर मुझे सेकेंडरी कीवर्ड प्लेस करना है तो योस्ट प्रीमियम मुझे लेना पड़ेगा। हाँ, तो क्या ये वाइज डिसीजन है, मतलब मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लूं उसकी? अभी नहीं लो, अभी नहीं लो। हाँ, तुम मुझे बता दो, तुम्हारा नाम है मसूद महमूद, ठीक है, तुम मुझे बता दो, तुम्हारा मैसेज करके मुझे तुम्हारा बजट क्या है, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल क्लियरली बताना खुल के, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। सही है, अभी तुमने स्टार्ट करा है नहीं करा, और तुमने क्या, तुम्हारा गोल अभी क्या है? मैं उसे वही $300 बताऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, दूसरा सवाल जो है ना मेरा वो आउटसोर्सिंग के लिए था। मैं खुद एक्चुअली अफिलिएट राइटर हूँ फाइवर पे, अभी फिलहाल जो है मैं अपनी नीच में अच्छा चल रहा हूँ, टॉप 4 में मैं आ रहा हूँ, अपवर्क पे भी मेरा सीन अच्छा है अभी। तो जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि मतलब आप जो एग्जांपल्स दिखा रहे थे, आपने आई थिंक शुमाइला जी की प्रोफाइल दिखाई थी, तो आई थिंक वो SEO राइटर है, नॉर्मल राइटर है, अफिलिएट राइटर वो नहीं है मेरे ख्याल में। ओके, तो पॉइंट में ये रेज करना चाहता हूँ कि क्या बेहतर नहीं होगा कि हम अफिलिएट राइटर जो स्पेसिफिक है इसके उन्हीं से काम कराएं? बेहतर है तुम लोग उससे काम करवाओ जो अगर Amazon के ही एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए आए, 100%, बिकॉज वो रूल्स और जो कंप्लायंस में रहेगा वो, मतलब सही है, इन कंप्लायंस रहेगा। अलबत्ता आप, अगर आपको लगता है, और मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, पहली प्रेफरेंस हमेशा एफिलिएट राइटर के लिए, अगर एफिलिएट राइटर जो है फॉर सम रीजन आपको महंगा पड़ रहा है, या आपको लगता है कि आपका कोई कजन है जिसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसको बता दो, उसको अवेयरनेस दे दो कि भाई एफिलिएट राइटिंग होती कैसे है, इस पे बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत ट्रेनिंग मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको वो मिल जाती हैं, आप दिलवा देते हो अपने कजन दोस्त या किसी को भी, तो फिर सही है, आप उसके साथ करवा सकते हो आप। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं भी स्टार्ट में मैंने शुरू किया था लिखना, तो मतलब कि शुरू में तो मुझे काफी बैशिंग मिली थी क्लाइंट से कि मतलब आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, इसमें ये नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल राइटर इस तरह लिखेगा कि लेट सपोज दिस प्रोडक्ट हैज अ गुड बैटरी, लेकिन एक अफिलिएट राइटर हर सोर्स से मतलब मैच करके कंपेयर करके ये लिखेगा कि दिस प्रोडक्ट हैज अ पावरफुल बैटरी दैट रन्स फॉर 6 hours, मतलब समथिंग लाइक दैट, मतलब समझ गया, कंपेलिंग वो। हाँ तो बस पॉइंट मेरा यही था कि हम अफिलिएट राइटर की तरफ हमें शायद ज्यादा जाना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम नॉर्मल राइटर्स की तरफ जाएं। ट्रू ट्रू ट्रू, सही कह रहे हो, ठीक है। तो बस यही पॉइंट मुझे रेज करना था, बाकी माशाल्लाह सेशन आज का बहुत इन्फॉर्मेटिव था, अच्छा था, मजा आया आज। चलिए ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू सो मच मसूद। जी अमजद। अस्सलामुअलैकुम मुईज भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मुईज भाई मुझे काइंडली ये बता दें, बेसिक क्वेश्चन है ये, कीवर्ड कैलेंडर क्या होता है? दूसरा, ये जो कीवर्ड स्टफिंग होती है सर, ये क्या चीज होती है? और थर्ड ये है कि ये जो स्ट्रक्चर ये जो हमारी इंफॉर्मेशन कॉन्टेंट होता है और कमर्शियल कॉन्टेंट होता है, इसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है ताकि अगर हम किसी से काम करवाते तो हमें आइडिया हो सके वो काम सही हुआ या नहीं हुआ।
अच्छा, तो कंटेंट कैलेंडर ये होता है कि आप जैसे गूगल कैलेंडर यूज करोगे, ठीक है, या तो फिर आप सैंपल कंटेंट कैलेंडर ये टर्म यूज करोगे, और कंटेंट कैलेंडर आप डाउनलोड कर लोगे किसी भी वेबसाइट से। कोर्स स्केड्यूल के भी अच्छे मिलते हैं, मार्क्यो के भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। गूगल कैलेंडर में आप आराम से एक लेजेंड बना सकते हो कि हाँ कि ये वाला जो, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, हम लोग इस तरह काम करते थे, देख रहे हो आप कि इस दिन ये ब्लू का मतलब ये, फॉर एग्जांपल, या फिर इस तरह समझो कि हाँ ब्लू का मतलब ये कि SEO आर्टिकल्स इस दिन बेस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। ग्रीन का मतलब ये कि इस दिन हम लोग सिर्फ रिव्यू आर्टिकल्स लिखेंगे। इस तरह हम लोग लेजेंड प्रोवाइड कर देते थे, और फिर ये हम लोग कंटेंट कैलेंडर कंटेंट राइटर को प्रोवाइड करते थे कि भाई ये देख लो मेरा कंटेंट कैलेंडर है, इस दिन ये कीवर्ड्स और इन आर्टिकल्स का, ये आर्टिकल का टॉपिक होगा, उसका मेन प्राइमरी कीवर्ड ये होगा, सेकेंडरी कीवर्ड ये होगा, और ये हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम्हें हर मंथ और मंथ ये फॉलो करना है, और उन डेट्स को मेरे आर्टिकल्स रेडी हो, सही है। फिर आप उसको बता देते हो कि ब्लू वाला जो है, जो मैंने ब्लू कलर दिया हुआ है, वो मैंने दिया हुआ है एसईओ आर्टिकल्स फॉर एसईओ आर्टिकल्स के लिए दिया हुआ है, जो कि बेस्ट ऑफ 10 बेस्ट हेडफोन्स फॉर एग्जांपल, सही है। और जो ग्रीन वाले हैं वो मैंने गाइड्स के ऊपर लिखे हुए हैं, सही है। आप उसको बाइफिकेशन कर देते हो उसके ऊपर। अच्छा, ये जो गाइड्स आप कह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है ये सारा? सॉरी, ये जो गाइड आप कह रहे हैं, गाइड कंटेंट होता है, ये इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है जो हेल्प करता है किसी यूजर को? हाँ, गाइड जो होता है वो इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर क्या नाम है प्रोडक्ट के ऊपर, कि उसको यूज कैसे करते हैं, या वो फॉर एग्जांपल कि जब आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो तो इसके साथ और क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं, इस तरह की चीजें। सर, ये कीवर्ड स्टफिंग जो होती है सर, ये इस वो भी कीवर्ड स्टफिंग ही होती है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपका मेन कीवर्ड है, तो आपको 1.8% से ज्यादा नहीं जाना है उस कीवर्ड को अपने पूरे आर्टिकल में। उसकी जो डेंसिटी रखनी है वो आपने 1.8% या कम रखनी है, लेकिन बहुत कम भी नहीं रखनी। कहने का मकसद ये कि 1.8% से जब आप ज्यादा जाते हो तो गूगल जो है उसको कीवर्ड स्टफिंग में ले आता है, मतलब कि आप उस एक कीवर्ड को बार 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 मेंशन कर रहे हो, ये सोच के कि अगर आप उसको बार बार मेंशन करोगे तो आप गूगल के एल्गोरिथम को ट्रिक कर दोगे और आप अपने उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपने आप को रैंक कर दोगे। तो गूगल उस चीजों में बहुत स्मार्ट होता है, वो समझ जाता है कि आप बार बार excessively stuff कर रहे हो उस कीवर्ड को। एक तो क्राइटेरिया ये होता है, दूसरा ये होता है जब आप कीवर्ड स्टफ करते हो तो जो रीडर होता है वो भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो बोलता है किस तरह का आर्टिकल है, एक ही कीवर्ड बार 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 हर सेंटेंस में ये यूज कर रहे हैं, मतलब कितना बुरा लग रहा है ये, सही है। ठीक है, तो इस वजह से कीवर्ड स्टफिंग आप नहीं करते। ये सर लास्ट क्वेश्चन, ये प्लेजरिज्म को हम कैसे चेक करते हैं सर? प्लेजरिज्म के लिए टूल्स होते हैं, वो टूल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर आप लोग वो टूल्स यूज कर सकते हो या खरीद सकते हो या देख सकते हो, सही है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ओके, एक मिनट रुकिएगा जी। जुबैर आप अपने आप को अनम्यूट कर दें। हेलो जी, जी जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, काफ़ी सवाल तो मेरे क्लियर हो गए थे। सर एक चीज़ सिर्फ पूछनी है, सिर्फ एक ऑलरेडी अमेजोन अकाउंट रन हो रहा है, मतलब उसमें मेरी काफ़ी मीटू की लिस्टिंग चलती रहती हैं। मैं अमेजोन एसोसिएट जो है, अच्छा उसी अकाउंट्स का जो स्टोर नेम है मेरा, उसी नेम से मैं अमेजोन का एसोसिएट अकाउंट बना सकता हूँ? जस्ट ये पूछना था मुझे। सॉरी, आप फिर से बताओ कि मैं, मतलब एक ऑलरेडी मेरे पास अमेज़न का अकाउंट रन चल हो रहा है मेरे पास, मैं उसी नेम से एक अमेज़न एसोसिएट का अकाउंट बना सकता हूं? उसी नेम से क्या आप अमेज़न एसोसिएट्स का नाम ये चीजें अब तक ना सर क्लियर नहीं हुई, पिछले सेशन में भी ये सवाल रेज किया। तुमने मुझसे इस तरह का सवाल करा था, क्या सवाल किया था तुमने? बिल्कुल, मैंने तो पूरा आपसे पूछा था कि मतलब आप क्राइटेरिया बता दें किस तरह से आप
उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, वो अभी तक चीज़ें ना कुछ मिसिंग है, मतलब उसी स्टोर नेम का अकाउंट और उसी नेम का मैं डोमेन परचेज कर लूँ, कोई मसला तो नहीं होगा ना? देखो तुम आईडी क्रिएशन, मेरे ख्याल से मुझे याद पड़े लास्ट टाइम मेरी तुमसे ही बात हुई थी और बहुत कंफ्यूजन हुई थी मुझे लास्ट टाइम भी, बैक एंड फोर्थ मैंने तुमसे एक सवाल करे थे। देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें फिर से स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ। तुम्हें आईडी क्रिएट करनी है अमेज़न एफिलिएट पे, आज तुम जाके कर सकते हो। आई होप तुम लोग ये ना करो अगर तुम लोग पीएल या होलसेल कर रहे हो, ठीक है? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आईडी और डोमेन नेम जो तुम सेलेक्ट करोगे उसका कोई लिंक होना जरूरी नहीं है, तुम बस जाके क्रिएट करो आईडी। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पूरा वो स्टेप्स हैं उसके, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम समझ जाओगे तब तुम जाओगे आईडी क्रिएट करने। उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन तुम्हारे डोमेन से होना जरूरी नहीं है, तुमको सिर्फ जब तुम साइन अप कर रहे होगे तो तुम्हें अमेज़न एसोसिएट्स को यह बताना है कि तुम किस कैटेगरी में काम कर रहे हो, बस। मतलब तुम्हारी निश क्या है और तुम्हारा जो जो वेबसाइट है वो क्या चीज प्रमोट कर रही है और तुम किस चैनल से ट्रैफिक भेज रहे होगे, तो तुम्हें उस पर लिख देना है एसईओ वगैरह जो भी, ठीक है? वहां पे टिक करने का ऑप्शन होगा, बस उस बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तुम अपना जो उसमें और कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अगर तुम नहीं, मैं इस चीज में कंफ्यूज हो रहा था कि अमेज़न का अकाउंट जो है मेरा वो जिस नेम से है, लेट्स सपोज अमेज़न का अकाउंट तुम्हारा किस चीज का तुमने बनाया हुआ है पहले ये तो बताओ। मी टू कर रहा हूँ मैं बेसिकली फिलहाल अभी। ओके, मी टू का वो चल रहा है मेरा, तो वो जिस नेम से लाइक वो अगर डिजिटल के नेम से वो अलग है। देखो मैं तुम्हें बताऊं सारे ये वो तो अलग है, ठीक है, वो सेपरेट अकाउंट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर मतलब मैं उसी नेम से अमेज़न एसोसिएट पे अकाउंट बनाता हूं तो उसमें तो मसला नहीं होगा उसी नेम से का मुझे नहीं पता। अगर तुम सेम ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हो तो मैं बोलूंगा अवॉइड करो, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट योरसेल्फ बैंड, बिकॉज अमेज़न तुम्हें पकड़ ले बाद में कि देखो ये वही बंदा है जो पीएल या मी टू या जो भी कुछ कर रहे हैं, वो अब इधर भी पकड़ा गया। सही 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 ठीक है, डोंट यूज। हाँ, काफी प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो इसमें आपको रखने हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच भाई, नो प्रॉब्लम। ओके, जी आसिम, आसिम अपने आपको अनम्यूट कर दें, आपने शायद म्यूट करा हुआ है। हेलो, जी आसिम जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, सबसे पहले मोहित भाई पूछना ये था कि जो टूल्स आपने बताए उनको उसकी हम सब्सक्रिप्शन ले लें अगर लाइक क्योंकि काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो फ्री टूल्स पे तो आपको पता है उनकी लिमिटेड एक्सेस होती है, और अगर कोई सीरियस नोट पे काम करना चाहते हैं तो फिर उसको तो रिसर्च वर्क के लिए आप लोग वो ले सकते हैं $10 का एसईओ ग्रुप एसईओ आरडीपी से एचरेफ्स ले सकते हो आप लोग चाहो तो। मतलब भाई उसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन आप लोग अगर चाहते ही हो ये कुछ यूज करना तो आप लोग अभी एचरेफ्स करना स्टार्ट कर सकते हो, अपनी कीवर्ड रिसर्च वगैरह हल्का सा प्ले अराउंड विद इट, थोड़ा सा देखो कैसे क्या चीज काम कर रही है। जब तक मैं जब आऊंगा उस टॉपिक पे तो तुम लोगों को पहले से काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये था क्योंकि हम पीएल में या तो हमें नॉलेज ज्यादा है या उन लोगों ने स्ट्रेटजी ऐसे बनाई है, क्योंकि उनके ना कुछ डिफाइंड टूल्स है और डिफाइन एक फ्रेमवर्क है कि इसी पे चलो, लाइक फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू विल बी देयर समहाउ। इन एफिलिएट में मुझे थोड़ा सा फील हुआ ना कि जनरल होता है, लाइक अ लॉट ऑफ टूल्स एंड अ लॉट ऑफ जनरल थिंग्स, तो कोई इस तरह का आप कोई फ्रेमवर्क नहीं दे सकते? क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस चीज को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको ना वो प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं मिलती, जिस तरह पीएल या होलसेल एफबीएम है उनको उनको पता है कि व्हाट वी हैव टू डू एंड हमें क्या चाहिए और कैसे हमने चलना है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ टूल्स बता दें कि दिस इज ए मस्ट फॉर एफिलिएट, लाइक उनको ले ले, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे टूल्स बता दिए, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया, मैं खुद सीरियस हूँ लेकिन सिर्फ ये जनरलाइजेशन की वजह से ना थोड़ा सा वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखो टूल्स मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात, टूल्स तो मैंने सिर्फ तुम लोग से एक ही बोला है लेने के लिए जो कि एचरेफ्स है, ठीक है?
फिर स्क्रैप बॉक्स वगैरह है, अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने खुद नहीं यूज़ करा, मुझे अवैस ने बताया था, तो वो मुझे खुद यूज़ करना है। अवैस को मैं कॉल करूँगा, मुझे बता दे किस तरह यूज़ हो रहा है वो, तो वो मुझे उसके ऊपर जो है थोड़ी लाइन राइट डाल देगा, बता देगा, समझा देगा। लेकिन उसके एचरेफ्स के अलावा तो मैंने आपको कोई टूल ही नहीं बोला यूज़ करने के लिए। नहीं, जो 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 भी टूल्स थे, जैसे जो ओवर था, एक ओवर के नाम से, ओवर सजेस्ट वगैरह, नहीं वो आप लोगों को लेना नहीं है, वो तो फ्री टूल है। उसके ऊपर तो आप लोग, जो मैंने आप लोगों को सेशन में बताया है किस तरह सर्च करना है, आप लोगों को बस उस तरह सर्च करना है। देखिए, अभी टूल्स बताने का मकसद ये है आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को बताया है उसमें से एक भी नहीं खरीदना सिवाय एचरेफ्स के, क्योंकि एचरेफ्स इज बेसिकली ऑल इन वन। ठीक है, एचरेफ्स पे मैं क्यों नहीं कुछ एक्सप्लेन कर पाया आप लोगों को, क्योंकि एचरेफ्स का एक्सेस मेरे पास खुद नहीं है, आज मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रोवाइड करा है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। और बाकी जो टेम्पलेट्स वगैरह उन पे भी आप आएंगे बाद में कि लाइक कौन सा चूज करें, कहां से चूज करें, कहां से होस्टिंग और डोमेन ले ले, लाइक वो भी आपने बताया था पिछले सेशन में, लेकिन फिर भी अगर आप बता दें लाइक कि यही फॉलो डू दिस, सो मेरे ख्याल में इजी हो जाएगा। जस्ट एक सजेशन है, जिस तरह वो बताते हैं। मेरी मेरी तरफ मेरी प्रॉब्लम, मेरा इंटरनेट थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है, आपकी आवाज मेरे पास सही से आई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक थीम था जो आपने बताया कि लाइक आप कुछ प्रीमियम थीम्स होते हैं, अगर आप उसकी तरफ आप जाएंगे तो बेहतर है। तो लाइक आप अगर कोई सजेस्ट करें कि इसी थीम के या इस चार पांच थीम में से कोई थीम आप उठा ले, ठीक है, या इस होस्टिंग और इस डोमेन में आप जाए और यहाँ से आप परचेज करें, तो हमारे लिए वो, क्योंकि नई एक नई एक चीज है, नई स्टार्टिंग है, तो मेरे ख्याल में इजी हो जाएगा बाद में। ठीक है ओके, थैंक यू। ओके, जी फहर। मुइज़ भाई, आपने एक एग्जांपल दी थी एक कीवर्ड की, जिसमें आपने रैंक किया था, जो आपने बताया कि अभी तक उस कीवर्ड के ऊपर रैंक है, आप एग्जैक्टली उसका प्रोसीजर बता सकते हैं कि जो स्टेप्स आपने फॉलो किए, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो वेबसाइट को मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करना डिस्कस किया है। जैसे अमेज़न पर हम रैंक करते हैं, एक स्पेसिफिक कीवर्ड को लेते हैं, उसके ऊपर हम गिवअवेज करते हैं और उसके ऊपर अल्टीमेटली रैंक करते हैं। क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिसमें हम वन स्पेसिफिक कीवर्ड को फोकस करके गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर जाएं? अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कीवर्ड मैंने आप लोगों को बताया था माइनक्राफ्ट, जिस पे मैंने बोला कि हमारे डायरेक्टर ने हमें चैलेंज करा था कि इस पे नहीं कर सकते तुम लोग, मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूँ। ये कीवर्ड इसलिए इसने बोला था क्योंकि इस पे ना बहुत लोग जो है ना कॉम्पिटिशन लेके बैठे हुए थे, मतलब बहुत लोग थे जो इस पे जो ना लिख रहे थे पहले से, बिकॉज काफी कन्वर्टिंग कीवर्ड था उनके लिए। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ स्टेप्स में, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में कि हमने करा क्या था। पहली चीज हमने ये करी थी कि हमने इसका मेन कीवर्ड लिखा, जो हमारे पास जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कन्वर्टिंग कीवर्ड था, जो सबसे मेन था, वो था माइनक्राफ्ट लैग। ये देख रहे हैं, माइनक्राफ्ट और लैग, ये हमारा मेन कीवर्ड था। ठीक है, अब हमने इसको अपने आप को रैंक करना था पहले पेज के ऊपर। आई थिंक जहां तक मुझे पता है शायद और भी हमारे आर्टिकल शायद पहले पेज पर हों, या शायद ना भी हो, नहीं अब नहीं है बहरहाल, लेकिन सेकेंड थर्ड पेज पर होंगे आई एम श्योर। तो अब हमने करा ये कि हमने पहले एक प्लान बनाया, जैसे कि हायरार्की बनाई। हायरार्की में सबसे टॉप पे जो था, जो पेरेंट कीवर्ड था, वो था हमारे पास माइनक्राफ्ट लैग। फिर उसके हम लोग ने मजीद बायफिकेशन करी हमने उसमें, लैग से रिलेटेड LSI कीवर्ड्स, जो मैं बोलूँ और सिनोनिम्स जो होते हैं LSI कीवर्ड्स जनरेटर, वो थे पिंग, एक सेकंड दिखाता हूँ, लो पिंग होता है, उसके अलावा होता है लो पिंग के अलावा क्या होता है, पैकेट लॉस होता है। ठीक है, लो पिंग और पैकेट लॉस इस इंडस्ट्री में लैग जो वर्ड है, ये एक इंटरनेट का वर्ड है कि जब आपका इंटरनेट स्लो चल रहा होता है तो गेम खेलने में आपका गेम अटकता है, जब आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हो, तो माइनक्राफ्ट एक गेम है, इतना समझ गए। तो अब लैग से रिलेटेड दूसरे LSI कीवर्ड्स हम लोग को सर्च करने थे, तो हमने क्या करा, मेन कीवर्ड सबसे टॉप पे रखा, पेरेंट कीवर्ड,
जिसका नाम था माइनक्राफ्ट लेग, उसके नीचे उसके छोटे छोटे बच्चे हमने बना लिए, जिसके ऊपर फिर हमने मजीद आर्टिकल्स लिखे अलग से, माइनक्राफ्ट के ऊपर अलग पहले आर्टिकल लिखा और फिर उन छोटे बच्चों कीवर्ड्स के ऊपर जो कि जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम थी उनके ऊपर अलग आर्टिकल लिखे हमने, सही है। वो आर्टिकल्स हमें क्या लिखने थे, हमने LSI जनरेटर से हमने जनरेट करे, लैग के सिनोनिम्स और इंडस्ट्री में कौन से थे जो यूज होते हैं वो मुझे पता है, जैसे कि वायरलेस का LSI है ब्लूटूथ, समझ गए, वायरलेस हेडफोन ब्लूटूथ हेडफोन, तो हमने और ऐसे जनरेट करे और हमने उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे। इसके और आर्टिकल्स क्या बनते हैं मैं बताता हूं आपको, लो पैकेट, ओ सॉरी, पैकेट लॉस, माइनक्राफ्ट पैकेट लॉस, माइनक्राफ्ट हाई पिंग, माइनक्राफ्ट हाई पिंग, माइनक्राफ्ट पैकेट लॉस, चलिए यही दो अभी दिमाग में रख लिया, और भी हैं इसके अलावा, ठीक है, लैग, लैग इन माइक या माइनक्राफ्ट लैग, माइनक्राफ्ट हाई पिंग, माइनक्राफ्ट पैकेट लॉस, तीनों के मतलब मोर और लेस सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस पे आता है, माइनक्राफ्ट लैग पे, तो हमने इसको पेरेंट बना दिया। फिर पहले हमने इसके ऊपर एक लेंथी आर्टिकल लिख लिया, फिर हमने दो और आर्टिकल्स लिखे, लेंथ सही थी उनकी, मतलब अच्छी हेल्दी आर्टिकल्स थे, मतलब अच्छे कंटेंट में अच्छे खासे थे, और उस पे हमने बैक लिंक दिया इस मेन आर्टिकल का। उन आर्टिकल्स पे रैंक करना आसान था क्योंकि कॉम्पिटिशन लो था, जब उन आर्टिकल्स पे हम रैंक हुए और उस पे जो भी ट्रैफिक आना शुरू हुआ और उन आर्टिकल्स से, मतलब जैसे माइनक्राफ्ट पैकेट लॉस या माइनक्राफ्ट हाई पिंग से, जो भी उसके अंदर हम लोग ने बैकलिंक्स दिए थे बेसिकली, सही है, जो भी उन बैकलिंक्स के ऊपर क्लिक करता था तो गूगल इस आर्टिकल को और अथॉरिटी देता था। इस मेन आर्टिकल के अंदर हमने कोई बैकलिंक नहीं दिया हुआ छोटे आर्टिकल्स का, क्योंकि हम ये चाह रहे थे छोटे आर्टिकल्स से लोग हमारे बड़े आर्टिकल की तरफ आए, इफ यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। विद टाइम ये ट्रैफिक जनरेट होता रहा, हम लोग भी ट्रैफिक भेजते रहे, ऑफ साइट SEO करते रहे, हम लोग कम्युनिटी से, सोशल मीडिया से ट्रैफिक भेजते रहे, तो इवेंचुअली हमारा ये आर्टिकल आज आप देख रहे हो रैंक हुआ है। सिंपल स्ट्रेटजी हमने इसकी ये रखी थी। अच्छा, यानी कि आपने एक मेन आर्टिकल, एक आर्टिकल जिसमें आपका मेन कीवर्ड है, आपने उसको रैंक करना है गूगल में टॉप पे, तो हम जाहिर है उसके टाइटल के अंदर हम वो मेन कीवर्ड ऐड कर देंगे, पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर हम उसके सिनोनिम्स फाइंड आउट करेंगे और उन सिनोनिम्स के ऊपर फर्दर आर्टिकल्स लिखेंगे उसी वेबसाइट के अंदर और बैकलिंक कर देंगे उस मेन आर्टिकल की तरफ, ताकि लोग जब आए और वो उन सब आर्टिकल्स को या रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद क्लिक करें और मेन आर्टिकल की तरफ आए। Exactly. ताकि गूगल के अंदर इंटरलिंकेज जनरेट हो के Exactly. लोग इस मेन की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बहुत पावरफुल आर्टिकल है। हाँ, और यही चीज आपके गेस्ट पोस्ट पे भी काम आती है। सही है। अच्छा, अब जैसे आपके फॉलोअर फेसबुक से ट्रैफिक आ रही है या इंस्टाग्राम से आ रही है, तो गूगल को कैसे पता है ये ट्रैफिक, क्योंकि वो तो एक ब्राउजर के अंदर एक लिंक ओपन हो गया, या फिर गूगल वहां से बैकलिंक से हमें बैकलिंक से कोरिलेट करेगा कि वहां से ट्रैफिक यहां पर आ रही है। देखिए, गूगल को तो सब कुछ पता चल जाता है ट्रैफिक कहां से आ रही है, तभी हम गूगल एनालिटिक्स भी यूज करते हैं। अगर हम UTM, एक चीज होती है, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, UTM पैरामीटर्स हम प्रोवाइड करते हैं अपने लिंक को ताकि हम अपने रिकॉर्ड के लिए ये जान सकें कि वो ट्रैफिक एग्जैक्टली कहां से आ रहा है। लेकिन गूगल जो है ना, मेजॉरिटी ट्रैफिक खुद ब खुद बायफिकेट करके समझ पाता है कि ये ट्रैफिक मेरे पास सोशल से आ रहा है, ये ट्रैफिक मेरे पास ऑर्गेनिक से आ रहा है प्योर, सही है, ये डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है, तो ये सारी चीजें होती हैं। खैर, मैंने अभी लॉग इन नहीं करा हुआ, फिर वही बात है कि इसके ऊपर मेरे तवील वो हो जाएगी, लेकिन गूगल नोज के ये ट्रैफिक इस आर्टिकल के पास कहां से आ रहा है, इन शॉर्ट। सही है। इसका मतलब है कि गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करना हमारे लिए अच्छा है। जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा जो प्रोसीजर है वो इंटरलिंकेजेस जनरेट करने की तरफ इंक्लाइंड है, कि हम अपनी वेबसाइट को लिंक करें बाकी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स से और अपने आर्टिकल्स को लिंक करें
within the website dusre low traffic articles. That's another, yes, that's another good practice to go about. Sahi. Theek hai. Bahut shukriya Mohit bhai. Aves, I'll call you. Ye jo tumne likha hua hai na message, I'll call you in regards to this. Inshallah, phir iske upar detail mein baat karte hain. जी तैयबा जी सर, मेरे एक दो क्वेश्चन रह गए थे. मैंने ये पूछा था कि इसमें जब हम आर्टिकल्स होंगे तो इसमें जो हम पिक्चर्स यूज करेंगे, इमेजेस वगैरह, स्टॉक इमेजेस, स्टॉक इमेजेस, उसके मैं पिक्सबे वगैरह की मैंने वो जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, सही है, कोशिश करो पिक्सबे वगैरह की करो. अगर तुम लोग कहीं और के पिक्चर्स यूज कर रहे हो तो उनको रेलेवेंट वो दो, क्या नाम है, क्रेडिट दो. तुम लोग का मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है अभी? जी आ रहा है. ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे पिक्सबे, कैनवा, पिक्सल्स, यहाँ से तुम नहीं, उठा वो सकते. नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा. चलो एक मिनट रुको, इनकॉग्निटो वाली साइट शो हो रही है. जी अब आ रही है. ठीक है, वरना अगर कहीं और से साइट से उठा रहे हो तो उनको रेलेवेंट उसका क्रेडिट दो, उस पिक्चर के नीचे लिख दो कि इस पिक्चर का क्रेडिट जो है ना उस फलाना वेबसाइट को जाता है. जैसे अब आपने ये माउस की एग्जांपल दी थी, वायरलेस माउस, तो इसमें जो मेन इमेज, जो प्रोडक्ट का इमेज है, वो हम Amazon से भी उठा के डाल सकते हैं. Amazon से उठा के डाल सकते हो, और उसके अलावा तुम लोग सर्च भी कर लो, बेहतर है स्टॉक इमेजेस वगैरह पे. अगर पिक्सबे वगैरह अगर इधर मिल जाती तो गुड है, कुछ की मिल भी जाती है टाइम्स, सो या. और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा था कि जो पीएल और होलसेल वाले हैं वो एफिलिएट में एक साथ नहीं करें, तो अभी हम पीएल की प्रोडक्ट हंटिंग में हैं, होलसेल की भी इसी तरह से, तो अगर हम अभी ये स्टार्ट कर लें और जब वो हमारा शुरू हो जाए तो इसको फिर हम तब स्टॉप कर दें तो कोई इशू तो नहीं होगा उसमें फिर? मतलब तुम लोग स्टॉप करना चाहो इस प्रोजेक्ट को, कभी भी स्टॉप कर सकते हो, कोई मसला थोड़ी है. स्टॉप मतलब ये है कि सेम आईपी शेयर ना हो, फिर इसका कोई हम सेकंड हल ये निकालेंगे कि आईपी चेंज करके या कुछ इस तरह से वो नहीं, करेंगे. नहीं, तुम लोग ये नहीं कर सकते. तुम लोग सेम डिवाइस, सेम इंटरनेट के ऊपर कभी भी ये भी नहीं सोच सकते कि मैं कभी, जैसे सपोज आज मैं कर रहा हूँ Amazon Associates और मैं बोलता हूँ कल से मैं पीएल करने जा रहा हूँ, तो तुम ये रिस्क लो इस बात का कि चलो आज से मैं अपना जो है ना Amazon Associates नहीं यूज करूंगा, लेकिन अब मैं पीएल करना स्टार्ट करता हूँ. मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ये. मतलब देखो, असल में पीएल पे तुम लोग की स्टेक बहुत लगा हुआ होता है, रिस्क बहुत होता है. मैंने एक चीज खुद नहीं करी भी, मैं किसी और को कैसे रेकमेंड कर सकता हूँ? करना चाहो तो भाई जो अपनी मर्जी पे करना चाह रहे करे, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज किसी को नहीं रेकमेंड करता ना मैं करूंगा कि कल को तुम लोग के पीएल तुम लोग का एट स्टेक जाए. मैं कभी भी नहीं ऐसी कोई चीज रेकमेंड करूंगा क्योंकि तुम लोग को वहां पे बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ होता है. ठीक, मतलब ये है कि Amazon देखेगा कि पास्ट में SIP से affiliate marketing होती रही है, तो वो definitely उसका फिर वो risk पे चला जाएगा account. देखो कहने को तो यहाँ पे बहुत सारी assumptions हो सकती है, क्योंकि मैंने PL नहीं करा हुआ तो मैं कह नहीं सकता. Maybe कोई मुझे ऐसा बंदा मिल जाए जिसने सेम डिवाइस से PL भी करा हुआ और associates भी चला रहा हो, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट्स को ना प्रमोट कर रहा हो, तो क्या पता Amazon इस चीज की इजाजत देता रहे. इस पे बस ये है कि मतलब मैं Amazon को एक सपोर्ट टिकट लिख सकता हूँ पूछने के लिए कि भाई क्या मैं PL और associates एक साथ कर सकता हूँ, लेकिन मेकिंग श्योर के associates में जो है मैं अपने PL के प्रोडक्ट्स प्रमोट ना कर रहा हूँ. क्या पता, मतलब मैंने ये चीज करी भी नहीं तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता. आप ये इसका पूछ के बता सकते हैं लाइक ईसी टीम वगैरह से कि अगर इस तरह का सिनेरियो, क्योंकि इन द एंड हमने करना तो पीएल ही है, लेकिन अभी किचन इनकम स्टार्ट करनी है तो इसके लिए हम ये जो दूसरी स्ट्रीम्स है इनको डेफिनेटली कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर जब कल को ये ना हो कि ये अभी ये कर रहे हो इनिशियली और बाद में जब वो स्टार्ट करें तो वो हमारा स्टेक पे लग जाए, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाए. मैंने लिख लिया, मैं पूछ लूंगा उनसे. चलें, थैंक यू. बाकी एक ये है कि जब हम Amazon affiliate का अकाउंट लेते हैं तो उसमें हम उनको बताते हैं कि हमने इस नीच में जो है वो काम करना है इस नीच के लिए, तो बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं उसको? सॉरी, हाँ आप चेंज कर सकते हैं उसको, चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट नीच में जा रहा हूँ तो कर सकते हैं. चलें, ठीक है, थैंक यू सर. सेशन बहुत अच्छा था आपका, काफी चीजें सीखने को मिली हैं. थैंक यू. जी तलाल, हेलो तलाल. हाँ हाँ, ओ सॉरी, अच्छा
मुझे ये बताइए कि आई थिंक आपने आंसर कर दिया एक दो दफ़ा, बजट के हवाले से एक क्वेश्चन था जहन में कि लेट्स से अभी आपने सेशन में शुरू में बताया कि एटलीस्ट अगर हमने 30 आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं किसी से तो हम राउंड अबाउट $750 का हम बजट रख रहे हैं अपने पास आर्टिकल्स के लिए. अच्छा, हम एटलीस्ट इन एन आइडियल सिनारियो हम ये अज्यूम करते हैं कि हम 6 से 7 महीने के अंदर या एटलीस्ट 6 महीने के अंदर हम 750 पर मंथ लगाएंगे तो उसके बाद जाके हमें कुछ आउटकम आना शुरू होगा, आइडियल सिनारियो की बात है, राइट. तो अब जब हमारी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी इसके थ्रू तो उसके बाद भी हम फिर वही $750 स्पेंड करके हम अगर कर आपको देखे मैं बताता हूँ आपको एक पॉइंट आता है. अगर आपने अपने सारे आर्टिकल्स अगर आपने अपनी रिसर्च कर ली और टोटल आपकी साइट पे 100 आर्टिकल्स जाने और वो आपने सारे कंटेंट एरियाज कवर कर लिए और कोई नई अपडेट्स नहीं आ रही उस प्रोडक्ट या उस निश से रिलेटेड, तो आपने सारे एरियाज कवर कर लिए 2019 के लिहाज से अप टू डेट सारे आर्टिकल्स हैं. अब आपने छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, अगर आपकी $300 से $500 तक की आपकी इनकम जनरेट होने शुरू हो गई है तो लीव इट एज इज. आप बस अपडेट करने के ऊपर फोकस करें, फोकस आप ये करें कि मेरे आर्टिकल्स जो रैंक हो गए हैं अब मैं उनको मेंटेन करने पे फोकस करूंगा. अच्छा, अब जब हम मेंटेन की बात करें तो मेंटेनेंस के अंदर क्या चीज कवर होगी? मेंटेनेंस में बहुत दो से तीन मेन चीजें आ जाती हैं. एक चीज ये कि मैं अप टू डेट रखूंगा अपने आर्टिकल्स को, ठीक है. हो सकता है कि आपको टॉप 10 का पूरा आर्टिकल आपको अपडेट ना करना पड़े, सिर्फ आपको 3 नए कोई डिवाइसेस आ गए हो उसी आर्टिकल में वो आपको अपडेट करनी पड़े. हो सकता है कि आपको जो है ना अपना पेज रिस्पांस टाइम बेहतर करना पड़े, ठीक है. हो सकता है कि आपको और बैकलिंक्स जनरेट, देखिए बैकलिंक्स तो आपको जनरेट करते रहने, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है. तो आप वो दिन में आप 5 भी कर लें खुद से, 10 भी कर लें तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. लेकिन एक प्रैक्टिस रखें कि यार मुझे दिन में सोने जाने से पहले एटलीस्ट 5 से 6-7 बैकलिंक्स बना लेने मैंने, ठीक है. तो इस तरह की चीजें अगर आप करते रहोगे तो वो मेंटेन रहेगा, ठीक है. तो अच्छा, एक दो क्वेश्चन और थे मेरे ध्यान में नहीं रहे, चले मैं आपको मैसेज कर दूंगा फिर. ओके ओके देन, ओके थैंक यू. ओके गाइस, आई एम गोना क्लोज दिस सेशन नाउ. इट वाज नाइस हैविंग दिस सेशन विद यू ऑल. इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, ठीक है, फिर आप लोग से मिलते हैं और बात करते हैं. अल्लाह हाफिज़.